स्टार्ट करें yes, yes. <laughs> अभी तक की आप लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या कहती है जो मैंने कहा वही बता सकते हैं करंट बेस्ड है ठीक है किस तरह के क्वेश्चन है करंट बेस्ड है या फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड है से हैं कंसेप्चुअल हैं इन सब के साथ जो क्वेश्चंस है वहाँ पर नेचर कैसा है ये भी इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि कहाँ पढ़ना है तो उसके साथ साथ कितना पढ़ना है ठीक है आगे हम चलते हैं आप देखोगे ट्रेंड थोड़ा इवॉल्व होगा अभी तक करंट अफेयर का रोल अच्छा खासा चला था लगभग अब आप धीरे धीरे देखोगे बीस इक्कीस के क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कंसेप्ट बेस्ड हैं कुछ कुछ फैक्चुअल तरह के क्वेश्चन भी होंगे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले 2019 के जो जीएस के क्वेश्चन हैं उसके साथ एक चीज़ और कुछ क्वेश्चन जो हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के होते हैं लाइक आप उनको इकोनॉमी में भी डाल सकते हो किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी हो सकता है आपने कहीं उनको पढ़ा हो तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर मिस हो गए हो तो आपको घबराना नहीं है कहीं ना कहीं वो कवर हो जाएंगे और ऐसा कुछ कंसेप्चुअल उनमें नहीं रहेगा कि अगर आप ना पढ़ें तो उससे कोई नुकसान होगा अपने लेवल पर आप उन क्वेश्चन को देख सकते हैं ठीक है एक और चीज थोड़ी सी स्पीड आज हमें तेज रखनी पड़ेगी तब कहीं जाकर हम पांच साल के क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे साथ ही थोड़ा सा पेशेंस भी आप लोगों को दिखाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी क्लास लेट हुई है तो थोड़ा सा सेशन कंक्लूड करने में भी देर होगी ठीक है नहीं नहीं ब्रेक आप लोगों के लिए तो जरूरी नहीं है मेरे लिए जरूरी है ठीक है ठीक है मैं ब्रेक नहीं लूंगी चलिए देखते हैं कैसा रहता है ठीक है हम्म, उसके अनुसार अगर आई फील लाइक बिना ब्रेक के काम चलेगा तो हम कंटिन्यूटी में रखेंगे चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 2019 के पेपर से है एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन क्या है ए आई आई बी के अस्सी से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं दूसरा ए आई आई बी में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है और तीसरा ए आई आई बी में एशिया से बाहर कोई सदस्य नहीं है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक आप देखोगे कि 2019 से पहले के जो चार पाँच वर्ष रहे उसमें काफ़ी अधिक चर्चा में रहते हैं बार बार इनकी मीटिंग्स न्यू डेवलपमेंट इनको लेकर आते रहे हैं तो ये टॉपिक आपसे पूछा गया अब चलिए आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि ये आधारिक अवसंरचना निवेश बैंक जो है वो किस तरह की संस्था है क्या काम करता है बहुत ही बेसिक्स से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है बताएंगे मैम एशिया में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए डेप्ट प्रदान करता है ठीक है तो बेसिकली एक बहुपक्षीय विकास बैंक है सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करता है बट एक चीज ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इसके कार्य या इसकी सदस्यता सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है इसके मैंडेट में ही लिखा गया है कि ये जो इसके सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करने के लिए एशिया और बियॉन्ड दोनों पर काम करेगा ठीक है इसके अलावा इसकी पूंजी को लेकर क्या है क्या इसमें सभी के पास समान जो है अधिकार है स्टेटमेंट में देखिए जरा शेयर जो है सबके पास समान है इसमें आप देखेंगे नहीं सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है चाइना के पास अराउंड ट्वेंटी सिक्स परसेंट दूसरे नंबर पर भारत आता है लगभग सेवन पॉइंट फाइव परसेंट शेयर के बाद और इसके बाद रशिया तो सेकेंड स्टेटमेंट ये बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है भारत ए में सबसे बड़ा शेयर धारक है क्या ये सही है क्या पता चला सबसे बड़ा शेयर धारक नहीं है दूसरा ए में एशिया के बाहर कोई सदस्य नहीं हो सकता मैंने क्या बताया एशिया और बियॉन्ड एट प्रेजेंट आप देखोगे दो हजार का कुछ डेटा है कि इसमें मोर देन 100 कंट्रीज थी जो इसकी मेंबर थी इसकी फाउंडिंग जो मेंबर्स थी वो लगभग 57 कंट्रीज थी तो ऐसा नहीं है कि इसकी सदस्यता सिर्फ एशिया तक ही सीमित रहेगी या एशिया के बाहर कोई इसका सदस्य नहीं बन सकता तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है ए के अस्सी से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं ये बिल्कुल सही है फिफ्टी सेवन इसके फाउंडिंग मेंबर हैं इंडिया भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन का लेवल काफी जो है ये सहज है अगर आपने ए के बारे में ठीक से पढ़ा है तो अब कंपेरिजन हो जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक अब न्यू डेवलपमेंट क्या है बैंक बिल्कुल बिल्कुल ब्रिक्स बैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है अच्छा इसमें शेयर को लेकर क्या है जो इनिशियल पूंजी है वो इसके जो सदस्य हैं उनके बीच बराबर बटी हुई तो ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता अब यहाँ पर ये चर्चा करने की आवश्यकता सिर्फ इसलिए थी कि जब एक तरह के दो संस्थान जहाँ कुछ उद्देश्य मिलते हों कार्य मिलते हों जब आप उनको पढ़ें तो तुलनात्मक रूप से पढ़ सकते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे और कन्फ्यूजन ना हो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन किसी के लिए डिफिकल्ट था बल्कि कि बात क्या थी कि न्यू डेवलपमेंट जो बैंक था और ए भी दोनों साथ चर्चा में थे एग्जाम प्रेशर में जब आप बैठते हो तो होता क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो है कहीं की इंफॉर्मेशन कहीं दूसरी जगह पर लिंक हो जाती है तो जहां कुछ भी ऐसा कंपेरेटिव अध्ययन का स्कोप लगे कंपेरेटिवली चीजों को आप पढ़ेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए केवल एक ठीक है क्वेश्चन नंबर दो पर आइए हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिट क्रेडिटर, क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य क्या था कोई बताएगा किसी ने पढ़ा है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट आखिर क्या है प्रोजेक्ट सशक्त हमारे यहाँ लाया गया पीएनबी के चेयरमैन थे जिन्होंने ये अनुशंसा की किस तरह का प्रोजेक्ट लाना चाहिए प्रोजेक्ट किससे जुड़ा हुआ था सिर्फ ये देखिए जो हमारी एनपीए है या जो बैड लोन्स हो चुके हैं उनके समाधान से ये प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ था ठीक है एक बार मैं स्टेटमेंट देखती हूँ भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू लेखा घाटे वर्ष भार को, को एलिमिनेट कर देंगे चलिए सेकंड ऑप्शन पे आते हैं केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधारिक संरचना परियोजनाओं को संबल प्रदान करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना क्या ऐसा कुछ इसका पर्पज है नहीं है कंफ्यूजन सिर्फ लास्ट दो ऑप्शंस में बसता है देखिए 50 करोड़ या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना और नेक्स्ट ऑप्शन है 50 करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियां स्ट्रेस्ड असेट जो हैं उनका सहसंग उधारी यानी कर्सोटियम लैंडिंग के अंतर्गत हैं अधिक तेजी से समाधान का लक्ष्य रखना इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं अगर हिंदी में डिफिकल्टी है तो अंडर अब प्रोजेक्ट सशक्त का क्या था? देखो, इस प्रोजेक्ट के तहत कहा गया कि पचास करोड़ से कम वाली आपकी उधारी है ठीक है तो वहां तक तो बैंक खुद अपने लेवल पर डील कर सकते हैं लेकिन अगर उधारी 50 करोड़ से अधिक है और बहुत सारे बैंक आप देखोगे वित्तीय संस्थाने उधार देने में जुड़ी हुई हैं तो जो लीड होगा उसमें से जिसकी सबसे ज्यादा वहां पर जो है जिसने धन दिया हुआ है वो मेन भूमिका में रहेगा वो संघ बनाएंगे और फिर मिलकर जो है इस बैड असेट का जो क्रिएट हो चुकी है बैड लोन का समाधान वो करेंगे अब उनको शक्ति दी गई कि पहले तो जो लीड बैंक उसमें रहेगा 180 दिनों में आप रेजोल्यूशन प्लान दीजिए अगर फिर नहीं हो पाता तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आईबीसी कोड आप सभी को पता है मामला उसके तहत जाएगा तो ये जो लास्ट दो ऑप्शन है इनमें थोड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में चाहिए थी तो आई कैन से कि हाँ 50-50 तक तो आप पहुंच जाएंगे अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया भी है उस 50-50 में से सही आंसर के लिए आपके पास या तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या अच्छी किस्मत होनी चाहिए ठीक है दोनों चीजों का में से जो भी आपके साथ है तो आप चले जाएंगे तो इसलिए कुछ कुछ जगह पर बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड है तो आंसर इसका क्या होगा डी ये बिल्कुल औसत तरह का क्वेश्चन है मैं सीधा आगे बढ़ती हूँ प्रश्न देखकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अध्यक्ष का चयन कौन करता है कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है अच्छा आप देखोगे बैंक बोर्ड ब्यूरो से जुड़े हुए आगे भी कुछ प्रश्न आएंगे तो यहां से बार बार तरह तरह के प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं बस ध्यान की ये बात है ठीक है अगले क्वेश्चन पे आइए निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स का उपसूचकांक नहीं है अब यहां पर जो मैसेज है वो ये है कि आपको हर एक छोटी से छोटी रिपोर्ट को संदर्भ में रिपोर्ट के संदर्भ में ये नहीं पढ़ना है कि कौन कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं इस प्रश्न को देखकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी पॉपुलर रिपोर्ट थी इसलिए इतना डिटेल में जाकर आपसे पूछा गया है तो जो कुछ पॉपुलर रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं अन्यथा किसके द्वारा रिपोर्ट दी जाती है इंडिया की रैंकिंग ये दो तीन चीज़ें हैं जिनको पढ़कर आप आगे बढ़ सकते हैं अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपोर्ट बंद हो गई है तो चलिए बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उप सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है कितने संकेतक हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के दस संकेतक किस किस तरह के संकेतक हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करना करों का भुगतान ठीक है निर्माण संबंधी परमिट प्राप्त करना तो आप देखोगे ये कानून और व्यवस्था को बनाए रखना ये उसके संकेतक में नहीं है देखा है कभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संकेतक तो ये उसमें नहीं है तो यही पूछा गया है कि कौन सा नहीं है तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर चलिए भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल है मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक कोस्ट का कंसेप्ट क्या है उसी पर आधारित ये प्रश्न है कि इसमें एमएसपी तो है जो किसानों को दिया जा रहा है अगर कुछ बोनस भी सरकार घोषणा करती है अगर करती है तो वो भी इंक्लूड हो गया इसके अलावा आर्थिक लागत में और क्या क्या शामिल है आर्थिक लागत क्या है आप देखोगे केंद्र सरकार के एक संस्था के तौर पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैक्सिमम चीजों को मैनेज करती है वो खरीद रही है अलग अलग लेवल चीज़, लेवल पर चीजों को फाइनली मैनेज करते हुए आम उपभोक्ता तक वो खाद्य पदार्थ पहुंच रहा है तो उसकी जो सारी कीमतें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आर्थिक लागत ठीक है सेंट्रल इश्यू प्राइस क्या होता है केंद्रीय निर्गत मूल्य जिसे हिंदी में कहते फटाफट बताइए जिस मूल्य पर आपको अगर आप उपभोक्ता हैं तो वो प्रोडक्ट मिलेगा उसे सेंट्रल इश्यू प्राइस या निर्गत मूल्य कहा जाता है आर्थिक लागत और निर्गत मूल्य के बीच का जो अंतर है उसे हम सब्सिडी के नाम से जानते हैं कि टोटल कॉस्ट उन्होंने कितना उठाया और फाइनली कंज्यूमर से वो कितना ले रहे हैं क्योंकि उनको तो वही मिला उसके बीच का पूरा अंतर क्या कहलाता है सब्सिडी चलिए प्रश्न हमारा है आर्थिक लागत पर आर्थिक लागत में क्या शामिल है केवल परिवहन लागत केवल ब्याज लागत प्रांपण जैसे प्रिक्योरमेंट कहा जाता है प्रभार तथा वितरण लागत और प्रासंगिक प्रभाव तथा गोदामों के प्रभाव इंग्लिश में पढ़ लीजिए प्रोक्योरमेंट इंसिडेंट्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउस क्या शामिल है बताइए कौन सा सही होगा इसमें क्या क्या शामिल है एमएसपी दिया कोई बोनस है वो दिया ठीक है उसके बाद आप देखोगे कि जो खाद्यान्न खरीदा गया है उसकी प्रॉपर हैंडलिंग होगी उसके लिए बोरे सब इस्तेमाल होते हैं पैकेजिंग होती है लेबर यूज होता है उसे हैंडल अपलोड सब करने के लिए ठीक है मंडी शुल्क इत्यादि सब देना पड़ता है फाइनली वो गोडाउन तक पहुंचता है फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो गोडाउन में रखा गया ट्रांसपोर्टेशन वहां पर हैंडलिंग वहां पर जो लॉस हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सब उसमें इंक्लूड होते हैं तो यहां पर जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है वो आंसर होगा तो केवल परिवहन तो सिर्फ एक एलिमेंट हुआ ठीक है केवल ब्याज इंटरेस्ट कॉस्ट एक एलिमेंट हुआ प्रोक्योरमेंट यानी खरीदने को लेकर जितने सारे खर्चे आते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ये कॉम्प्रीहेंसिवली सारे खर्चों को इंक्लूड कर रहा है डी ऑप्शन काफ़ी क्लोज है फर्स्ट तो इसमें सही है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने सिर्फ गोदांस के चार्ज लिखे हैं ट्रांसपोर्टेशन भी होगा लॉस भी होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी होता है तो ये टर्म इसको स्कोप को नैरो डाउन कर दे रही है इसलिए हमारा आंसर होगा सी इसलिए केयरफुली पढ़ें केयरफुली दोनों टाइम पढ़ें जब आप वैसे भी पढ़ रहे हैं और जब आप एग्जाम में भी क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो काफ़ी क्लोज थे ये ऑप्शन थोड़ा आपने इधर उधर देखा काम कर ये तो बेसिक आप देखोगे एक और टॉपिक अभी हमने देखा बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में यूपीएससी ने काफ़ी पूछा है एमएसपी पर भी काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछती रहती क्योंकि एमएसपी और उससे जुड़ा हुआ जो पूरा सिस्टम है हमारा जो है वो सदैव चर्चा में रहता है ठीक है तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और एमएसपी सिस्टम जो है ठीक है इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं करंट में भी अगर किसी स्पेसिफिक कांड से चर्चा में ना रहे तो वैसे भी तो ये हम पढ़ते हैं ना कि सेंट्रल इश्यू प्राइस क्या है ठीक है फूड सब्सिडी जो पूरा टॉपिक हम पढ़ते हैं उसमें चलिए ये बहुत बेसिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है सेवा क्षेत्र उपागम सर्विस एरिया अप्रोच इंप्लीमेंटेड अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन क्रियान्वित किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम अग्रणी बैंक योजना जिसे लीड बैंक स्कीम कहा जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन किसके तहत ओके लीड बैंक स्कीम क्या है एक बैंक जो है वो 10-15 गांव का जो है उसको रोड लोन इशू कराना और ये सब को मतलब उसकी भूमिका जो है ना ठीक है सी टर्म पे जाइए लीड बैंक स्कीम ये स्कीम काफी चर्चा में रही है इसपे प्रश्न बने हैं पहले भी बने लीड बैंक स्कीम क्या है हमें पता है कि हमारे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज हैं जहां वित्त की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही तो आप देखोगे बार बार स्टेप्स उठाए गए हैं गवर्नमेंट और स्पेसिफिकली आरबीआई द्वारा ताकि वहां पर वित्त या क्रेडिट की जो आवश्यकता है उसमें बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके तो उसी तालमेल स्थापित करने की एक कोशिश थी लीड बैंक स्कीम इसमें क्या किया गया कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक को लीड बैंक की भूमिका दे दी जाएगी और उस डिस्ट्रिक्ट में सारे बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करने का मतलब वहां पर जो क्रेडिट डिमांड है उससे जुड़े हुए जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा लीड बैंक के द्वारा किया जाएगा। अब ये स्कीम जो है हम शुरू करते हैं 1969 में। लेकिन टाइम बीइंग जैसा कि मैक्सिमम स्कीम्स के साथ होता है हमें रिलाइज होता है कि उतना आउटकम हमें नहीं मिल रहा है तब हम थोड़ा सा जो है इसी स्कीम के तहत एक नई रणनीति के साथ आते हैं जिसे सर्विस एरिया अप्रोच कहा जाता है तो जहां लीड बैंक स्कीम 1969 की है ये सर्विस एरिया अप्रोच 1989 में हम लेकर आते हैं अब इसके तहत क्या होता है कि जिले के स्थान पर हम कुछ 20 22 इस तरह से गांव हैं जो एक बैंक को सौंप दिए जाएंगे और उनसे जुड़ी हुई जो क्रेडिट डिमांड है या वित्त से संबंधित उनके जो पहलू हैं उनको वो डील करेगा तो थोड़ा सा हमने अपनी अप्रोच को और स्पेशलाइज करने की कोशिश की बट ये सेवा क्षेत्र उपागम है किसके तहत लीड बैंक स्कीम कोई बताएगा सेमी अर्बन क्या होता है ऐसे क्षेत्र जो पूरी तरह से शहरी भी नहीं होते पूरी तरह से ग्रामीण भी नहीं होते हाँ जिसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स की हो कुछ वहां की हो, उनको सेमी अर्बन कहते हैं ठीक है ये देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के ऋणी होने के द्वारा है मोस्ट ऑफ एक्सटर्नल डेट इज ओन बाई गवर्नमेंट एंटिटीज और दूसरा ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यू एस डॉलर ये फिर से थोड़ा सा ट्रेंड आधारित तरह का प्रश्न है ये आपसे उम्मीद करता है कि कुछ तथ्य आपको पता हो लेकिन तथ्यों का ट्रेंड आपको पता हो एक एक फैक्ट आपसे नहीं पूछा गया कि बीस परसेंट उसका है पचास परसेंट उसका है मेजरली आइडिया आपको होना चाहिए और ये आइडिया काफी ब्रॉडर है और बार बार आप ये चीजें पढ़ते रहते हैं इकोनॉमी करंट अफेयर में तो खुद आप स्टेटमेंट कि में आते हैं भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी के रिन, तो हमारा जो फॉरेन डेट है उसमें किसकी हिस्सेदारी अधिक है निजी क्षेत्र की या सरकार की इतनी सहमति गलत तथ्य को लेकर आप देखोगे कि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी काफ़ी अंतर है अराउंड 600 बिलियन डॉलर के आसपास में से गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 130 अराउंड के पास है तो रफली यू कैन से 20 परसेंट अराउंड ठीक है बाकी निजी क्षेत्र अब निजी क्षेत्र में भी आपने स्पेसिफिकली हो सकता है कहीं निजी क्षेत्र ना पढ़ाओ लेकिन थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई कीजिए हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग की बात करते हैं कि विदेशी ऋण में सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट ये है तो ये क्या है कमर्शियल है ना ये सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट ये है उसके बाद दूसरा कॉम्पोनेंट क्या आता है? NRI, आता है है एनआरआई डिपॉजिट और थर्ड ट्रेड ट्रेड क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है आपने किसी से ऋण नहीं लिया लेकिन आप व्यापार कर रहे हो आपने कोई सामान लिया अभी उसका भुगतान नहीं किया है तो वो क्या हो गया ट्रेड क्रेडिट तो ये है जो क्रोनोलॉजी में मेजर कंपोनेंट बनते हैं हमारे एक्सटर्नल डेट के तो ओवरऑल गवर्नमेंट का शेयर निजी क्षेत्र की तुलना में काफी कम है अगर वैसे भी हम डेट पोर्टफोलियो की बात करें डेट पोर्टफोलियो क्या होता है डेट से जुड़ी हुई सारी चीजें आपने किस तरह का ऋण लिया हुआ है वो दीर्घ अवधि का है अल्प अवधि का है सारी चीजें मिलकर आपका डेट पोर्टफोलियो बनाती है तो जो हमारा ऋण है वैसे भी वो दीर्घ अवधि का अधिक है अल्पकालिक की तुलना में अच्छा ऋण लॉन्ग टर्म वाला होना चाहिए दीर्घ अवधि होना चाहिए अल्पकालिक लोंग क्यों क्योंकि अगर सडन कोई भी उथल पुथल होती है तो जल्दी से आपके ऊपर पेमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं रहता तो जितना लॉन्ग लास्टिंग आपका डेट है उतना आपके लिए अच्छा है ठीक है चलिए सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं ऑल ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर डिनोमिनेशन का अर्थ क्या होता है उसकी इस मुद्रा में चुकाया जाएगा हाँ ऑलमोस्ट क्लोज बेसिकली किस करेंसी में उसे डिफाइन किया गया है जैसे यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन क्या है समझ रहे हो मतलब आ, मान लीजिए कि मैंने आप लोगों से कोई लोन लिया आप विदेशी हैं मैं भारत से हूँ ठीक है तो अब हमारे लोन की जो अमाउंट है उसे कैसे हमने मूल्य वर्गित किया है लाइक like, डॉलर में है किसी दूसरी करेंसी में है या रुपए में है सिर्फ एक्सप्रेस उसे किस करेंसी में किया गया है वो ये बताता है कि किस करेंसी में वो डिनोमिनेटेड है तो हमने जो ऋण लिया है अगर वो यूएस डॉलर में एक्सप्रेस है तो हम कहेंगे डॉलर डिनोमिनेटेड अगर वो रुपए में एक्सप्रेस है तो हम कहेंगे रुपी डिनोमिनेटेड अब इससे फर्क क्या पड़ता है आप कहोगे कि तो मैम लिखने का तरीका हुआ चाहे हम ये कहें कि सौ रुपए लिए हैं या मान लीजिए एक्सचेंज रेट है वन डॉलर इज इक्वल टू फिफ्टी रुपीज या फिर हम ये कहें कि दो डॉलर लिए हैं डिफरेंस तो कोई नहीं क्रिएट हो रहा डिफरेंस जो इन्होंने बनाया चुकाते टाइम क्रिएट होता है क्योंकि ये प्रेजेंट एक्सचेंज रेट है आने वाले टाइम में एक्सचेंज रेट फ्लैक्चुएट कर सकती है कुछ भी हो सकता है आपको बेनिफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है कैसे हो सकता है मान लीजिए आज है एक्सचेंज रेट वन डॉलर इज इक्वल टू फिफ्टी रुपीज कल हो जाए वन डॉलर इज इक्वल टू हंड्रेड रुपीज इतना सडन रैपिड चेंज होता नहीं सिर्फ एग्जाम्पल है अब आप क्या करेंगे आपने दो डॉलर लिए हैं ठीक है अगर डॉलर डिनोमिनेटेड लोन है तो दो डॉलर लिए आपको डॉलर ही चुकाने हैं आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे ठीक है एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे आप दो सौ देंगे तब जाकर आपको दो डॉलर मिलेंगे और जब आपने दो डॉलर लिए तो उसके एवज़ में आपको मिले कितने सौ रुपए तो आप देख रहे हो आपके लिए चुकाना कितना महंगा हो गया है दूसरी स्थिति भी हो सकती है वैल्यू उल्टा भी हो सकता है समझ इसलिए किस करेंसी में आपका डेट डिनोमिनेटेड है, है।, है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ बिजनेस जो भी मसाला बॉन्ड के माध्यम से धन जुटा रहे हैं उनको एक्सचेंज रेट की चिंता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने रुपये में डिनोमिनेटेड है सौ रुपए लिए हैं तो वो सौ रुपए ही देंगे चाहे अब एक डॉलर पचास रुपए में मिल रहा हो चाहे सौ रुपए में मिल रहा हो उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा तो अगर डिनोमिनेशन की बात करें तो भारत का जो एक्सटर्नल डेट है अराउंड उसका 50 परसेंट फिफ्टी टू 55 परसेंट वो हर साल डेटा में थोड़ी सी वेरिएशन आती रहती हैं। किस में डिनोमिनेटेड है डॉलर डिनोमिनेटेड और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट आता है रुपी डिनोमिनेटेड ठीक है

निजी क्षेत्र का है ये बहुत ब्रॉडर फैक्ट है ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत माइन्यूट लेवल पर आपसे पूछा गया है तो हमें क्या पता चला कि स्टेटमेंट एक और दो दोनों ही सही आंसर शुड बी अच्छा ठीक है ये बिल्कुल कंसेप्ट आधारित प्रश्न है इवन ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि आपको असेट और लाइबिलिटी का कंसेप्ट बैंकिंग सिस्टम में पता है आप इजीली इसे सही कर लेंगे तो जैसा कि मैं मान के चल रही हूं आप लोगों को पता है फटाफट आप मुझे बताएंगे कि असेट किसे कहते हैं क्या होती है? बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से असेट क्या है जो बैंक में सी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं आपने ठीक बताया है बाकी लोगों ने भी सही कोशिश की है जैसे कि आपके लिए जो असेट है सेम उसी तरह से बैंक के लिए भी असेट है आपके लिए असेट क्या बनती है आपने कहीं निवेश किया हुआ है किसी को धन दिया है वहां से आपको रिटर्न मिलेगा वो आपकी क्या हुई असेट हुई ठीक है अच्छा आपने किसी से उधार लिया हुआ है या किसी ने आपके पास अपना धन रखा हुआ है वो आपकी लाइबिलिटी हुई ना क्योंकि आपको चुकाना पड़ेगा मोर एंड लेस सेम कंसेप्ट बैंक के लिए भी काम करता है बैंक में जो हम अपने डिपॉजिट रख के आ रहे हैं वो बैंक की असेट नहीं वो बैंक की लाइबिलिटी है बैंक अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर रही है लोन्स दे रही है अलग अलग तरह की वो बैंक की क्या है असेट है क्योंकि वहाँ से बैंक को जो है रिटर्न मिलेगा अब चलिए ऑप्शन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट कौन सी असेट में शामिल नहीं है इसको हिंदी में परिसंपत्ति कहते हैं चलिए अग्रिम जमा अभी मैंने क्या बताया था जमा क्या है लाइबिलिटी अगर आपको नहीं पता निवेश तो आपको पता असेट है ही अगर आपको ये भी नहीं पता कि मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस क्या है तब भी एटलीस्ट आपको एक ऑप्शन मिल गया है ना जो आपको ये बता रहा है कि हाँ जमा तो जमा असेट नहीं है बल्कि लाइबिलिटी है तो वही इसका आंसर होगा ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न है थोड़ी भी जानकारी है जिस बच्चे को उसने इसको सही किया होगा चलिए अब थोड़ी हम मेहनत कर ही रहे हैं तो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस क्या है क्योंकि बाकी तो आई थिंक आपको पता होगा बैंक या वित्तीय संस्थाएं आपस में अल्पकाल के लिए जब लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है तो जो लेन देन करती हैं उनके संदर्भ में टर्म यूज होती है मनी एट कॉल मतलब आपने लिया लेकिन जब मैं वापस मांगू मनी एट कॉल मतलब जब मैं कहूँ तो मुझे वापस मिल जाए और शॉर्ट नोटिस अराउंड फोर्टीन डेज पीरियड जो है यहाँ पर रहता है कि उस पीरियड के बाद अपने आप आपको धन मिल जाएगा ये इंटर बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच जो है लिक्विडिटी मिसमैच होता है टेम्पररी उसको दूर करने का साधन है बाकी आपने बेसिक इकोनॉमी में डिटेल में पढ़ा होगा चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस या किन कारक या कारकों का योगदान है अच्छा मुद्रा संकट क्या है ठीक है समझ में आया क्या है यहां पर इंग्लिश में टर्म क्या है करेंसी क्राइसिस क्या है करेंसी क्राइसिस अगर किसी करेंसी की जो वैल्यू है उसमें गिरावट आ रही है तो उसके संदर्भ में यूज होती है टर्म करेंसी क्राइसिस यानी कि हम हमारी करेंसी की बात करें अगर तेजी से उसका मूल्य गिर रहा है तो टर्म क्या यूज होगी करेंसी क्राइसिस अब चलिए ठीक है ऑप्शंस पे आए भारत के आईटी सेक्टर से विदेशी मुद्रा का अर्जन अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि जब फॉरेन करेंसी मैं एफ सी लिख रही हूं फॉरेन करेंसी हमारे यहां आती है तो उससे हमारी करेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है सिर्फ ये सहसंबंध बिल्कुल मजबूत होती है कैसे मजबूत होती है कोई बताएगा ठीक है देखो सिंपल रूल क्या है कि जब फॉरेन करेंसी हमारे यहां बढ़ती है तो हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है क्यों मांग और आपूर्ति के चलते जिस करेंसी की आपूर्ति बढ़ेगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और जिसकी मांग बढ़ेगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी सिंपल यूल तो अब करेंसी आ रही है फाइनल भारत में इन्वेस्ट तो वो हमारी करेंसी में करेंगे तो फॉर फॉरेन जो एक्सचेंज मार्केट है वहां पर क्या होता है कि रुपए की डिमांड बढ़ जाती है ठीक है या हम कहें कि डॉलर की आपूर्ति बढ़ जाती है कुछ भी आप कह सकते हो इसे तो इसके चलते डॉलर के सापेक्ष हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है अब जरा मैं फिर से ऑप्शन पे आ रही हूँ भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा का अर्जन तो कहीं से भी चाहे कोई भी सेगमेंट हो या चाहे आई लिख दे मैन्युफैक्चरिंग लिख दे ड मैटर विदेशी मुद्रा आ रही है करेंसी क्राइसिस क्या है वैल्यू गिरना विदेशी मुद्रा आने से क्या हो रहा है वैल्यू बढ़ रही है तो करंसी का गिरना या उसकी वैल्यू का डेप्रिशिएट होना रुक जाएगा तो ये एक हो सकता है जो मुद्रा संकट के जोखिम को कम करें ठीक है सरकारी व्यय का बढ़ना अब क्या सरकारी व्यय के बढ़ने का कोई प्रभाव यहां पर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा डायरेक्ट हम कोई रिलेशन नहीं देख पा रहे चलिए विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजा गया धन जिसे इंग्लिश में हम रेमिटेंस के नाम से जानते हैं अब यहां पर भी फॉरेन करेंसी हमारे यहां आ रही है तो जब भी फॉरेन करेंसी आएगी इसके बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका सीधा प्रभाव होता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट कर जाती है तो सिंपल आपको ये सहसंबंध पता होना चाहिए अच्छा दूसरी चीज इन वर्स्ट के सिनारियो आपको करेंसी क्राइसिस के बारे में नहीं पता है तो क्या इन ऑप्शंस के थ्रू भी आप आंसर तक जा सकते हो क्योंकि इसमें एक्चुअल में ये दो ही चीज़ें हैं जो एक जैसी लग रही हैं तो आप थोड़ा सा अगर आइडिया नहीं है तब भी समझ जाओगे कि करेंसी क्राइसिस आखिर किस बारे में टर्म यूज हुई है कि कहीं ना कहीं क्योंकि इनके आने से हम देख रहे हैं कि करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो करेंसी क्राइसिस शायद यहाँ पर करेंसी की वैल्यू गिरने को डिनोट कर रहा है तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहोगे तो कई बार क्वेश्चन ऑप्शन से कुछ नहीं भी पता तो मैं नहीं कह रही कि हर जगह लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको हिंट मिलता है अब यहाँ से आप देख रहे हो एक नया पैटर्न है और आगे इस पैटर्न पर आधारित काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बीस इक्कीस बाईस में जिन्हें हम अप्लाइड क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं इनका उत्तर आपको किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा इनका उत्तर आपको खुद खोजना पड़ेगा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होने पर क्या होता है लाइक एक्सचेंज रेट कम हो रही है तो क्या प्रभाव पड़ेगा बढ़ रही है तो क्या प्रभाव पड़ेगा अच्छा वैश्विक स्तर पर जो है इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा हो रही है तो इंडियन इकोनॉमी उससे कैसे प्रभावित हो सकती है ठीक है विदेशी मुद्रा आ रही है या जा रही है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आर ओपन मार्केट जो है आप देखोगे सेल करती है ठीक है तो ये जो है प्रतिबूति क्रय विक्रय सिक्योरिटी क्रय विक्रय ये सब करती है तो उसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये सारे रिलेशन हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हैं ऐसे अब आगे देखना आपको काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो इसका आंसर क्या हुआ जी हाँ एक सेकेंड थ्री जी मैम जिससे जिससे अगर हमसे कोई छोटा देश लेता है वो भी मतलब की डॉलर में थोड़ा सा आप अपने क्वेश्चन को स्पेसिफाई करेंगे जिससे हम लोग हैं वो तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है हाँ। वो, वो डिपेंड करता है की क्रेडिट लाइन जो है वो किस करेंसी में एक्सटेंड कर रहे हैं वो तो एक्सचेंज हो जाता है सब अब डिपेंड करता है कंट्री की आवश्यकता क्या है अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है तो जिस कंट्री के साथ उनका जिस करेंसी में पेमेंट का एग्रीमेंट है वो उसी में कन्वर्ट करके उसे देंगे तो इसमें बड़े सारे इफ बट हैं ठीक है आ, ये आप क्लास के बाद में आपको क्योंकि बहुत चीज़ें डिटेल में हैं हम थोड़ा सा यहाँ से डाइवर्ट हो जाएंगे ये ए, सेशन जो है थोड़ा सा ये मान के चल रहा है कि कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता है मतलब उस बेसिक लेवल पर अभी इन सेशन नहीं जाया जा सकता है आफ्टर द सेशन फिर हम बात कर लेंगे ठीक है चलिए देखिए किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हो सकती हैं तो ऐसा क्यों होगा एक राज्य में हो सकता है गरीबी रेखा एक बास्केट ऑफ गुड्स है जिसमें कुछ भी चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं और हम कह रहे हैं कि इनके आधार पर इनका कितना कॉस्ट आ रहा है हम गरीबी रेखा का कर निर्धारण करेंगे लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि एक राज्य में अगर गरीबी रेखा 900 आ रही है तो दूसरे में 1200 आ रही है समझ रहे हो तो अलग अलग हो गई तो प्रश्न ये है कि ये अलग अलग गरीबी रेखा कैसे हो सकती है चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको एक्सप्लोर करना है ये कॉमन गरीबी रेखा आइडेंटिफिकेशन और उसका कंसेप्ट आपको पता है आप इसका उत्तर दे देंगे ऑप्शन देखिए गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है तो वो तो है ही गरीबी की दर अलग अलग यहाँ पर प्रश्न ये है कि आधिकारिक गरीबी रेखा कैसे अलग अलग हो सकती है वो तो है किसी में गरीबी की दर ट्वेंटी परसेंट होगी किसी में थर्टी किसी में थर्टी फाइव ठीक है कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है अच्छा एक सिमिलर चीजों की बास्केट अगर आपको दी जा रही है और फिर हम देख रहे हैं कि एक राज्य में उन चीजों को खरीदने में अलग पैसे लग रहे हैं दूसरे राज्य में अलग तो ये अंतर किससे क्रिएट होता है इन्फ्लेशन से या उस बास्केट में जो चीजें हैं उनके मूल्य से हो सकता है वो पंजाब में आपको उस बास्केट में जो चीजें हैं वो हजार रुपए में मिले तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में आपको ग्यारह सौ या किसी भी अन्य राज्य में किसी अलग मूल्य में उपलब्ध हो तो जो गरीबी रेखाओं में अंतर है वो किसके चलते होता है कीमत स्तर अलग अलग होती है उनके चलते अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है तो वो तो वैसे भी होता है ठीक है सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है यहाँ पर हम सार्वजनिक वितरण को ध्यान में नहीं रख रहे हम ये ध्यान में रखते हैं कि ये चीजें हैं जो नेसेसिटी हैं, इनको खरीदने में कितनी लागत आएगी ठीक है तो ऑप्शन बी फैक्चुअल चर्चा में काफी रहा था ये न्यूज में आता था कौन सा देश पिछले पांच वर्षों के दौरान चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है भारत रहा था दूसरे नंबर पर कौन था डेटा एक बार सही से देख लेना भारत की हिस्सेदारी लगभग ट्वेंटी टू ट्वेंटी परसेंट बनी हुई थी चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है 48। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था अब यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया गया है मतलब आपको ईयर भी दिया जा सकता था कि उन्नीस सौ में किया गया या नाइनटीन में या कुछ और भी गलत डेट दी जा सकती थी लेकिन थोड़ा सा ताकि आप सोचें तो कुछ नहीं करना आपको इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल तो इतना फेमस है इमरजेंसी सब आई थिंक पॉलिटी से भी आप लिंक कर सकते हो सभी को क्लियर है पता होना चाहिए कोयले का राष्ट्रीयकरण और ये भी अपने आप में काफ़ी फेमस डेट है आप देखोगे कि कोयला सेगमेंट प्रश्न पूछा गया उससे पहले इवन उसके बाद भी काफ़ी वर्ष तक चर्चा में रहा था क्यों चर्चा में रहा था हाल फिलहाल में आप देखोगे कि कोयले को पिछले कुछ वर्षों में हमने क्या किया है कैप्टिव यूज के लिए सिर्फ निजी क्षेत्र उत्पादन कर सकता था वो हमने हटा दिया अब कमर्शियल पर्पज के लिए कर सकता है एफ इत्यादि हमने अलाउ की है उससे पहले क्यों चर्चा में था 2019 से पहले आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कोल ब्लॉन्क आवंटन को रद्द किया था जो काफ़ी फेमस न्यूज़ थी क्यों आवंटन को रद्द किया था क्योंकि उससे पहले जो कॉल ब्लॉक्स दिए जा रहे थे उनकी देने की जो प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोल माइंस एक्ट 2015 लाया गया उसके बाद ऑर्डर दिया कि ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए उसके बाद ऑक्शन के माध्यम से कोल ब्लॉक आवंटित किए जाने लगे तो मल्टीपल कारण से कोयला क्षेत्र हमारे लिए चर्चा में रहा है इवन कुछ और नहीं तो यही बार बार जब कुछ ऐसा होता है हमारा लेन देन ट्रेड कि कोयला उत्पादन की हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी अराउंड ट्वेंटी परसेंट कोयला आवश्यकताओं के लिए आज भी हम आयात पर निर्भर करते हैं हम पूर्णतः कोयला उत्पादन में अभी सफिशियंट नहीं हुए हमारी जो मांग है उसके अनुरूप तो न्यूज़पेपर वगैरह में अलग अलग रीजन से आप देखोगे टॉपिक चर्चा में आता रहा है ठीक है तो चलिए ये सही है राष्ट्रीयकरण ईयर मैंने लिख दिए फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज चलिए वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लोटरी के आधार पर किया जाता है ये तो आप देखो कि वर्तमान में तो मतलब इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया और पारदर्शी ऑक्शन के माध्यम से जो है बोली लगाकर जो है कोयला ब्लॉक आवंटन की व्यवस्था शुरू की गई तो ये स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था किंतु अब कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है तो नहीं भारत अराउंड थोड़ा वेरिएशन है अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा अपनी आवश्यकता का इतना परसेंट अभी भी आयात के माध्यम से पूरा करता है ठीक है तो सिर्फ स्टेटमेंट इसमें कौन सी सही है वन वही हमारा आंसर होगा औद्योगिक रोजगार स्थाई आदेश संशोधन अच्छा क्या ये क्वेश्चन आप लोग क्योंकि इसमें समझाने का कुछ नहीं है अपने लेवल पर देख लेंगे ये अमेंडमेंट है एक बार इसे देख लेना ठीक है इसमें कुछ टर्म्स हैं जो देखने के लिए है प्रश्न का रेफरेंस भी क्लियर है वो सीधा करंट अफेयर जो है उस पर आधारित था पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है प्रश्न काफी लेंदी था एक बार मैं फिर रिपीट करती हूं इंग्लिश में इस बार विच ऑफ इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोविंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड एफ पी आई जिसे हम बोलते हैं ना शॉर्ट में फोरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग डायरेक्टली क्या जारी करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो होता है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं संस्थागत मतलब संस्थाएं जो हैं उनके माध्यम से फिर वो निवेश संभव होता है अब पोर्टफोलियो जैसे मैंने अभी डेट पोर्टफोलियो की बात की थी कि अलग अलग तरह की चीजें जो है डाइवर्सिफिकेशन क्या है उसके लिए वो टर्म यूज होती है ठीक है तो ओवरऑल आपकी एफ या एफ को समझ क्या कहती है किसी ने अभी बताया था फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं जैसे ये तो लिखा हुआ है से भी में रजिस्टर होते हैं बेसिकली इनके माध्यम से आप देखोगे विदेशी बाजारों में निवेश कर पाना संभव होता है ये क्या होते हैं जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अमेरिका है और यहाँ इंडिया है ये एफ क्या होंगे रजिस्टर्ड होते हैं किसी दूसरी कंट्री में और किसी दूसरी कंट्री के जो है मार्केट में इनके माध्यम से इन्वेस्ट होता है ठीक है तो ये भारत में इन्वेस्ट करते हैं मतलब मान लीजिए अमेरिका या किसी भी दूसरी कंट्री से कोई भारत में निवेश करना चाहता है तो उसके पास विकल्प क्या है आप इंडिविजुअली भी निवेश कर सकते हो लेकिन बहुत सारे प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ेंगे आपको सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा ये जो एफ हैं ये सेबी के साथ रजिस्टर होते हैं आप सीधा इन एफ के माध्यम से अपना निवेश कीजिए आपको सेबी के साथ रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है इवन आप देखोगे इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ से भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है समझ लो कि क्या रजिस्टर होना आवश्यक है ठीक है अगर आप फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके माध्यम से निवेश करते हैं तो आप देखोगे आवश्यक नहीं है आप अब ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा क्योंकि ये तो बार बार मतलब समय समय पर न्यूज़पेपर में आता रहता है क्यों क्योंकि ये चिंता का विषय है कैसे अब ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स तो सेबी के साथ रजिस्टर हैं लेकिन इनके माध्यम से निवेश कौन कर रहा है इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पाती क्योंकि ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं मान लीजिए इन्होंने भारत की किसी एक्स वाई जेड कंपनी का स्टॉक खरीदा ठीक है ये अब इस रियल स्टॉक या शेयर को आगे ट्रांसफर नहीं करते ये शेयर को अपने पास बना के रखते हैं इसके बिहाब पर एक नोट वो इन्वेस्टर को जारी करते हैं वो जो नोट होता है उसे आप डेरिवेटिव कहते हैं ना जिसने अपनी वैल्यू कहीं और से डिराइव की हो उसे हम पी नोट्स के नाम से या पार्टिसिपेटरी नोट्स के नाम से जानते हैं मतलब अमेरिका का कोई आदमी एक्स वाई जेड कोई भी है वो एफ पी आई के माध्यम से अगर भारत की किसी कंपनी में निवेश करता है तो अगर वो एफ पी आई के माध्यम से करता है तो एफ पी आई उसको सीधा स्टॉक नहीं ट्रांसफर कर देगा शेयर नहीं ट्रांसफर करेगा बल्कि उसके बिहाब पर पी नोट जारी करेगा और उस पी नोट की वैल्यू स्टॉक से जुड़ी होती है अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ी पी नोट की वैल्यू उसकी गिरी पी नोट की गिरी सिंपल ये कोरिलेशन होता है अच्छा ये पी नोट्स ट्रेडेबल होते हैं ये आगे ट्रेड भी होते रहते हैं इनकी खरीद फरोख्त होती है इसीलिए मुश्किल होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो पी नोट किसके पास है कौन उसके माध्यम से निवेश कर रहा है ये सेबी के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि भारत का ही ब्लैक मनी है जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भारत में ही आता रहता है तो ये सारे कंसर्न हैं जब लगते हैं तो आप देखोगे से भी कई बार पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को लेकर नॉम्स टाइट कर देती है लेकिन हमारी दूसरी जरूरत भी है हमारे पास विदेशी मुद्रा आनी भी चाहिए तो फिर हम नॉम्स को थोड़ा ढीला कर देते हैं तो ये सब चलता रहता है तो जो फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जो रियल इन्वेस्टर्स उनके माध्यम से निवेश कर रहे हैं उनको उस शेयर या स्टॉक के एवज़ में जो जारी करते हैं उसे हम पार्टिसिपेटरी नोट्स के नाम से जानते हैं ठीक है प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है फटाफट बताएं आप लोग वचन आप देखोगे ना जैसे आपने अपने घर परिवार में भी पहले भी चलता था हाँ रिटर्न में आप किसी को पैसे दिए तो ये राशि इस इंटरेस्ट रेट के साथ इस परिपक्वता अवधि के लिए तो ये सारी चीज़ें जिसमें होती हैं वो किसका काम करता है प्रोमिजरी नोट का काम करता है तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कमर्शियल पेपर जो उत्थम है इनके माध्यम से वो धन जुटाती है इनकी विशेषता क्या होती है क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है यूपीएससी ने स्पेसिफिकली कमर्शियल पेपर्स के बारे में फिर भी क्वेश्चन पूछा गया है आप देखोगे इनके माध्यम से शॉर्ट टर्म वित्त की आवश्यकता पूरी होती है और ये अनसिक्योर्ड होते हैं अब किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसके माध्यम से आप उधार लेते हो उसे अनसिक्योर्ड कहा जाता है तो इसका अर्थ क्या है एक किसी के पीछे कुछ बंधक होता है ना कोलेट्रल सब रखते हैं आप गारंटी के तौर पर अगर वो ना हो तो उसे हम अनसिक्योर्ड के नाम से जानते हैं तो ये कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म और अनसिक्योर्ड तरह के जो है डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं अब जो अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनीज होती हैं उनको ऐस सच कुछ जो है सिक्योर करने के लिए देने की आवश्यकता नहीं है तो वो कमर्शियल पेपर जारी करती हैं और उनके एवज में पैसे जुटा लेती है क्योंकि निवेशकों का भी उनमें विश्वास होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट अपनी जो है एक निश्चित अवधि के लिए अगर आप रखते हो तो उसके एवज में जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहा जाता है तो हमारा आंसर है पार्टिसिपेटरी नोट्स पंचवर्षीय योजनाएं भी पढ़नी है ठीक है वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है सिंपल है ये क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देती हूं आप लोगों के लिए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रति की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया ठीक है समझ में आ रहा है फ्रॉम द सेकेंड फाइव ईयर प्लान देयर वॉज ए डिटरमाइंड ट्रस्ट टूअर्ड सब्सटिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हम इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं महालनोबिस प्लान है ठीक है और हमारा मेन फोकस था कि जो बेसिक और कैपिटल गुड्स को लेकर जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जनरेट कर पाएं। सेकेंड ऑप्शन देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना से संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते सकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया आप देखोगे फोर्थ फाइव ईयर प्लान तक क्या था कि जो लोग उत्पादन में लगे हुए थे लगे हुए थे चाहे वो इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो अब सारी जगह थोड़ी जो है इक्विटी होनी चाहिए उस चीज पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते लेकिन टाइम के साथ हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हो सकती है जब सभी अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधियों में शामिल हों और जब सभी को बेनिफिट मिलेगा तभी मांग क्रिएट होगी तभी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी तो अब से पहले हम इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे थे धन का संकेतरण कुछ हाथों में हो गया था तो उसकी सुधार की कोशिश हम फोर्थ फाइव ईयर प्लान से करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार फिनेंशियल सेक्टर को नहीं ये जो है आप देखोगे फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में फिनेंशियल सेक्टर जो है प्लान का हिस्सा नहीं बनता बल्कि ये क्लियर है आप जब पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे ना उनके बारे में तो क्या क्या मेजर शिफ्ट कहाँ से होता है ये दिया गया है तो ये नाइन्थ फाइव ईयर प्लान से शुरू होता है ये थोड़ा सा समझने का है पढ़िए जरा आप लोग मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि बहुत ही माइन्यूट लेवल के तथ्य आपसे नहीं पूछे जाते चीजें जो अत्यधिक चर्चा में रहती हैं वही आपसे पूछी जाती हैं चलिए पहले तो परचेजिंग पार पैरिटी के आधार पर एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं कोई बताएगा सी अब यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉलर ही इंपॉर्टेंट है मैं एग्जाम्पल सिर्फ डॉलर पर दे रही हूँ ठीक है जैसे नॉर्मल एक्सचेंज रेट में कहूँ वन डॉलर इज इक्वल टू हंड्रेड रुपीज़ है परचेजिंग पार पैरिटी जो है क्या बताता है कि ये तो मार्केट के लेवल पर हम देख रहे हैं एक्सचेंज रेट क्या है लेकिन क्या जरूरी है कि जितनी एक्सचेंज रेट है उतनी ही यूनिट्स किसी एक चीज को खरीदने में जिन दो राष्ट्रों की हम बात करें उसमें यूज हो अगर वन डॉलर इज इक्वल टू सौ रुपए है तो मतलब भारत में भी एक किलो एप्पल अगर सौ रुपए टमाटर सौ रुपए के मिल रहे हैं तो जो है अमेरिका में भी मिलने चाहिए नहीं ना तो जब हम मूल्य के आधार पर एक्सचेंज रेट को जानने की कोशिश करते हैं हम बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज रखते हैं उनके आधार पर देखते हैं कि कितने यूनिट यूज करके दूसरे रास्ते में हम क्या खरीद पाते हैं और हमारे रास्ते में हम क्या खरीद पाते हैं इस आधार पर फिर जो एक्सचेंज रेट निकलती है उसे हम परचेजिंग पार पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट के नाम से जानते हैं जैसे मैंने बताया कि वन डॉलर इज इक्वल टू है सौ रुपये लेकिन मान लीजिए कि एक बर्गर को खरीदने के लिए यूएस में दो डॉलर चाहिए लेकिन भारत में ये एक बर्गर हम सौ रुपए में ही खरीद सकते हैं तो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट क्या है वन डॉलर इज इक्वल टू हंड्रेड लेकिन एक बर्गर के सापेक्ष अगर हम बात करें तो एक्सचेंज रेट क्या हो गई वन डॉलर इज इक्वल टू फिफ्टी रुपीज क्यों क्योंकि सौ रुपए यहां पर बर्गर को खरीदने में दो डॉलर के बराबर है तो एक डॉलर कितना हो गया पचास रुपए के बराबर तो ये हुई परचेजिंग पार पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट अब मैं आपको ये कहूं कि चलो हम तुलना करते हैं अमेरिका में एक बर्गर का एग्जाम्पल लेते हैं और भारत में आलू का एग्जाम्पल लेते हैं क्या कोई तुलना हो पाएगी नहीं समझिए वो तो समान चीज़ों की बास्केट के संदर्भ में होगी ना क्योंकि वो आलू का रेट तो डेफिनेटली हमारे यहाँ भी दूसरी चीज़ से अलग होगा तो जब हम ये कंपैरिजन करते हैं परचेजिंग पार पैरिटी का तो सेम ही चीजों का एग्जाम्पल के तौर पर उठाते हैं सेम चीजों की बास्केट का रेफरेंस लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि परचेजिंग पार पैरिटी के हिसाब से एक्सचेंज रेट क्या है तो जरा फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए परचेजिंग पार पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन डिफरेंट कंट्रीज सेम की करेंगे हम अलग अगर होता तो आपको पता है ये उत्तर सही नहीं होता चलिए ठीक है स्टेटमेंट एक सही पीपीपी के संदर्भ में भारत डॉलर में अगर हम मापें तो भारत विश्व की चटी बड़ी अर्थव्यवस्था है आप देखोगे उस टाइम ये इफेक्ट काफी हवाओं में था कि परचेजिंग पार पेरिटे के हिसाब से हम कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था इवन नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भी नॉमिनल मतलब जो करंट प्राइसेस पे हम देखते हैं उसके आधार पर भी हम पांचवी बड़ी आप देखोगे कि भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि चाहे एक्सचेंज रेट में हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो लेकिन हमारी करेंसी की खरीदने की क्षमता अधिक है इसलिए परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से हम जो हैं तीसरे नंबर पर आ गए हैं किसको पीछे छोड़कर आए यूके को पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत और हम क्या क्लेम कर रहे हैं कौन सी बन जाएगी दो तक तीसरी किसको पीछे छोड़ते हुए मतलब फिर तो अभी हम फोर्थ पोजीशन पे होने चाहिए अगर सिर्फ जापान को छोड़ेंगे तो कोई और है ना जिसको पीछे करेंगे जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए किसके बाद ठीक है ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है ठीक है तो ये सेकंड फैक्ट तो इतना ओब्वियस था उस समय के लिए कि जिसने थोड़ा भी चीजों को अवेयर होकर पढ़ा है आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही नहीं है अब आपको पता चल रहा है कि थोड़ा चाहे क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट या दोनों कहीं कहीं हम धीरे धीरे जो है कंसेप्चुअल या अप्लाइड तरह के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं तो अपने आप को भी आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार करना है ये सिंपल बार बार तिलहन वनस्पति तेलों को लेकर हमारा बड़ा बिल बनता है ये न्यूज में आता रहता है वहीं से प्रश्न है कि भारत द्वारा आयातित कृषि जिनसों में पिछले पांच वर्षों में मूल्य के आधार पर किसका अधिकतम आयात किया तो कल भी हमने बात की थी हम्म ठीक है चलिए भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या आरबीआई के कि द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है मतलब हमारा रुपी गिर रहा है तो हम क्या नहीं करेंगे इसका सिंपल अर्थ ये है अच्छा ये भी देखो कई बार स्टेटमेंट बहुत भारी होती हैं तो आप अपने तरीके से प्रश्न को सही समझे इसलिए ब्रीफ में कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि आप गलत ना पड़े चलिए गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन बताइए अगर हमारे वैल्यू की करेंसी की वैल्यू गिर रही है तो हम क्या करते हैं अच्छा आयात को कम करते हैं निर्यात को क्यों करते हैं हम ऐसा इससे हमारी करेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये प्रश्न है वही जो अभी बताया था फॉरेन करेंसी अगर हम आयात कम करेंगे तो फॉरेन करेंसी बाहर कम जाएगी और निर्यात अधिक करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी तो जब फॉरेन करेंसी आपके यहाँ बनी रहती है तो कुछ समय पहले बताया था आपकी करेंसी की वैल्यू गिरने से रुक जाती है या आपकी करेंसी की वैल्यू नहीं गिरती है सारा मांग और सप्लाई का गेम है करेंसीज में भी मांग और सप्लाई काम करती है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जिसको हमने एक्सपोर्ट किया वो क्या करेगा अपनी करेंसी देगा इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि उसमें उसे हमें पेमेंट करनी है वैल्यू बढ़ जाएगी वाइस वर्सा सेम चलता है ठीक है तो ये तो हम करेंगे आंसर क्या करना है नहीं करेंगे भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बोंड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना चलिए आगे ऑप्शन पढ़ते हैं विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना इजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल ठीक है एक प्रशंसनशील सील या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी विचार कीजिए किसमें कंफ्यूजन है अच्छा विस्तारवादी मौद्रिक नीति से क्या होगा देखो हम कोई भी बॉन्ड जारी कर रहे हैं ठीक है किसी भी करेंसी में कर रहे हैं जब हम विदेश में अगर जारी करें तो सिर्फ जारी कर रहे हैं ना लेकिन ओवरऑल तो उससे धन ही आएगा मतलब करेंसी ही आएगी और करेंसी अगर आएगी तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा जो एक्सचेंज मार्केट है उसमें हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि तभी तो वो धन हमारे यहाँ यूज हो पाएगा तो इससे तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी अच्छा विस्तारवादी नीति का क्या प्रभाव होगा थोड़ा दुर्गामी है सोचिए जरा अगर सरकार एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाती है मतलब अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी चाहे आरबीआई या सरकार इंजेक्ट करती है तो उसे हमारी इंटरेस्ट रेट गिर जाती है अच्छा हमारे यहाँ अगर इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी कम है हमारे यहाँ आप देखोगे विकसित राष्ट्रों से निवेश क्यों आता है क्योंकि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट ज्यादा है वो ज्यादा रहती है सामान्यतः विकसित राष्ट्रों की तुलना में उनके यहाँ तो नियर बाय जीरो रहती है ठीक है तो वो लोग हमारे यहाँ निवेश करते हैं कि एटलीस्ट उनको निवेश पर कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाए जब ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी है इंटरेस्ट रेट काफी कम है तो क्या उनको निवेश करने से कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा ना तो वो निवेश करने को लेकर हतोत्साहित होंगे तो निवेश से जो पैसा आ रहा था वो नहीं आएगा मतलब फिर हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी नहीं आएगी और फॉरेन करेंसी नहीं आएगी तो फिर हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन होगी तो ये है यहां पर तो आप क्या देख रहे हो कि रुपए में गिरावट होती है तो आर सरकार कौन सा उपाय नहीं करेगा तो संभावित देखो ये जो सारे सह है ना इनमें संभावना होती है कारण क्या है ऐसा नहीं है कि ऐसा करोगे इकोनॉमी में तो ऐसा ही होगा समझो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो प्रभावित करते हैं कोई एक वेरिएबल नहीं है हो सकता है कि हमारे यहाँ प्रसन्न कार्य प्रसन्न क्या जो भी है ये प्रसरनशील या एक्सपेंशनरी पॉलिसी है लेकिन फिर भी हमारी इंटरेस्ट रेट बाकी कंट्रीज की तुलना में ठीक है तो भी हो सकता है हमारे यहाँ निवेश आ जाए हम ये संभावना देख रहे हैं समझो कि पॉसिबिलिटी है तो क्वेश्चन में इकोनॉमी में जो अप्लाइड क्वेश्चन हो ऐसा होगा या आगे क्वेश्चन आएगा कि ऐसा नेसेसरली होगा समझिए और ये किसकी बात कर रहा है संभावना तो ऐसी संभावना है कि अगर हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो हमारे यहाँ निवेश नहीं आएगा जिन्होंने निवेश किया हुआ है वो भी अपना निवेश लेकर चले जाएंगे तो इससे संभावना क्या क्रिएट होगी कि फॉरेन करेंसी अगर नहीं आ रही या कैपिटल फ्लाइट हो रहा है पूंजी बाहर चली जा रही है ना विदेशी पूंजी बाहर चली जाती है तो उसके लिए टर्म यूज होती कैपिटल फ्लाइट दोनों ही स्थितियों में हमारे करेंसी की वैल्यू गिरेगी ठीक है तो इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज बी वाला पॉइंट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है सिंपल कंसेप्ट ये है कि किसी भी तरीके से अगर विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ आ रही है तो उससे हमारी करेंसी स्ट्रोंग होगी अब चाहे हम उधार ले रहे हैं किसी भी तरीके से ठीक है या फिर जो है निर्यात करके हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा आ रही है ये उधार के तरीके हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए कि मसाला बॉन्ड मूल्य वर्गित मसाला बॉन्ड में तो मैंने क्या बताया सिर्फ डिनोमिनेशन रूपी में है ना और तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे करेंसी तो आपको मिलेगी ही जी कोई कुछ बोल रहा था एक्सचेंज रुपए में नहीं होगा एक्सचेंज तो दोनों करेंसी हैं अगर रुपए और डॉलर हैं तो दोनों में होगा समझ लो हो? सिर्फ उसमें अंतर क्या है कि अगर भारत ने मसाला बोन जारी किया और उससे जो धन मिल रहा है तो एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सौ रुपए में मूल्य वर्गित है जैसे मान लीजिए आप अमेरिका हैं मैं भारत हूँ ठीक है मसाला बॉन्ड मैंने जारी किया ठीक है मैं कोई कंपनी हूँ भारत में आपने उसमें निवेश किया वो बॉन्ड रुपी डिनोमिनेटेड है तो सौ रुपए उसमें प्राइस लिखा हुआ है कि सौ रुपए मैंने आपसे उधार लिए हैं तो मेरा काम आपको सौ रुपए देना है

करंट अफेयर में काफी चर्चा में था इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में एक बार पढ़ देती हूँ भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण के संबंध में आर की के हाल ही का निर्देश लिखा भी हुआ है कि उस समय एक आदेश आया था जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को समादेशित करता है मतलब कि ये जो आदेश आया था उसमें क्या था यही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के त, अंतर्गत केवल भारत में भंडारित हो आरबीआई का आदेश ऐसा था कि भारत में पेमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो डेटा है वो भारत में ही स्टोर होने चाहिए दूसरा यह सुनिश्चित करेगा कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में हो ऐसा ना तो आदेश में था और ऐसा हम करने के लिए तैयार भी नहीं है समझ जो कि डेटा कंपनी सब हम कहाँ इतना होल्ड करके रखते हो सार्वजनिक क्षेत्र तो बिल्कुल तो नहीं वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे सर्टिन का नाम सुना है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम उनको ये कार्य दिया गया था तो ऐसा नहीं सोचना कि ये ऐसा अजीब सा क्वेश्चन आ गया उस समय करंट अफेयर में ये काफ़ी चर्चा में था और ये आदेश आया था तो न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह सब में काफ़ी कवर हुआ था तो आप देखोगे कि इसमें ना तो दो सही है ना तीन सही है केवल वन सही है ठीक है चलिए ये क्वेश्चन वैसे एलिमिनेट भी हो रहा है आपको ये पता है कि वन सही है और आपको ये पता है कि दो सही नहीं है अगर थर्ड की क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है तब भी आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि इसमें वन और थर्ड का वैसे भी आप देख लो इंग्लिश में कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं मनी मल्टीप्लायर क्या है आई होप सभी को क्लियर है नहीं क्लियर संक्षिप्त में कोई बताएगा जिसको पता है मनी मल्टीप्लायर क्या है अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन आगे भी एक साल में रिपीट होता है हम सिर्फ इसे यही सॉल्व करेंगे मनी मल्टीप्लायर क्या है कोई बताए फटाफट एक से दूसरे हाथ तक इसको हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं इसे तो वेलोसिटी ऑफ करेंसी कहा जाता है सिंपल है एक बेस मनी और उसके आधार पर कितना मनी सप्लाई हम क्रिएट कर रहे हैं जब उसका बेस मनी के सापेक्ष मनी सप्लाई कितनी है इसे इसके अनुपात को हम किसमें देखते हैं मनी मल्टीप्लायर में देखते हैं बेस मनी का कंसेप्ट आपको पढ़ा है जो रियल मनी होता है लेकिन आप देखोगे हजार रुपये कोई भी सिर्फ एक दो स्टेप तक मैं ये एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि बहुत आगे तक जाता है कोई भी एक व्यक्ति सौ रुपये लेकर जाता है एक व्यक्ति बैंक के के पास डिपॉजिट करने के लिए ठीक है बैंक ने डिपॉजिट किया आपको पता है सी आर आर एस एल आर रिक्वायरमेंट होती है आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल ये रिक्वायरमेंट है दोनों मिलाकर लगभग ट्वेंटी परसेंट तो यहाँ पर ठीक है इन्होंने सौ रुपये डिपॉजिट किए आरबीआई क्या कह रहा है सीआरआर एसएलआर के रूप में जो आपके पास डिपॉजिट हुआ है ठीक है उसका ट्वेंटी परसेंट आपको अलग से रखना पड़ेगा ट्वेंटी परसेंट यहाँ पर रख दिया अस्सी रुपए बैंक के पास बचे अब बैंक क्या करता है ये अस्सी रुपए आगे फिर लेंड करता है अब किसी जेड व्यक्ति ने ये अस्सी रुपए लिए ये मान के चला जा रहा है कि वो फिर से बैंक के पास जाएगा ये अस्सी रुपए फिर से बैंक में वापस आ गए डिपॉजिट हो गया फिर से ट्वेंटी परसेंट यानी कि सोलह रुपए आपको यहाँ पर टेन परसेंट एट मल्टीप्लाई बाय टू सिक्सटीन फिर से आपको सोलह रुपए हटाकर रखने पड़ेंगे जरा अस्सी में से सोलह घटाना सिक्सटी फोर आपके पास बच गए ये सिक्सटी फोर आगे लैंड करेंगे फिर से मान के चला जा रहा है कि फिर से ये व्यक्ति बैंक के पास आएगा इनिशियली सिर्फ सौ रुपए थे लेकिन आप देखोगे कि ये चरण जो है एक लेवल तक जब तक की राशि उतनी नहीं बचती डिपेंड करता है कितनी इकोनॉमी में पैसे की मांग है उसके आधार पर मनी मल्टीप्लायर डिसाइड होता है तो टेन टाइम्स तक जो है मनी मल्टीप्लायर इजीली जा सकते यानी सौ रुपए से अर्थव्यवस्था में बेस मनी सिर्फ सौ रुपए था अर्थव्यवस्था में हजार रुपए की मनी सप्लाई की जा सकती है तो बेस आपका 100 था मनी सप्लाई होगी हजार रुपए की तो मनी मल्टीप्लायर आपका क्या हुआ टेन टेन होगा ना मनी मल्टीप्लायर हाँ तो यही मनी क्रिएशन है जो बैंक उनके द्वारा बार बार डिपॉजिट लेना लोगों को देना इससे मनी क्रिएट जैसे बैंक क्रिएट मनी कहते हैं ठीक है तो ये है मनी मल्टीप्लायर अब मनी मल्टीप्लायर अगर किसी इकोनॉमी में अच्छा होता है तो किस चीज का संकेतक होता है कि अर्थव्यवस्था में मांग है ठीक है लोग धन ले रहे हैं आप देखोगे कोविड के समय में बार बार ये चिंता का विषय बना हुआ था कि हमारा मनी मल्टीप्लायर गिरा हुआ है एक टाइम आया था कि बैंकों के पास लिक्विडिटी है लेकिन उतनी मांग नहीं थी तो ये मनी मल्टीप्लायर अर्थव्यवस्था का एक संकेतक होता है कि कैसी मांग अर्थव्यवस्था में बनी हुई है ठीक है मनी मल्टीप्लायर अब चूंकि ये टेस्ट डिस्कशन है तो इसे डिटेल में समझा पाना थोड़ी लिमिटेशन है मनी मल्टीप्लायर आपने देखा पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से किस एक के साथ ये बढ़ता है मतलब मल्टी मनी मल्टीप्लायर किसके चलते बढ़ेगा या किसके चलते नहीं बढ़ेगा पहले मैं सिंपल दो बातें आपको बताती हूँ सी आर आर और एस एल आर की मैंने बात की थी अगर आर बी आई कहे कि सी आर आर एस एल आर अब आपको ट्वेंटी परसेंट की जगह इजी मैथ रखने के लिए मैं कहती हूँ कि आपको फिफ्टी परसेंट है। तो मनी मल्टीप्लायर घटेगा या बढ़ेगा घटेगा क्योंकि उतना पैसा बैंक को अलग से रखना पड़ेगा फिर जो बचा हुआ है वो वही आगे लेंड करेगा समझ तो जितना रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं उतना मनी मल्टीप्लायर गिरता है ठीक है ऑप्शन देखते हैं सांविधिक नगदी अनुपात में वृद्धि वृद्धि होगी तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा नहीं अच्छा कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि होगी तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा जनसंख्या में वृद्धि से मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा ये तो ऑप्शन ही अपने आप में काफी अलग था तो एक पॉसिबल ऑप्शन क्या बचता है जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि कैसे मैंने ये कहा कि ये सौ रुपये आए ये फिर अस्सी रुपये यहाँ चले गए वो तब हुआ जब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी पैसा आ रहा है वो वापिस बैंकिंग चैनल तक पहुँच जा रहा है लेकिन हर एक केस में परफेक्टली ऐसा नहीं होता तो लोगों की जितनी बैंकिंग हैबिट होती है कि मेरे पास एक्स्ट्रा धन है चलो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं आवश्यकता है चलो बैंक से लोन ले, ले लेते हैं ये हैबिट जितनी ज़्यादा होती है उतना ही पैसा करेंसी इन सर्कुलेशन और बैंक्स के बीच रोटेट करता है और उसी से बेस मनी पर मनी सप्लाई बढ़ती है तो उससे मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है ठीक है चलिए 2019 को हमने सक्सेसफुली समाप्त किया अब हम आते हैं 2020 तक आप एक चीज देख पा रहे हैं कि 2017 और 18 की तुलना में 2019 में कंसेप्चुअल क्वेश्चन और प्लस अप्लाइड क्वेश्चन बढ़े हैं यही ट्रेंड 2020 और 21 में भी आपको देखने को मिलेगा चलिए पढ़िए सबसे पहला क्वेश्चन यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती द फॉलोइंग एक्शन पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया इम्यूनिटी क्या होता है कि आपको थोड़ा बचाव कर लेंगे ठीक है अब कौन सा अगर फाइनेंशियल अच्छा कोई भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है एक सिंपल सिर्फ मैं आपसे बात जानना चाहूंगी उसके बाद हम प्रश्न पे आते हैं कोई भी ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल क्राइसिस होता है उसका हम पर प्रभाव कब पड़ेगा ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पर बिल्कुल जब हमारी अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष एक्सपोजर होगा समझो अगर हमारी बंद अर्थव्यवस्था है ना हम किसी से कुछ ले रहे हैं ना किसी को कुछ दे रहे हैं तो चाहे वैश्विक संकट आए हम पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा ठीक है तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जितना हमारी अर्थव्यवस्था खुली होगी चाहे निवेश के संदर्भ में हो चाहे आयात निर्यात के संदर्भ में हो किसी भी संदर्भ में हो उतना ही किसी भी ग्लोबल क्राइसिस का प्रभाव हम पर ज्यादा पड़ेगा इस समझ में किसी को कोई दिक्कत बहुत बेसिक सी बात है चलिए ऑप्शन देखते हैं ये प्रश्न पूछ रहा है कि अगर कोई भी ग्लोबल क्राइसिस होता है तो निम्नलिखित में से कौन से के कारण हम बच जाएंगे मतलब हम पर ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा चलिए अल्पकालिक विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना थोड़ी देर पहले मैंने डेट पोर्टफोलियो मतलब जो भी हम उधार लेते हैं उसकी टर्म्स कंडीशन क्या है सब उसमें बताया था कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक भी आता है अगर कोई फिनेंशियल क्राइसिस आ गया और अभी कुछ समय में आपको धन चुकाना है आप खुद क्राइसिस की स्थिति में कि आप चुका पाएंगे नहीं डिफॉल्ट समझो अगर लॉन्ग टर्म है तो हो सकता है आप अपने आप को स्ट्रेंदन कर ले स्थिति ठीक कर ले और आप उसे चुका दें तो आपके पोर्टफोलियो में अगर अल्पकालिक विदेशी ऋण कम है या आप उस पर निर्भर नहीं है तो आप कंपेरेटिवली सेफ हैं ठीक है कंपेरेटिवली सेफ है दूसरा कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना अब जितना आप विश्व के साथ इंटीग्रेट होंगे उतना आपका उतना आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, ही किसी भी क्राइसिस का प्रभाव आप पर बढ़े बढ़ेगा दिखेगा क्योंकि जितना ज्यादा कुछ भी लेन देन विश्व के साथ हो रहा है मतलब आपका एक्सपोजर बढ़ रहा है पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनता को बनाए रखना अच्छा ये आप सारे लोग पढ़ते हैं करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी चालू खाते की परिवर्तनता और पूंजी खाते की परिवर्तनता तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि परिवर्तनता से आप क्या समझते हैं अब मुझे हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कैपिटल और करंट अकाउंट के संदर्भ में कन्वर्टिबिलिटी से आप क्या समझते हैं ये जानना है अच्छा तो फिर एक्सचेंज रेट क्या है सी आप सही जा रही हैं मतलब कंसेप्ट आपका सही है बस थोड़ा से इसे स्पेसिफिक बनाना है करंट अकाउंट के जो लेन देन होते हैं उनके संदर्भ में एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में परिवर्तन होने की कित परिवर्तित करने की कितनी आज़ादी है ये हम किस में देखते हैं करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में हम आयात निर्यात कर रहे हैं करंट अकाउंट के कॉम्पोनेंट सबको पता है गुड्स सर्विस हमें कहीं से भी कुछ मिल गया जहां वापस हमें कुछ नहीं चुकाना सब चीज़ें किस में होती जो इनकम का काम बेसिकली करती हैं निवेश किया हुआ है डिविडेंट मिल रहा है सब क्या आता है करंट अकाउंट में आता है अच्छा अब करंट अकाउंट वाले लेन देन है उसके लिए अगर हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है तो हम इजिली अपनी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करवा लें अगर ये स्वतंत्रता है तो इसे हम कहेंगे करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कैपिटल अकाउंट में जो लेन देन आते हैं यानी निवेश आ गया ऋण आ गया ठीक है कोई असेट आ गई ये सब कैपिटल अकाउंट में है उनसे जुड़ा हुआ जो लेन देन है अगर उनके लिए हम अपनी करेंसी को ईजिली दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करवा पा रहे हैं या दूसरी करेंसी को अपनी में जो भी जैसी कंडीशन है तो इसे हम क्या कहेंगे कि वो कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी है ठीक है समझ में आया कंसेप्ट किसी को कोई दिक्कत ठीक है अब ये टर्म है पूंजी खाते में अगर हम आपको पता है हमारे यहाँ करंट अकाउंट में जो है कन्वर्टेबिलिटी है पूरी तरह से लेकिन आप देखो कि थोड़े बहुत बट तो उसमें हम कहते हैं कि फुली है, कैपिटल अकाउंट में नहीं है क्यों नहीं है हाँ बेसिकली वो प्रभावित हो सकता है अब आप देखिए संपत्तियों के लेन देन में कोई रोक टोक नहीं है तो हो सकता है बहुत सारे हमारी असेट्स विदेशियों के हाथ में चली जाएँ या अचानक से लोग जो है हमारी मुद्रा को दूसरी मुद्रा में कन्वर्ट करवाएं और अपनी असेट्स को हमारे यहाँ से निकाल ले जाए तो अचानक से कैपिटल फ्लाइट हो सकता है ना हमारी इकोनॉमी को शोक लग सकता है झटका लग सकता है तो चूंकि उसमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ का खेल होता है इसलिए हम फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं देते हमने कोशिश की लेकिन बार बार कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई जो अभी कहती है कि हमारी इकोनॉमी इस चीज़ के लिए फुल्ली तैयार नहीं है तो अगर हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को कन्वर्टिबिलिटी को पूरी तरह से लागू कर दे रहे हैं तो मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ हमारा इंटीग्रेशन बढ़ गया कभी भी रुपी को डॉलर या किसी दूसरी करेंसी में या किसी भी दूसरी करेंसी को हमारी करेंसी में कन्वर्ट करवाया जा सकता है बिना किसी रोक टोक के तो कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया निवेशकों को लगा कि भारत में उनका पैसा सुरक्षित नहीं है वो चुटकी में अपना पैसा भारत से बाहर निकाल लेंगे और वो क्राइसिस हमारे लिए और गहन हो जाएगा क्योंकि मुद्रा हमारे यहाँ से फोरन करेंसी हमारे यहाँ से चली गई तो सिर्फ पहला है जो कुछ इम्यूनिटी देगा बाकी दोनों तो जो है एक्सपोजर हमारा बढ़ाएंगे तो कोई भी वैश्विक क्राइसिस आता है तो उसका प्रभाव इनके कारण हम पर बढ़ जाएगा और अगर ये है तो ये कारक उस प्रभाव को हमारे यहाँ कम करेगा या हमें कुछ इम्यूनिटी प्रदान करेगा अब एक चीज और जो मैं बार बार कम्युनिकेट करती हूँ इसका अर्थ ये नहीं है कि ये हमें किसी भी शौक से बचा लेगा ये एक फैक्टर है जिसका थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तब फाइनली ये डिसाइड होता है कि प्रभाव होगा नहीं होगा और होगा तो कितना होगा तो इन ऑप्शंस को आपको अल्टीमेटली नहीं देखना है इन ऑप्शंस की अपनी क्या कैपेसिटी है पॉजिटिव नेगेटिव क्या है उसी कैपेसिटी में आपको इन्हें एक्सप्लोर करना है ठीक है चलिए जी एक्चुअली वैश्विक स्तर पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर विश्वास बढ़ता है क्योंकि व्यवस्था अधिक ट्रांसपेरेंट होती है सरकार आर सबका हस्तक्षेप कम होता है तो ये सारे बेनिफिट होंगे और भी कुछ बेनिफिट है बट वो थोड़ा सा फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है ठीक है हाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा आ भी सकता है जा भी सकता है वो तो दोनों में इंक्लूड है बट हाँ बढ़ना भी एक पॉसिबिलिटी है अच्छा चलिए ये देखिए ये आपके बेसिक्स को टेस्ट कर रहा है बिल्कुल क्वेश्चन देखिए जरा इफ यू विदड्रॉ वन लैक इन कैश फ्रॉम यूर डिमांड डिपोजिट अकाउंट एट यूर बैंक द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीग्रेट मनी सप्लाई इन द इकोनोमी विल बी हिंदी में पढ़ती हूँ मैं यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से एक लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा सबसे पहले तो एक लाख रुपए अकाउंट में होने चाहिए तब निकालेंगे तब प्रभाव होगा चलिए क्यों नहीं पड़ेगा ये तो आपने क्वेश्चन देखा होगा तो पता है कि नहीं पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा ठीक है एम जीरो एम वन एम टू एम वन क्या है टेक्निकली इसे समझते हैं एम वन क्या है करेंसी इन सर्कुलेशन सी प्लस करेंसी इन सर्कुलेशन डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट एम थ्री जिसे व्यापक मुद्रा या मोटे मोटे तौर पर अमूनन जब न्यूज में आप पढ़ते हैं तो एम थ्री मनी सप्लाई को भी रेफर करता है एम थ्री क्या है एम वन प्लस टर्म डिपॉजिट ठीक है तो एम वन मतलब ये सारी चीजें और प्लस जब टर्म टाइम डिपॉजिट और एड हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं एम थ्री इसे व्यापक मुद्रा के नाम से जाना जाता है टर्म डिपॉजिट क्या है डिमांड डिपॉजिट क्या है वो क्या है टर्म डिमांड आपके पैसे बैंक के पास हैं, आप जब चाहे निकाल लें वो क्या हुआ डिमांड डिपॉजिट अगर कुछ एफडी ऐसी कुछ व्यवस्था आप करवाते हैं कि इतने समय के लिए मैं अपना पैसा फिक्स कर रहा हूं, ठीक है तो वो निश्चित अवधि के बाद ही आपको मिलते हैं तो उसे हम टर्म डिपॉजिट के नाम से जानते हैं ठीक है तो एम वन और एम थ्री का अंतर आपको पता चला अब जरा हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है मनी एग्रीग्रेट ठीक है तो एक लाख की नगद राशि यहां पर क्या हुआ कहाँ थी डिमांड डिपॉजिट के तौर पर बैंक में थी ठीक है चाहे आप यहां भी ये यह है यहां भी ये यह है निकलकर कर कहाँ आ गई सर्कुलेशन में आ गई एम वन या एम थ्री दोनों ही समुचे यहाँ पर मनी सप्लाई को दिखा रहे हैं यहाँ पर भी एम वन की सारी चीजें तो है यहाँ पर यानी सी प्लस डी डी प्लस ओ डी और प्लस टी डी और एड हो जाता है तो क्या बनता है एम थ्री मतलब डी डी से पैसे निकलकर कर सी के पास आ गए कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा पड़ता कब? फिर वो पैसे निकले फिर से बैंकिंग चैनल के पास जाएंगे ठीक है फिर से वो किसी और को लैंड होंगे तब उसका प्रभाव पड़ेगा इमीडिएट अगर डीडी से निकलकर सी में चले गए मतलब कि डिमांड डिपॉजिट के तौर पर आपने जमा करवाए हुए थे आपने बैंक से अपने पैसे वापस ले लिया तो उसे एग्रीग्रेट मनी सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिन लोगों को नहीं समझ में आया जाकर मौद्रिक समुच्चय या एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर क्या है उन्हें पढ़ने की कोशिश करनी है उसी में इसका आंसर है बेसिक कंसेप्ट आपको पता है आप कैलकुलेशन लिखिए आपको आंसर मिल जाएगा अब यहाँ पर रिजर्व ट्रांच के बारे में प्रश्न है बट प्रश्न काफी सिंपल है किसके संदर्भ में आप रिजर्व ट्रांच को सुनते हैं या गोल्ड ट्रांच आई में राष्ट्रों का कोटा होता है उस कोटे के समान उनको फंड करना होता है ठीक है आप देखेंगे बैलेंस ऑफ क्राइसिस की स्थिति है तो बिना किसी इंटरेस्ट इत्यादि के इजीली जो आपका कोटा है वहां से आप पैसे भी जो विथ है वो भी उठा सकते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की स्थिति से आप निपट सकते हो लेकिन जितना आपका कोटा है अगर उससे भी अधिक आपको धन की आवश्यकता पड़ती है तो उस स्थिति को हम क्रेडिट ट्रांच के नाम से जानते हैं मतलब आप अपने कोटे जितना तो ले लिया अब उसके बियॉन्ड जा रहे हैं तो उसको लेकर कंडीशन होती है कि आपको निर्धारित टाइम में उसे वापस देना पड़ेगा प्लस आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा बट इतना डिटेल में नहीं है प्रश्न सिर्फ है कि ये टर्म और सभी ने ये टर्म डेफिनेटली आईएमएफ पढ़ा होगा तब पढ़ी होगी तो सिर्फ आपको इतना याद आना चाहिए कि टर्म किससे जुड़ी हुई है वर्ल्ड बैंक केंद्रीय बैंक डब्ल्यूटीओ या आईएमएफ इतना ही इस प्रश्न की कैपेसिटी है चलिए फर्टिलाइजर्स पर आइए भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए नंबर एक वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है इज इट चलिए दूसरी स्टेटमेंट पढ़ती हूँ अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है यह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उत्पाद है ठीक है अच्छा अब हमारे यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्राइस कैसे डिसाइड होता है इसीलिए मैंने पूछा कि सिर्फ ये बता देना कि स्टेटमेंट सही है या गलत उसे क्लियर नहीं होगा ना ही हमारे यहाँ सिर्फ बाजार निर्धारित करता है और ना ही सिर्फ सरकार निर्धारित करती है कुछ फर्टिलाइजर्स को लेकर सरकार कर रही है तो कुछ को लेकर बाजार आप देखोगे यूरिया का मूल्य अभी भी सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है ठीक है आप देखोगे 2010 में हम न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी स्कीम लेकर आए थे और उस स्कीम के बाद यूरिया के अलावा जो बाकी फर्टिलाइज़र थे डीएपी डायमोनियम फास्फेट एमओपी म्यूरेट एम ओ पोटास इत्यादि इन सब का मूल्य निर्धारण का कार्य सरकार बाजार के हाथ में दे देती है सरकार सब्सिडी कैसे देती है कि आप जो भी फर्टिलाइज़र दे रहे हो पर किलो बेस उसमें कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके आधार पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है तो मोटा मोटा बाजार निर्धारित करता है लेकिन अभी भी कुछ समय पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी उसमें था कि उसमें भी सरकार का अच्छा खासा हस्तक्षेप सब रहता है क्योंकि आपने रशिया वाली स्थिति को लेकर फर्टिलाइजर्स प्राइसेस बढ़ जाना हमारे को लेकर जो विशेष छूट रशिया के द्वारा दी जाती थी वो छूट वापस ले लेना सारी चीज़ें होपफुली न्यूज़पेपर में देखी होंगी जो कि आपके चेहरों से नहीं लग रहा है ईमानदारी झूठ खुद से नहीं बोलना है सही से पढ़ो ठीक है तो न्यूज़पेपर वगैरह देखते रहो करो बहुत सारी चीजें आप देखोगे इधर उधर न्यूज में आती हैं एलिमिनेशन में वो बड़ी हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है तो यहाँ पर क्या क्लियर हुआ कि हम ये कहें कि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और सरकार नियंत्रित नहीं करती है ये सही नहीं है अगर ये होता कि सरकार नियंत्रित करती है तो क्या सही होता तो भी सही नहीं होता क्योंकि कुछ को लेकर स्पेसिफिकली यूरिया को लेकर ही सरकार का है बाकी सब बाजार को दे दिया गया है तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है चलिए 51 क्वेश्चन पर आइए और पढ़िए क्वेश्चन को भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है एफ डी आई क्या है स्पीडअप फोरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ और भी उसके बारे में पता होगा ओके okay. अगर शेयर मार्केट में हुआ वो तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है हाँ बेसिकली क्राइटेरिया है अनलिस्टेड अच्छा अनलिस्टेड कंपनी में दस परसेंट से कम है तो सी थोड़ा सा ध्यान रखना है कंफ्यूजिंग है ये अभी भी स्टेटस क्लियर नहीं है बट मोटा मोटा जो जितना मुझे समझ में आया वो क्या कहता है कि एस सेबी के रूल्स कहते हैं कि जो एफ है वो कहाँ आ सकता है लिस्टेड कंपनीज़ में या टू बी लिस्टेड कंपनीज़ में अब ये टू बी लिस्टेड बड़ा ही ओपन एंडेड है मतलब अनलिस्टेड हैं अभी तो लेकिन टू बी लिस्टेड होने वाली हैं और इसकी एक ये भी निकाली जाती है कि एफ पी आई कंपनीज़ में अलाउ नहीं है इसलिए कहा जाता है टेन परसेंट पेडअप कैपिटल का रूल तो काम करता ही है उसके अलावा अनलिस्टेड कंपनी में टेन परसेंट से कम भी जो इन्वेस्टमेंट है उसे हम एफ के नाम से ही जानते हैं ठीक है तो ये एक बार आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो एफ हमें क्या पता चला आपको क्या लग रहा है एफ क्या है हम कैपिटल अकाउंट में देखते हैं ना आ उधार है वो निवेश है क्या है एफ है ठीक है चलिए ये तो बेसिक समझ है यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है यह मूलत इट इज ए इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट असेंशियली इन ए लिस्टेड कंपनी तो थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में देखना ये असेंशियली यहां पर ज्यादा क्लियर हो रहा है हिंदी में मूलतः उतना क्लियर नहीं हो रहा है तो ये असेंशियली लिस्टेड कंपनीज में ऐसा नहीं है ठीक है इट इज ए लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो तो क्या ये ऋण क्रिएट करता है यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है सृजित करने वाला है या गैर ऋण ठीक है तो ये मुख्यतः यह ऋण सृजित न करने वाला तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये उधार थोड़ी ना ये तो निवेश है ठीक है ये ऐसा निवेश है जिसमें ऋण समाशोधन अपेक्षित है इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग अब जो डेट होगा उधार होगा उसी की तो सर्विसिंग करेंगे सर्विस क्या है कि टाइम टू टाइम आप इंटरेस्ट पे करते हो जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो पे करते हो उसे हम डेट सर्विसिंग के नाम से जानते हैं तो जब ये उधार है ही नहीं तो हम डेट सर्विसिंग क्यों करेंगे ये तो किसी ने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया है जब जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार वो अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते हैं उससे उनको लाभ मिलेगा या हानि होगी वो डिपेंड करता है हमें किसी को कुछ पे नहीं करना है तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही नहीं है यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है तो क्या ये सरकारी प्रतिभूतियों तक केंद्रित है ठीक है तो ऑप्शन हमें मिल गया है जो सही है इसको तो आप सरकारी प्रतिभूतियों तक है वहीं देख कर एलिमिनेट कर सकते हो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉप कर रही हूँ इसका कारण क्या है कि यूपीएससी ने भी इसे ड्रॉप कर दिया है ठीक है इसका आंसर है एक्स तो बहुत समय लगेगा इसमें सहमति बनने में कि क्या सही लग रहा है क्या नहीं इसलिए इसको अभी के लिए हम छोड़ देते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है वित्तीय ऋण क्या होता है और गैर वित्तीय ऋण का कंसेप्ट क्या होता है बैंक और कंपनी ठीक है सी गैर वित्तीय और वित्तीय यह निर्धारित होता है सिर्फ एक टर्म याद रखना कौन बोरो करता है या कौन उधार ले रहा है इसके आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं कि वित्तीय होगा या होगा। अगर लेने वाली, उधार लेने वाली वाली उधार संस्था वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे बैंक हो गए और हमारे वित्तीय संस्थान हो गए सिडबी नाबार्ड सब आपको पता है ये लोग भी आपस में वित्त लेते हैं ठीक है आप देखोगे नाबार्ड इत्यादि तो रिफिनेस करने का काम भी करते हैं नीचे वाले जो संस्थाएं हैं उनको तो उनके द्वारा अगर बोरो किया जा रहा है तो वो क्या होगा वित्तीय ऋण और उसके अलावा चाहे सरकार हो चाहे सिटीजन हो हमारे चाहे हमारी कंपनीज हो किसी के भी द्वारा उधार लिया जा रहा है वो क्या होगा गैर वित्तीय ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है इसके आधार पर आप इजीली सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे परिवारों का जो ऋण है मतलब परिवार उधार ले रहे हैं तो गैर क्रेडिट कार्ड भी आम लोग ही यूज कर रहे हैं ठीक है और टी बिल के माध्यम से कौन लेती है सरकार सरकार एक वित्तीय संस्थान नहीं है तो आंसर हमारा क्या होगा जिसमें भी सारे इंक्लूड हैं किसी को इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत सिर्फ इतना याद रखना है बोरोस, उसके आधार पर जी फाइनेंशियल ठीक है वित्त को फिनेंस, को विशियल फिफ्टी सिक्स ट्रिप हमने कल देखा था ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आज है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है अच्छा ये किसके तहत व्यवस्था की गई थी डब्ल्यूटीओ ये व्यवस्था ऑलमोस्ट तभी शुरू होती है जब डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में होता है कब आता है डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में 1995 ठीक है चलिए देखते हैं विदेशी निवेशकों द्वारा किया जाने वाला आयात पर परिणात्मक निर्बंधन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड ठीक है ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होता है ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है अच्छा क्या है ट्रिम्प ये तो बेसिक इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं जब डब्लू टी ओ स्ट्रक्चर रिलेटेड एग्रीमेंट्स हम पढ़ते हैं तो ट्रिप्स एओ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ट्रिम्स क्या है बेसिकली ये एक एग्रीमेंट है जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स को लागू करता आप देखोगे ओवरऑल एफ डी आई एफ आई आई को डील नहीं करता बल्कि ट्रेड रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट की चीजें हैं उनको इस एग्रीमेंट के तहत डील किया जाता है जैसे क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं ये एग्रीमेंट कहता है कि वैश्विक व्यापार विकृत नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए और इस तरह के रूल्स राष्ट्रों को नहीं लागू किए जाने चाहिए अब उसने कुछ रूल स्पेसिफाइक भी किया जिसमें एक रूल हमने कल पढ़ा था डोमेस्टिक कंटेंट डिमांड हम ये कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो है अगर आप एक जैसे भारत है डेवलपिंग कंट्रीज है मुख्यतः डेवलपिंग कंट्रीज इस तरह की कंडीशन रखती हैं कोई किसी एक कंट्री से कोई भी मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी है भारत क्या कहे कि आपके फ़ोन हम इंपोर्ट तब करेंगे या अपने यहाँ तब सारी चीज़ें हम आपकी अलाउ करेंगे जब आपने अपने फ़ोन में जो बैटरी इस्तेमाल की है वो भारत में मैन्युफैक्चर हो मतलब हमने क्या किया हमने एक कंडीशन रख दी है कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें हमारा भी कुछ कंटेंट होना चाहिए ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री

फिर जो है वो बेचना चाहती है तो इम्पोर्ट बिल हमारा बढ़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज है हमारा मेन कंसर्न रहता है इम्पोर्ट बिल जितना हो सके कम हो एक्सपोर्ट हम प्रमोट करें अब अगर सरकार कुछ ऐसी कंडीशन रखे कि ठीक है आप चीज़ मंगवाइए लेकिन जितने वैल्यू का आप मंगवाते हैं उतने ही वैल्यू का या उससे कुछ अधिक जो भी कंडीशन हो आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा तो ये फिर क्या हो गया कि कहीं ना कहीं इस तरह के रूल्स बनाए जा रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार को डिस्टोर्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें क्लियरली हम ट्रिम्स समझौते के तहत डील करते हैं इसके बारे में दो तीन फैक्ट काफ़ी फेमस है मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पढ़े हैं या नहीं कि ट्रिम्स जो है सिर्फ गुड्स को डील करता है सर्विसेज जो है इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं है दूसरा मैंने पहले बता दिया था ये एफ डी या इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है उसको डील नहीं कर रहा है बल्कि ट्रेड करने से जुड़े हुए जो पहलू है ना इन्वेस्टमेंट के सिर्फ उनको ये डील

अगर होता तो गलत होती तो सी हमारा आंसर बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है यहाँ पर मेन मुद्दा ये नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन समझा रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा पता ये करना है कि क्या मैंने ट्रिम्स के बारे में पढ़ा है ट्रिप्स के बारे में पढ़ा है एओए के बारे में पढ़ा है और नॉलेज no डेफिसिट है तो आप उसे फिल करें साथ ही ये देखें कि, कि जब यूपीएससी क्वेश्चन बना रही है तो किस तरह के पॉइंट्स पर एम्फेसिस कर रही है जो एकदम एब्सोल्यूट फैक्ट होते हैं जैसे कि सेवा वस्तु आप देखोगे कि कोई बहुत डिटेल फैक्ट्स नहीं है हमने नहीं ठीक से पढ़ा इसलिए हमें लग रहा है कि अरे ये तो बहुत छुपी हुई बात थी जो पूछ ली गई है बट किसी भी एग्रीमेंट के बारे में दो चार चीजें बड़ी फेमस होती है अच्छा ये इसमें है ये इसमें नहीं है जैसे कि मैंने स्मॉल फिनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के बारे में बताया था कि वो क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकता वो वो सर्विसेज देता है ये फैक्ट बहुत पॉपुलर थे उस समय में समझो तो इसी तरह की ये पॉपुलर फैक्ट है कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिनका मिक्सचर आपसे प्रश्न के तौर पर पूछा जा रहा है तो पढ़ने की स्ट्रैटेजी मेन मैसेज है कि आप सीख के जाएं और उसमें सुधार करें चलिए फिर से हम आरबीआई की प्रसारवादी मौद्रिक नीति पर आ गए हैं पढ़िए क्वेश्चन को अप्लाइड क्वेश्चन है। देखिए यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वो क्या नहीं करेगा अब देखिए प्रसारवादी मौद्रिक नीति क्या है ये तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए प्रसारवादी क्या होती है प्रसार करना और जब आरबीआई करेगा तो किसका प्रसार करेगा धन का लिक्विडिटी ठीक है तो मतलब जब आरबीआई अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने या डालने की कोशिश कर रहा है तो वो इनमें से क्या चीज नहीं करेगा मतलब डेफिनेटली कोई ऐसा स्टेप होगा जो लिक्विडिटी को कम करेगा तो वही वो नहीं करेगा चलिए स्टेप्स देखते हैं वैधानिक तरलता अनुपात जिसे हम एस हैं को घटाकर उसे अनुकूलित करना तो जब रेट्स घटती हैं चाहे रेपो रिवर्स रेपो एस एल तो उससे क्या होता है अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट रेट कम होती है और कम होती है तो लिक्विडिटी बढ़ती क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट पर लोग ज्यादा उधार लेते हैं निवेश करते हैं या जो भी है तो ठीक है कम कर रहा है ये तो ठीक है मौद्रिक नीति प्रसार में यही तो किया जाता है कि रेट्स कट की जाती है दूसरा MSF दरों को बढ़ाना मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से उधार लिया जाता है अब ये भी एक रेट है अब आपको पता होना चाहिए नहीं पता तो होमवर्क है एमएसएफ क्या है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है क्या है एमएसएफ थोड़ा सा पढ़ना जीसेक बिना रखे ऐसा नहीं होता बल्कि एस जो आपको मेनटेन करना होता है उसमें जो सिक्योरिटीज़ हैं आपको उनको यूज करने की लिबर्टी मिलती है और आप पाएंगे कि एम रेट फिर हाई भी होती है क्योंकि बैंकों के लिए ये पीनालाइजिंग होती है कि आपने अपना जो है लिक्विडिटी मैच क्यों नहीं करके रखा कि ये नौबत आ गई कि जी सेक आपके पास नहीं है आगे रखने के लिए फिर भी आपको धन चाहिए बट एज़ लास्ट लैंडर टू बैंक्स आर उनको धन तो देता है लेकिन जो नॉर्मल रेट है उसकी तुलना में एम एस एफ रेट कुछ अधिक होती है दंड के स्वरूप उसको अधिक रखा जाता है तो एक बार अच्छे से चेक करना ठीक है बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना तो कोई भी दर अगर घट रही है तो उससे अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट रेट कम होंगी और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो ये तो दोनों सही हैं तो किसी भी रेट को बढ़ाएगा नहीं चाहे वो सी आर आर हो एस एल आर हो रेपो रिवर्स रेट हो बैंक रेट हो एमएसएफ हो कुछ भी हो कोई भी रेट कम होगी तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट होता है कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम होगी और फिर लिक्विडिटी बढ़ेगी और वाइस ऑवर्स अगर बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी लिक्विडिटी कम होगी लिक्विडिटी कम होगी रेट्स बढ़ेंगे तो ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा फिफ्टी सेवन का बी ये अप्लाइड क्वेश्चन है और ये मैं कहूंगी कि बहुत सिंपल तरह का अप्लाइड क्वेश्चन था क्योंकि रेट्स बढ़ना और घटना उनका क्या प्रभाव है ये तो पता होना चाहिए इसमें यह भी जरूरी नहीं कि आपको ये पता हो कि एमएसएफ एग्जैक्टली exactly है क्या आपको पता है पॉलिसी रेट है जो आरबीआई द्वारा यूज होती है और रेट्स का क्या प्रभाव होता है ये पता होना चाहिए चलिए ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है पढ़िए शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004-5 की कीमतों पर प्रति श्रमिक जो है यानी शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि हुई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उसमें कमी हुई है ऐसा है कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है और ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है क्या सही लग रहा है एक्चुअली एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ रूरल इकोनॉमी 2017 अब उसके जो ये आंकड़े थे ये चर्चा में रहे जिनसे ये प्रश्न बना ठीक है सबसे पहले ऐसा कुछ नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में जो है उत्पादकता में वृद्धि हुई ग्रामीण क्षेत्रों में कमी हुई रिपोर्ट कहती है कि दोनों ही के संदर्भ में प्रतिश्रमिक जो उत्पादकता है वो पहले की तुलना में हमारे यहाँ बढ़ी है ठीक है दूसरा अच्छा कुछ कॉमन सेंस से भी एलिमिनेट होंगे कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में वृद्धि होना यानी जो हमारा कुल कार्यबल है उसमें कितने लोग शहरों से आते हैं कितने गाँव से आते हैं तो ये क्वेश्चन उनका अनुपात नहीं पूछ रहा ये कह रहा है कि पहले जितना था इक्यानवे में उसकी तुलना में कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले कार्यबल की हिस्सेदारी बढ़ी है या घटी है ये प्रश्न जान रहा है जरा कॉमन सेंस से सोचिए बढ़ेगी कैसे अर्थव्यवस्था का मतलब जो है ओवरऑल हमारे यहाँ नगरीकरण हो रहा है समझ लो तो लोग तो ग्रामीण क्षेत्रों से कम हुए हैं ना तो फिर कैसे बढ़ेगा इसको लेकर आंकड़ा भी है कि लगभग बानवे तिरानवे के समय कार्यबल में सेवेंटी सेवन परसेंट जो लोग थे वो ग्रामीण क्षेत्र से थे अब लगभग सेवेंटी टू सेवेंटी वन परसेंट हो गया है ये ऑप्शन अगर आप थोड़ा सा पॉपुलेशन डेटा सबको लिंक करके सोचेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये सही नहीं है क्योंकि जब वैसे लोग शहरों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं तो कार्यबल में ग्रामीण लोगों का प्रतिशत कैसे बढ़ेगा ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको पता है रोजगार डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है और कृषि पर आश्रित लोग कम हो रहे हैं ठीक है तो जो गैर कृषि कार्य है इवन आज के समय में तो अराउंड टू थर्ड हिस्सेदारी जो इनकम है ग्रामीण क्षेत्रों में उसमें गैर कृषि कार्यों की तो आपको क्या पता चला सेकंड सही नहीं है और थर्ड अगर सेकंड भी आपने मोटा मोटा आइडिया लगा लिया तो दो ऑप्शन तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर दोगे और ये तो जब पूछा गया काफी चर्चा में रहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है जो कि नहीं आनी चाहिए थी बट आई है तो तीन और चार इसमें सही है ये भी एक फैक्चुअल तरह का क्वेश्चन है देखिए जरा कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सहकारी बैंकों का स्ट्रक्चर क्या है पैक्स है सबसे पहले प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज और फिर स्टेट कॉर्पोरेट क्रेडिट सोसाइटीज तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के बारे में यानी बीच के लेवल पर जो आती को है एक डिस्ट्रिक्ट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करती हैं कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं ये काफी समय तक चर्चा में रहा कि सोसाइटीज स्पेसिफिकली हमने कृषि ग्रामीण सेमी अर्बन एरियाज इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए थे लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो कृषि कार्य हैं उनको जो टोटल ऋण दिया जाता है अगर उसे हम हंड्रेड मान लें तो इनकी हिस्सेदारी मात्र बारह परसेंट के आसपास है ठीक है जो हमारे रीजनल रूरल बैंक है उनकी हिस्सेदारी अराउंड ग्यारह परसेंट के आसपास है और मोर देन सेवेंटी परसेंट भूमिका हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक की है तो ये बात हुई कि ये जो बैंक है जो स्पेसिफिकली क्रेडिट सोसाइटी से इसी पर्पज से बनाई गई थी लेकिन इनकी भूमिका जो है उतनी नहीं बढ़ रही है तो ये कि इनसे अधिक है ऐसा नहीं है बल्कि इनकी हिस्सेदारी जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो कुल वित्त आपूर्ति है उसमें मात्र 12% परसेंट के आसपास है दूसरी स्टेटमेंट डीसी का एक सबसे प्रमुख कार्य ये अपने से नीचे क्या होती है पैक्स है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज उनको धन देती है तो ये तो बेसिक आप क्रेडिट सोसाइटीज उनके स्ट्रक्चर उनका फंक्शन पढ़ेंगे वहीं से क्लियर हो जाएगा तो फर्स्ट थोड़ा सा करंट अफेयर में चर्चा में रहा सेकेंड स्टेटिक पार्ट से जुड़ा हुआ है तो वो सही है चलिए क्वेश्चन पढ़िए वन भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है बताइए किसे सार्वजनिक निवेश माना जाएगा सार्वजनिक निवेश होता क्या है सार्वजनिक निवेश छोड़िए निवेश क्या होता है जो उत्पादन गतिविधियों को बढ़ाए चले सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना क्या एमएसपी क्योंकि यहां पर सार्वजनिक नहीं बल्कि निवेश इम्पोर्टेंट है एमएसपी क्या इन्वेस्टमेंट है ये तो आपको अब दे दिया गया है लेकिन क्या ये उत्पादन को किसी तरह से सपोर्ट कर रहा है मतलब कुछ निवेश होता है ना जैसे फर्दर आपकी जो है उत्पादन गतिविधियों को बढ़ाए ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रभाव इसका नहीं है ठीक है प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण अगर आप कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर या फिर कुछ अमूर्त तौर पर ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोई स्किल एनहांस कर रहे हैं कुछ भी नॉलेज एनहांस कर रहे हैं कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि उत्पादन में दक्षता आएगी बढ़ोतरी होगी उसे हम निवेश के नाम से जानते हैं तो अगर आप प्राथमिक कृषि साख समितियां जो कृषि को लेकर ऋण देती हैं उनका कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं तो मतलब आप उनकी स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं वो अपना काम और एफिशेंटली करेंगी तो क्या हम इसे इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं ठीक है कृषकों को निशुल्क बिजली की अच्छा सामाजिक पूंजी विकास सामाजिक पूंजी विकास क्या है ह्यूमन कैपिटल बेहतर रिलेशन हर एस्पेक्ट में ये वाली जो इनटेंजिबल चीजें होती हैं ये इसका हिस्सा बनती है तो क्या ये इसका प्रभाव होगा चलिए कृषकों को हम निशुल्क बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं नहीं इससे कोई क्षमता निर्माण नहीं हो रहा है बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण माफी कृषि ऋण माफ से भी कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रहा वो तो आपको दे दिया गया है कि ठीक है अब माफ हो गया उससे उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ने वाली है सरकारों द्वारा अगर कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं बनाई जा रही हैं तो ये क्या है अट क्रिएशन है ठीक है ये इन्वेस्टमेंट में आएगा तो आप देखोगे कि जो ऐसे तत्कालिक प्रभाव है देखो किसानों के हाथों में पैसे दे देना निवेश नहीं है अगर आप कुछ इस तरह से सहायता कर रहे हैं जिससे कि उत्पादन गतिविधियां जो है वो प्रमोट होगी उत्पादन दक्षता बढ़ेगी चाहे वो अमूर्त तरह का निवेश आप कर रहे हैं या फिर चाहे मूर्त असैट जैसे फिजिकल असेट्स हो गए उपकरण इत्यादि हो गए उनमें आप निवेश कर रहे हैं ठीक है तो अगर आपको निवेश का सिंपल कंसेप्ट पता है कि किसे निवेश माना जाता है कंपनी के फ्रंट पर भी पता है क्योंकि जनरली हम कंपनियों के संदर्भ में पढ़ते हैं ना कंपनीज क्या निवेश है उनका क्या नहीं है उस आधार पर भी अगर आप सोचेंगे समझ है तो आप एलिमिनेट कर लेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है ये तो न्यूज में भी चर्चा में था इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर हुआ था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपके डेट और प्रॉफिट का क्या सहसंबंध है ये देखा जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो में अगर मैं सिंपल आपको एक फॉर्मूला बताऊं तो क्या है आपका प्रॉफिट डिवाइड बाय योर इंटरेस्ट लाइबिलिटीज ठीक है वो आपका क्या दिखाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो आपको इंटरेस्ट पे करना है जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉफिट हुआ आपकी कंपनी को हजार रुपे. लेकिन जिस एक वर्ष में मैं ये प्रॉफिट की बात कर रही हूं वित्त वर्ष में आपकी इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटी है पांच सौ रुपए तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या हो गया दो हो गया ठीक है अब थोड़ा सा मैथ चेंज करते हैं आप देखिए आपका प्रॉफिट हुआ यहां पर 5000 हजार और इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन आप पर कितनी है पांच सौ ठीक है तो यहाँ पर रेशियो क्या हुआ तो आप मुझे ये बताएंगे कि बढ़े हुए सिनारियों में किसी कंपनी के लिए स्थिति सही है या घटे हुए सिनारियों में बढ़े हुए में ना क्योंकि आपका प्रॉफिट अधिक है और आप पर इंटरेस्ट चुकाने की लाइबिलिटी कम है मतलब कंपेरेटिवली आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप सुरक्षित अब ऐसे वैसे अच्छी की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं होती वो कंपनी टू कंपनी कौन सा फील्ड है उसमें कितना जोखिम होता है कितने पैसे उठाने उचित है वेरी करता है बट आम समझ ये कह रही है। चलिए समझ में आ गया कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या दिखाता है कि आप अपने प्रॉफिट से अपने इंटरेस्ट को कितना इफेक्टिवली कवर कर पा रहे ठीक है चलिए ऑप्शन देखते हैं यह है उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है आप बैंक छोड़िए अगर आप निवेश करते हैं और आपको ये पता चलता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी कंपनी का दस आपको लगेगा ना कि कंपनी पर उतनी लाइबिलिटी नहीं है सुरक्षित है सेम चीज बैंक को लगती है तो बैंक इस चीज़ से ये आश्वस्त हो सकता है कि कंपनी की स्थिति और भी चीज़ें देखेगा बट ये भी एक इंडिकेटर है जिससे कंपनी की स्थिति का पता चलता है दूसरा यह है उस फॉर्म जैसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में भी मदद करता है करेगा या नहीं क्यों क्योंकि जो आज है उसी पर तो आपके भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है अच्छा उधार लेने वाली फॉर्म का ब्याज व्याप्ती अनुपात या इंटरेस्ट कवरेज जितना अधिक होगा उसकी समाशोधन जिसे इंग्लिश में डेट सर्विसिंग कहा जाता है क्षमता उतनी ही खराब होगी क्या ये सही है ये स्टेटमेंट कह रही है कि जितना आपका आईसीआर ज्यादा होगा उतनी ही आपकी जो है ऋण चुकाने की क्षमता खराब होगी क्या ऐसा है बल्कि यहाँ तो अच्छा है क्योंकि आप पर जो है लाइबिलिटीज कम है आपका प्रॉफिट ज्यादा है तो ये जितना कम होगा उतना आपकी स्थिति खराब होगी और ये रेशियो जितना ज्यादा होगा मतलब आप सेफर साइड हैं अब गलती से इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं ऐड हुए पीपीटी में तो कौन सा सही है अगर इसमें ये पूछा गया कौन सा सही है तो वन एंड टू और कौन सा सही नहीं है तो चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री हाल ही के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं अब चावल के मूल्य को हमारे यहाँ क्या प्रभावित कर सकता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया जरा ऑप्शंस पढ़िए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सरकार दे रही है चावल मूल्य को प्रभावित करता है किसी को कोई डाउट सरकार द्वारा व्यापार करना व्यापार हो रहा है प्रभावित करेगा ठीक है भंडार कितना कर रहे हैं ठीक है तो उससे उस पर्टिकुलर टाइम में मार्केट में अवेबिलिटी क्या है ये निर्धारित होती है जब सरकार भंडार को जो है कम करती है निकालती है तब प्राइस प्रभावित होता है हर समय पे हो रहा है ठीक है उपभोक्ता सहायकियाँ या जो सब्सिडी दी जा रही है कंज्यूमर्स को उससे भी चावल का मूल्य प्रभावित होगा क्वेश्चन में कुछ जो है डिफिकल्टी नहीं है सारे ऑप्शन सही हैं किसान क्रेडिट कार्ड कब लाया गया था 1998 आई था, थिंक है है ठीक चलिए किसान क्रेडिट कार्ड लाया क्यों गया था ये किसान क्रेडिट कार्ड काफी फेमस स्कीम है तो उसके क्या मेजर प्रोविजन आपको पता होना चाहिए आप देखोगे कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम थी ये लॉन्ग लास्टिंग तरह की असेट्स के लिए नहीं थी बल्कि जो कृषक हैं उनकी जो ऑपरेशनल नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई थी अब इसके उद्देश्य ही हैं जरा देखिए फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी ऑपरेशनल कैपिटल दे गई ठीक है कम्बाइन मशीनें ट्रैक्टर ये इस तरह की जो असेट्स हैं उनको खरीदने की व्यवस्था इस कार्ड के माध्यम से नहीं की गई थी फार्म परिवारों के आप देखोगे बाद में कंज्यूमर जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी यहाँ से धन इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ की अनुमति दी गई फसल कटाई के बाद के जो आपके खर्चे हैं जो पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस जिन्हें कहते हैं उनके लिए भी यहाँ से खर्च कर सकते हो अच्छा परिवार के लिए घर निर्माण या कोल्ड स्टोरेज बनाना ये सब उसमें नहीं है ठीक है तो ये तो आप देखते ही काट देंगे अगर किसी को ये लग रहा है कि वन परसेंट कि ये तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है हो सकता है मतलब तो लगना तो नहीं चाहिए मेजर स्कीम है बट फिर भी मैंने मान लिया लग रहा है तो भी आप इसे एलिमिनेट कर देंगे अगर पाँचवें पे आप क्लियर हैं तो क्योंकि उसके अलावा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो आंसर दे रहा है तो जब किसी भी क्वेश्चन को पढ़ो तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि उसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है आपको सही से पता है या नहीं पता अच्छा क्लियर नहीं पता कहीं इधर उधर से चीज़ें कुछ और आसपास पास पढ़ी हुई लिंक हो रही हैं कुछ थोड़ा बहुत कंफर्म है चीज़ें कुछ नहीं है तो ज़रा एलिमिनेट करने की कोशिश करो तो एक के बाद एक सारी टेक्निक्स यूज करनी है क्योंकि आप देखोगे फ़ाइनल एग्ज़ाम में सबके वेरिएशन होती है बट एवरेज में बताऊं तो 45 से लेकर 65 या 70 तक का एवरेज रेशियो होता है जहां लोगों को सही आंसर पता होते हैं मैक्सिमम लोग लोअर साइड होते उसके बाद आपका गेस्ट वर्क कितना है कॉमन ऑब्जर्वेशन आप कितना अच्छे से यूज कर रहे हो एलिमिनेट आप कैसे कर रहे हो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पंद्रह बीस क्वेश्चन को सही करती हैं या गलत करती हैं तो हर एक चूंकि लिमिटेड टाइम है हर एक क्वेश्चन पे मैं हर एक चीज़ नहीं समझा सकती कि यहाँ पर एलिमिनेशन क्या है सब क्या है तो जहां जहां से जो मैसेज math, आपको मिल रहा है ओवरऑल आप जब टेस्ट सॉल्व करें तो चीज़ों को आपको इंक्लूड करते हुए चलना है ठीक है WPI पी आई सी पी आई में किसी को कोई डाउट चलिए डाउट नहीं है तो प्रश्न देखते हैं खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सी पी आई में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है ठीक है खाद्य वस्तुओं का भार किस में अधिक है CPI में और डब्लू पी आई में मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स हैं उनको वेटेज अधिक दिया गया है डब्लू सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता है जैसे सी करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गुड और सर्विसेज दोनों को डील करता है डब्लू नहीं करता क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है ये एक सर्विस है अब सर्विस होलसेल के लेवल पर नहीं होती थोक के स्तर पर कि भर के टीचर कहीं से निकल रहे हैं है? ऐसा नहीं होता है भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु डब्लू के स्थान पर अपनाया था, ठीक है? अब जरा ये देख लीजिए कुछ है काम आ जाए डब्ल्यू कौन रिलीज करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सीपीआई सी एसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ठीक है मीजर डब्लू पी आई सिर्फ वस्तुओं को करता है इसमें गुड्स और सर्विस अब इसमें कितने आइटम कवर्ड हैं और बेसियर ग्यारह बारह और इसका ठीक है अब यहाँ पर जरा आप देखना ये हमारे प्रश्न से जुड़ा हुआ था ये हमारे क्वेश्चन से रिलेट करता आप इसमें देखो सी पी आई में फूड एंड बेवरेजेस और आप इसमें देखो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इसमें प्राइमरी आर्टिकल जिसमें मुख्यतः खाद्य पदार्थ आते हैं ट्वेंटी परसेंट और यहाँ पर देखोगे स्पेसिफिकली फोर्टी सिक्स परसेंट अराउंड जो है वेटेज खाद्य पदार्थों को दिया गया है तो थोड़ा सा किस में कहाँ कितना वेटेज दिया गया है और आप देखो कि कोई बहुत छुपा हुआ फैक्ट नहीं पूछा गया है ये तो बहुत क्लियर है मतलब तो और डिटेल में अगर आपसे कुछ पूछते हो सकता है कोई कन्फ्यूजन होता ये क्लियर है कि सी में खाद्य पदार्थों का वेटेज डब्लू की तुलना में अधिक है और या उल्टा आपसे पूछा जाए कि डब्लू में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का वेटेज सी की तुलना में अधिक है तो दोनों ही सही है तो हमने क्या देखा फर्स्ट स्टेटमेंट भार अधिक है दो भी सही है थर्ड सही नहीं है तो इसी के अनुरूप हमारा आंसर भी आप लोग देख लीजिए सिक्सटी सेवन का ए चलिए एक और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन कथनों पर विचार कीजिए सभी अनाज दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रांपण या खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होती है ये ओवरऑल आपकी जो है एमएसपी को लेकर समझ है उस पर आश्रित है बार बार आपने जब हम एमएसपी सिस्टम की कमियां पढ़ते हैं तो दो पॉइंट पढ़ते हैं एक तो कि एम सिर्फ हमारे यहाँ कुछ ही क्रॉप्स के लिए एक्चुअल में काम कर रहा है जितनी सारी बाईस तेईस क्रॉप्स उसमें इंक्लूड हैं सभी के लिए उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता अधिकतम जो खरीद है वो धान गेहूं तक ही चावल गेहूं तक ही सीमित है या फिर कॉटन बाकी के संदर्भ में हम ये कहें कि जितना प्रोड्यूस हो रहा है किसान कहें कि गवर्नमेंट खरीदेगी तो वो नहीं ख़रीदती जो पहले गया जिसका बिक गया आप देखोगे जब एम एस पी सिस्टम सब खुलता है तो किसानों की बड़ी बड़ी लाइनें लगी रहती हैं कि वो उनका नंबर आ जाए तो ऐसी कोई असीमित गारंटी नहीं देती कोई गारंटी है ही नहीं क्योंकि इसके पीछे कोई लीगल बैकअप है ही नहीं जैसा कि पहले बताया गया तो दूसरी कमी हम क्या पढ़ते हैं मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेन्स की इन्फॉर्मेशन भी हेल्पफुल होती है ऑप्शन एलिमिनेट करने में दूसरा हम क्या पढ़ते हैं कि वास्तव में कुछ ही राज्य हैं जहाँ से खरीद हो रही है बाकी राज्यों से खरीद हो ही उतनी नहीं रही है तो फर्स्ट स्टेटमेंट कि सभी अनाजों के लिए असीमित खरीद है तो ऐसा नहीं है यही कमी है एमएसपी की दूसरा अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुँचता अब जरा देखिए सिंपल एमएसपी किस जिस स्तर पर बाजार मूल्य नहीं पहुंचा ऐसे निर्धारित होता है नहीं सी ए सी पी अनुशंसा करता है जो इनपुट कॉस्ट लगे हैं उनका बाजार मूल्य उपभोक्ताओं को किस रेट में पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पर क्या प्राइसेस है अगर आप उस स्थान पर कोई दूसरी फसल उगाते तो आपको क्या मिलता मल्टीपल फैक्टर्स है जिनको कंबाइन किया जाता है और फिर जो है किसी भी क्रॉप का एमएसपी निर्धारित किया जाता है ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ कभी प्राइस नहीं पहुंचा उतना एमएसपी गवर्नमेंट को देना है कम भी हो सकता है जो मार्केट प्राइस है ज्यादा भी हो सकता है ठीक है तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने कितना घोषित किया तो आंसर क्या होगा सिक्सटी नाइन का डी ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको डिफिकल्ट था आई थिंक अगर एम की समझ है बेसिक क्योंकि जब भी एम और उसके इशू डिस्कस होते हैं और एम MS, एस कैसे निर्धारित होता है दो चीज़ें क्लियर हैं तब आप इसका सही आंसर देंगे लास्ट क्वेश्चन 2020 से भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कमर्शियल पेपर्स जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र है जब हमने फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन देखा था पार्टिसिपेटरी नोट्स की हमने बात की थी ठीक है वैसे एक क्वेश्चन में आई थिंक कमर्शियल पेपर भी कहीं डिस्कस हुआ था ठीक है तो कमर्शियल पेपर मैंने क्या बताया था कंपनीज हैं इनके माध्यम से धन जुटाती कमर्शियल पेपर जारी करते हैं उनके एवज में उनको धन मिल जाता है अच्छा मैंने ये भी बताया था कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और अनसिक्योर्ड होते हैं इनके पीछे कोई जो है गारंटी बंधक नहीं होता और क्यों कोई भी निवेश करता है क्योंकि जनरली ये जारी वो कंपनीज़ करती है जिनको लगता है कि अगर हमारे अनसिक्योर्ड तरह के भी अगर हम पेपर जारी कर रहे हैं तो लोग उसके बॉन्ड एक तरह से है ये भी तो उसके एवज में हमें पैसा मिल जाएगा ठीक है तो अनसिक्योर्ड है क्योंकि अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं ठीक है तो ये सही है दूसरा जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या ये आरबीआई द्वारा किसी निगम को निर्मित किया जाता नहीं नॉर्मल आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आप अपना पैसा जमा करवाते हैं निश्चित समय के लिए उसके एवज में आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलता है मनी। अंतर बैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है इसमें किसी को कोई डाउट कोल मनी क्या है थोड़ी देर पहले बताया था ना जब हम असेट लाइब्रेटी का कंसेप्ट पढ़ रहे थे कॉल मनी और शॉर्ट मनी ये सब हमने देखा था ना तो कॉल मनी क्या है कि जब भी आप मांगे आपको वापस मिल जाए बताया था ना कि जो बैंक या वित्तीय संस्थान है अपनी अल्पकालिक जो तरलता की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए इसका सहारा लेती हैं तो शीघ्र यानी कॉल मनी अंतरबैंक लेन देन है अल्प अवधि के लिए होता है ये ठीक है जीरो कूपन बोन्स अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालिक बॉन्ड हैं जीरो कूपन बॉन्ड किसको कहते हैं ट्रेजरी बिल्स को कौन जारी करता है जीरो कूपन बॉन्ड क्यों कहा जाता है क्योंकि वो डिस्काउंट पर जारी होते हैं डिस्काउंट पर मतलब जिस फेस वैल्यू पर जारी किया गया सौ आप उसको दीजिए बदले में पचानवे और जब मैच्योर हो जाएगा एक साल की अवधि है तो बाद में आपको सौ मिल जाएंगे तो यही जो पाँच रुपये हैं वो आपके क्या होंगे यहाँ पर इंटरेस्ट का काम करेंगे ठीक है तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही नहीं है तो आप देखो कि इसमें केवल एक और तीन स्टेटमेंट सही है तो इस तरह की जो टर्म्स पढ़ते रहते हैं बहुत डिटेल में नहीं उनका अर्थ क्या है उनका बेसिक पॉपज क्या है एटलीस्ट इस लेवल की क्लैरिटी आप लोगों को रखनी है ठीक है कि क्या है सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है किस पर्पज के लिए वो जारी किया जाता है क्योंकि अगर उद्देश्य याद नहीं रखेंगे ना तो बाकी चीजें भी याद नहीं रहेंगी तो जो कंसेप्ट है उनके लिए सुझाव है कि उनको कभी भी रटना मत वरना आप भूलेंगे और कंफ्यूज होंगे उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है ठीक है अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ब्रेक चाहिए या नहीं चाहिए ठीक है पाँच मिनट का ब्रेक ले लेते हैं मैं यही हूं ठीक है मतलब मैं हूं यही आप लोग अगर मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो मेरे लिए ब्रेक है <laughs> ठीक है क्योंकि वो जाने आने में आई थिंक ज्यादा समय चला जाता है पांच मिनट का ब्रेक लेते हैं इसके बाद स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं अच्छा अभी जिस स्पीड से हम चल रहे थे चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं मतलब जिन लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है देखो जिनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है आई थिंक उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है स्टार्ट करें 21 के लिए सीधा क्वेश्चन पेपर है क्योंकि इसमें इकोनॉमी के क्वेश्चन सीधा एक रो से है लगातार हैं ठीक है तो क्वेश्चन पेपर से ही हम देख लेते हैं चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा अप्रोच जो फैक्टुअली ऐसे क्वेश्चन रहेंगे स्कीम बेस्ड वहां पर मैसेज क्या है वो मैं क्लियर कर दूंगी उनको स्किप करके हम आगे बढ़ सकते हैं आर्थिक मंदी के समय क्वेश्चन हमारा क्या है यही से ना एक केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है दूसरा भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या है आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है ठीक है बेसिक फैक्ट है अच्छा आरबीआई गवर्नर आरबीआई एक्ट 1934 वो बैंकिंग अधिनियम है ठीक है वहाँ से पावर लेता है अच्छा अब ये बड़ा ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कई बार कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो आपने पढ़े नहीं होते क्योंकि वो एक्चुअल में कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं है क्या आर की व्यवस्था हमारे संविधान में है क्या आपने कभी आरबीआई के संदर्भ में कोई प्रोविजन कहीं भी पॉलिटी में पढ़ा है नहीं तो आप इसे इजीली एलिमिनेट कर देंगे कि भारतीय संविधान में कतिपय प्रावधान मतलब कोई भी कोई प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आर को निर्देश देने का अधिकार देता है तो ऐसा कोई प्रावधान या व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है अब जरा इसके आधार पर आप लोग एलिमिनेट कीजिए अगर बहुत चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं है तब भी ऑप्शन दो के बिना केवल एक ही ऑप्शन है और ऑप्शन दो इतना ऑब्वियस है कि आपको पता होना चाहिए कि ये सही नहीं है ठीक है क्वेश्चन नंबर एक के बाद क्वेश्चन नंबर दो अनियत मजदूर किसे कहा जाता है इंग्लिश टर्म भी आप लोग देख सकते हैं जस्ट मिनट कैजुअल वर्कर्स बेसिकली जो स्थाई नहीं होते जो स्थायी नहीं होते एक निर्धारित समय अवधि के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए वो जुड़ते हैं तो उसी के बारे में है कि सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरी भुगतान के अधिकार है क्या मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर सकती हूँ ठीक है ये सिंपल है आपको जो है सारी व्यवस्थाएं की गई हैं इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार आप देख लेना क्योंकि इसमें समझने का कुछ है नहीं क्वेश्चन नंबर थर्ड आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है ये थोड़ा सा मैं बता रही थी कि इक्कीस बाईस में और अप्लाइड क्वेश्चन बढ़ेंगे आर्थिक मंदी है रिसेशन है क्या कदम उठाया जा सकता है कर की दरों में कटौती और ब्याज दरों में वृद्धि सिंपल कर की दर हम कम करते हैं तो क्या होगा अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी तरलता या मैं कहूँ धन की आपूर्ति बढ़ेगी या घटेगी आप आम नागरिक हैं आपसे जो कर लिया जा रहा है उस कर की दर को कम कर दिया आपके हाथ में ज्यादा पैसे रहेंगे मतलब तरलता बढ़ेगी तो सिंपल है कर दर कम करना लिक्विडिटी को बढ़ाएगा और अगर हम कर दर को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति कम हो जाएगी सिंपल कोरिलेशन ठीक है अच्छा सेम चीज़ इंटरेस्ट रेट को लेकर भी आपको पता है इंटरेस्ट रेट जब कम होती हैं तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है और जब इंटरेस्ट रेट अधिक होती हैं तो मनी सप्लाई या जैसे कम हो जाती है कोरिलेशन क्लियर है अब जरा ऑप्शन देखते हैं कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि करना कि हम कर की दरें तो कम कर दे रहे हैं जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगी लेकिन दूसरी तरफ ब्याज की दरें बढ़ा दी मंदी की स्थिति में करना क्या होता है मंदी को दूर करने के लिए सरकार आर प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाया जाए और मांग को बढ़ाने के लिए हम अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को बढ़ाते हैं तो कोई भी ऐसा कदम जो अर्थव्यवस्था से धन को निकाले लिक्विडिटी को निकाले वो मंदी के लिए उपयुक्त नहीं होगा तो ये तो ठीक है कि कर की दरों में हम कटौती कर रहे हैं लेकिन ब्याज दरों में बढ़ा दिया इसलिए सही नहीं दोनों में जब कटौती होगी तब लिक्विडिटी अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी तो मांग जनरेट होगी और मंदी नहीं होगी सेकंड, सार्वजनिक परियोजनाओं के व्यय में वृद्धि अच्छा व्यय में वृद्धि हो रही है मतलब खर्च हो रहा है अर्थव्यवस्था में धन जा रहा है ठीक है तो मांग बढ़ेगी और मंदी कम होगी कर की दरों में हम यहां पर वृद्धि कर रहे हैं और ब्याज की दरों में कमी अब उल्टा यहां भी हमने कर दिया कि हमने कर की दर तो इससे भी धन की आपूर्ति कम होगी तो ये भी सही नहीं है सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय की कमी कम कर रहे हैं खर्च मतलब हम अर्थव्यवस्था से लिक्विडिटी कम कर रहे हैं तो ये भी सही नहीं है सिंपल अप्लाइड क्वेश्चन जिसका आंसर होगा बी अर्थव्यवस्था में मांग और मूल्य का आपको क्या संबंध देखने को मिलता है इस क्वेश्चन पे मैं सिंपल बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जैसे कि पहले वाला अप्लाइड था ये भी कुछ अप्लाइड क्वेश्चन है लेकिन बेसिक कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है आप देखोगे सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में जब उनकी जो है प्राइस कम होता है तो मांग डिमांड पी प्राइस डिमांड ठीक है मूल्य बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती लेकिन अलग अलग वस्तुएं अलग अलग तरह की जो है प्रवृत्ति दिखाती है ये आम वस्तुओं के लिए है सिंपल रूल आपको पता है अब चलिए एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है मतलब बाकी चीज़ें अगर हम चेंज ना करें तो किसी भी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी ऐसा चार स्थिति दी गई है इनमें से कब होगा इसकी स्थापन्य वस्तु की कीमत में वृद्धि स्थापन्य वस्तु क्या होती है ठीक है हाँ जैसे कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा चाय और कॉफ़ी इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि ये आप ऐसा तो नहीं कि चाय और कॉफ़ी साथ पी रहे हो या तो आप चाय पीते हो या आप कॉफ़ी पीते हो ठीक है अब इसमें इतना इफट कोई नहीं करेगा कि मुझे तो चाय पसंद ही नहीं है या कॉफ़ी पसंद नहीं है तो मेरे लिए तो रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता नॉर्मल इकोनॉमी की बात हो रही है ठीक है तो स्थापन वस्तु हो गई अब आप जरा सोचिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाकी चीज़ें अगर ना बदलें तो किसी भी वस्तु की बाजार मांग बढ़ सकती है कब जब उसका जो रिप्लेसमेंट है उसकी कीमत बढ़ जाए जैसे मान लीजिए चाय की कीमत बढ़ गई तो जो अमूनन लोग चाय कॉफ़ी दोनों पी ले रहे हैं वो कम कीमत के चलते कॉफ़ी की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे तो अगर किसी वस्तु का जो दूसरा रिप्लेसमेंट है एक्जेक्टली सेम तरह का अगर उसकी कीमत बढ़ जाए और कुछ ना बदले तो उस दूसरी वस्तु की मांग अपने आप बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी कीमत अधिक होने के चलते दूसरी चीज़ की लोग उसके स्थान पर रिप्लेसमेंट को चूज़ करेंगे फर्स्ट सही है चलिए पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए कॉम्प्लीमेंट्री मेड फॉर ईच अदर ठीक है तो अगर ऐसी कोई वस्तु हो चाय चीनी इसका एग्जाम्पल है बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ खाई जाती हैं ठीक है या साथ में यूज की जाती हैं अब अगर किसी वस्तु की कॉम्प्लीमेंट्री जो है वस्तु दूसरी है जिसके साथ वो यूज होती है उसका मूल्य अगर बढ़ जाए तो उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब वो चीज़ अगर उसके बिना इस्तेमाल हो ही नहीं सकती तो उसकी मांग नहीं बढ़ेगी बल्कि उसकी मांग कम हो जाएगी ठीक है तो पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग बढ़ेगी नहीं अपितु कम हो जाएगी वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो रही है इन्फीरियर गुड़ होती हैं अब एक्चुअल में इन्फीरियर नहीं होता मोटा अनाज लेकिन आम उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से मोटा अनाज जिसमें बाजरा ये सब आता है उसको इन्फीरियर गुड की तरह देखा जाता है कि अगर आपकी इनकम कम है कंपैरेटिवली सस्ता होता है तब आप वो खरीदेंगे जैसे आपकी इनकम बढ़ी आप दूसरे तरह की जो खाने की चीज़ें हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो जाते हो तो अगर घटिया या इन्फीरियर तरह की गुड्स की कैटेगरी में जिसे रखा गया है वस्तु की कीमत उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होने पर क्या होगी इसका उपभोग कम हो जाता है ठीक है हाँ क्योंकि अगर आपके पास इनकम आ गई तो फिर आप उसको नहीं बल्कि दूसरी चीज़ को प्रीफर करेंगे तो इसकी मांग में कमी होगी ना कि बढ़ेगी और सिंपल रूल लास्ट ऑप्शन के लिए काम कर रहा है कि, कि किसी भी चीज़ की अगर सामान्य वस्तु है उसकी कीमत कम होती है तो संभावना होती कि उसकी मांग बढ़ जाएगी तो सिर्फ ऑप्शन एक और चार हैं जो इस बारे में बात करते हैं कि एक सर्टन कंडीशन दी गई है बाकी चीजें अगर इस चेंज ना हो तो उस कंडीशन के चलते किसी भी वस्तु की मांग बढ़ सकती है कब जब उसका जो दूसरा ऑप्शन है उसका प्राइस बढ़ जाए या फिर उस वस्तु का अपने आप ही प्राइस कम हो जाए तो उम्मीद है कि उसकी मांग बढ़ जाएगी तो वन एंड फोर इज करेक्ट बेसिक कंसेप्ट आधारित था अगर आपने वस्तु क्या कितने प्रकार की होती हैं किस वस्तु की क्या विशेषता है पता है तब आप इसे सॉल्व कर लेंगे ठीक है चलिए फिफ्थ शहरी सहकारी बैंकों के बारे में है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस आप सभी को याद होगा बैंकिंग अधिनियम अमेंड हम करते हैं बहुत सारे चेंजेस लेकर आते हैं इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण और विनियमन किया जाता है अच्छा शहरी सहकारी बैंकों का क्या व्यवस्था है आपने पढ़ा होगा कि उनके लाइसेंसिंग या जो ऑपरेशनल वाली चीज़ें हैं वो आर देखता है और उनका जो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट है वो रजिस्ट्रार ऑफ कॉरपोरेट सोसाइटीज़ है उनके द्वारा किसी राज्य के तहत रजिस्ट्रार ऑफ़ कॉरपोरेट सोसाइटी होते हैं जो उनके मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें देखता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए कोई मंडल स्थानीय मंडल बनाया जाता है आप देखोगे कि जो बैंकिंग अमेंडमेंट अधिनियम हम लेकर आए उसके माध्यम से व्यवस्था की कि ये जो बैंक्स हैं ये भी इक्विटी शेयर या अधिमान प्रिफ्रेंस शेयर हैं उनके माध्यम से पूंजी जुटा सकते व्यवस्था की ताकि उनके पास पूंजी के सोर्स डाइवर्सिफाई हो पाए उन्हें वर्ष उन्नीस में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विम अधिनियम नाइनटीन के कार्य में लाया गया था सही है ये फैक्चुअल बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आप देखोगे कि सिर्फ स्टेटमेंट एक इसमें सही नहीं है ये ओवरऑल सहकारी बैंक काफी अधिक चर्चा में रहे तो ये प्रश्न बना है चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किस में से किससे प्रभावित होगा बॉन्ड प्रतिफल को हम यील्ड के नाम से भी जानते हैं क्या होता है बॉन्ड यील्ड फटाफट बताइए आप ये तो कैसे मूव करते हैं ये यील्ड किस चीज़ से बनता है जो आप बता रहे वो तो ठीक है बॉन्ड बेसिकली क्या है देखो आप किसी बॉन्ड में निवेश करते हैं तो मैं कहूं कि बॉन्ड से मिलने वाला लाभ तो ये बॉन्ड प्रतिफल जिसके लिए टर्म यूज होती है ये क्या है आपने बॉन्ड लगाया उस पर अगर इंटरेस्ट है कूपन डिस्काउंट जो भी रेट है उसके चलते आपको जो बेनिफिट मिला एक तो वो है लेकिन सिर्फ यही बॉन्ड यील्ड नहीं होता है बॉन्ड यील्ड में वो भी इंक्लूड होता है जैसे मान लीजिए आपने एक हज़ार के एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया यहाँ से आपको दस जो है परसेंट का आपको बेनिफिट हो जाएगा ये कहा जा रहा है मतलब एक हज़ार का दस परसेंट कितना हुआ ठीक है लेकिन सिर्फ यही बॉन्ड यील्ड नहीं है बोल्ड इन में क्या और इंक्लूड होता है आपने आपने हजार में खरीदा जी वो भी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया। तो वो भी भी बिल्कुल सही बताया तो और प्लस जो इस पर आपको प्रतिफल मिल रहा है दोनों चीजें इंक्लूड होकर बॉन्ड यील्ड बनती है दूसरा क्या जो इन्होंने बताया कि किस प्राइस पर आपने उस बॉन्ड को खरीदा था बॉन्ड अपने फेस वैल्यू से कम पर भी और ज्यादा पर बिकते हैं जैसी मार्केट में डिमांड है उसके आधार पर हो सकता है हज़ार रुपए का बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू हज़ार है बाजार में वो ग्यारह सौ में भी बिके और हो सकता है नौ सौ में भी बिके या कुछ भी और जो है संख्या उसमें बिके ठीक है तो आपने जब ख़रीदा तो मान लीजिए हज़ार रुपए का था एक साल की मैच्योरिटी के लिए आपने इसे होल्ड किया और जब आपने बेचा तब ये बॉन्ड बिका ग्यारह सौ में तो यहाँ पर भी हंड्रेड एक्स्ट्रा मिले हंड्रेड ये तो आपका बेनिफिट यहाँ पर टू हंड्रेड हो गया तो ये टू हंड्रेड आपका बॉन्ड यू परसेंटेज में आप इसे निकाल सकते हो जितने में खरीदा था उसके सापेक्ष ठीक है अगर ये 800 में बिक जाता तो बॉन्ड डिल्ड आपके लिए नेगेटिव हो जाता क्योंकि जो आपको इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है वो भी इसकी पूर्ति नहीं कर पाता तो सिंपल यहाँ पर बॉन्ड ईल्ड का आइडिया क्या है ये पता होना चाहिए कि सिर्फ जो आपको मिल रहा है रिटर्न वही नहीं है बल्कि आपने होल्ड किया बेच कम पे रहे हो या ज़्यादा पर वो भी आपकी बॉन्ड डील्ड को प्रभावित करता है ऑपरेशन देखते हैं यील्ड निम्नलिखित में से किससे या किन से प्रभावित होता है यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्यवाही भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर क्वेश्चन बनाने का जो नेचर है वो काफ़ी सिंपल है सिंपल मैं क्यों कह रही हूँ आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा कारण क्या है इसने नहीं कहा कि फेडरल रिजर्व रेट्स बढ़ाता है या घटाता है आर कुछ बढ़ा रहा है या घटा रहा है सिंपल ये कुछ करेंगे तो क्या बोनडिल्ड पर प्रभाव पड़ेगा इतना ये क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब बहुत टेक्निकल आपको होने की आवश्यकता नहीं है तो चलिए फटाफट आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सही है या नहीं कैसे सही है यूनाइटेड स्टेट का क्या चल रहा है हमें क्यों प्रभावित करेगा है ना नहीं करना चाहिए ना एक्चुअली बोंड जो है उसमें निवेश करते हैं हमारे निवेशक भी निवेश करते हैं और बाहर से आने वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स भी निवेश करते हैं ठीक है अब मान लीजिए यूएस में इंटरेस्ट रेट कम हो गई वो निवेश करने के बेहतर अवसर तलाशेंगे तो उनका पैसा हमारे यहाँ आ जाएगा ठीक है पैसा आएगा मतलब वो बॉन्ड में निवेश करना चाहें तो बॉन्ड की मांग बढ़ेगी मांग बढ़ेगी तो क्या होगा बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी यील्ड हमारा बढ़ जाएगा मान लीजिए कि उन्होंने रेट कम कर दिया जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया यूएस में रिवर्स हो गया तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट वो नहीं दिखाएंगे समझ रहे हो तो पैसा वापस भी जा सकता है अगर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो बॉन्ड की डिमांड कम हो गई है तो उनका जो जिस रेट पर वो सेल हो रहे हैं वो कम हो जाएगा तो विदेशी स्तर पर भी हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होती हैं तो उनका प्रभाव हो सकता है हमेशा होगा नहीं कहा जा सकता बट हो सकता है सेम आरबीआई आरबीआई तो रेट्स कम ज़्यादा कर रहा है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है कम लोग निवेश करेंगे कम है ज़्यादा लोग निवेश करेंगे ठीक है और वैसे भी एक इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट एक दूसरे को फिल करती है अगर ओवरऑल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो यहाँ पर भी रेट्स बढ़ जाएंगी तो यील्ड वहाँ से प्रभावित हो जाएगा ये नहीं पूछा कम हो गया ज़्यादा बस प्रभावित होगा थर्ड इन्फ्लेशन है या जो है अल्पावधि ब्याज दर आप कुछ भी रख रहे हो इन्फ्लेशन है ये भी आपकी जो आपके पास कितना पैसा है कितना उसमें से इन्वेस्ट करने के लिए बच रहा है कितना इन्फ्लेशन के चलते आपका खर्च हो गया सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेंगे कि आप फर्दर कितना इन्वेस्ट करते क्योंकि आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हो उसी से मांग बढ़ेगी बॉन्ड्स की या नहीं बढ़ेगी मांग बढ़ेगी तो यील्ड प्रभावित होगा नहीं बढ़ती मांग कम होती है तो यील्ड प्रभावित होगा तो तीनों ही फैक्टर हैं जो बोन यील्ड को प्रभावित कर सकते हैं जी अच्छा ठीक है एक्चुअली कोई भी क्वेश्चन पेपर बीच में छोड़ा नहीं जा सकता और एक चीज और 2023 का पेपर तो वैसे भी आपने कई जगह सुन लिया है मतलब बा, अच्छा बार बार जो है हम ऐसे क्वेश्चन उसके देखते रहते हैं ना 2023 के तो कंपैरेटिवली पहले के हमने कम देखे और ऐसा नहीं कि 2023 का ही कोई स्पेसिफिक ट्रेंड है वो ट्रेंड 2021-22, 23 हर एक साल में इवोल्व हो रहा है तो अगर आ, जो आ, हाँ एक मिनट अगर आ, मतलब न्यूट्रली मुझे कुछ ऐसा लगता है कि तेईस का पहले सोल्व करके आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो वो हम कर लेते और थोड़ा सा पेशेंस आप दिखाएंगे नौ सवा नौ बजे तक तो क्लास में आप बैठ जाएंगे तो आप देखोगे कि हम सॉल्व कर लेंगे हम बीच में जो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं उनको स्किप कर देंगे बेसिकली ट्रेंड आपको क्लियर हो जाएगा और वही मैंने पहले भी दिन कहा था अप्रोच यही है कि आपको चीज़ें ये क्लियर हो जाएँ किसी का भी सोल्यूशन सोल्यूशन तो अभी भी मैं आपको बताऊँ दो के तो काफ़ी क्वेश्चन डाउट में हैं और अंत में उनका निर्णय मैं या कोई भी नहीं दे सकता चाहे किसी भी एक्सपर्ट को ले आओ फाइनली यूपीएससी ही देती है कि क्या आंसर है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कोई गलत इन्फॉर्मेशन क्योंकि चीज़ें हम बहुत इधर उधर पढ़ते रहते हैं बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर चीज़ें आप हंड्रेड नहीं कह सकते कि यही आंसर होगा समझो तो वो कन्फ्यूज रहने से ज़्यादा अच्छा है उस पर ज़्यादा फोकस फाइनली जब भी चाहे मैं पढ़ा रही हूँ या कोई भी हो सकता है किसी क्वेश्चन के आंसर में वेरिएशन हो किसी भी की को आप देखें जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तब आप जरूर मैच करेंगे ठीक है तो उसके लिए मैसेज हम चलते हैं अगर लगा बीच में तो देखते हैं क्या स्किप हो सकता है अभी तो चलते हैं ठीक है ठीक है सिक्स हमारा हो गया था सेवन ठीक है बोन्ड की मांग बढ़ी तो बोन्ड का जो फेस वैल्यू है उससे वो ज़्यादा में बिकेगा या कम में किसी भी चीज़ की मांग बढ़ती है ठीक है तो बोन्ड किस में बिकेगा उसकी जो फेस वैल्यू है उससे अधिक में अब आपने होल्ड किया हुआ है मैंने इनिशियल एग्जाम्पल दिया था हजार रुपये में खरीदा मांग बढ़ने से वो ग्यारह सौ में बिक रहा है वहां से जो आपको बेनिफिट मिला और प्लस उस बॉन्ड पर जो भी इंटरेस्ट ओपन रेट है वो दोनों मिलकर आपका बॉन्ड बना रहे हैं तो मांग बढ़ेगी फेस वैल्यू से ज्यादा पे बिकेगा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा वो फाइनल आपके बॉन्ड इन में इंक्लूड होता है ठीक सेवन ये सिंपल है एफ में जो है किसे शामिल किया जाता है विदेशी मुद्रा सब परिवर्तनीय बॉन्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कहा जाता है कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश डिपोजिटरी रिसिट्स और अनिवेशी विदेशी जमा चलिए बताइए फटाफट अब पेपर को टाइमली सॉल्व करना तब बहुत इजी है मैं मान के चलूँ कि आपको ये चारों चीजें पता है क्योंकि एक्चुअल में जब ऐसे पेपर डिस्कस होते हैं तो अप्रोच यही होती है मान के चला जाता है कि बेसिक्स पता है फिर जो कन्फ्यूज एरिया होते हैं उन्हें डिस्कस किया जाता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं बॉन्ड क्या है बॉन्ड के माध्यम से हम उधार लेते हैं बॉन्ड जारी किया सामने वाला आपको पैसे देता है कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या है ऐसा बॉन्ड जिसमें इन फ्यूचर कन्वर्ट होने की ऑप्शन आपको मिलता है कि जब आप चाहो तब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो शेयर में स्टॉक में ठीक है उसे हम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कहते हैं तो यह ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में किसे सम्मिलित किया जा सकता है तो हम इस तरह के बॉन्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं ना जो भविष्य में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसमें पॉसिबिलिटी है कि वो भविष्य में स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे ठीक है कुछ शर्तों के साथ अब इसमें भी आप देखोगे एफ को लेकर कुछ कंडीशंस होती हैं सर्टेन कंडीशंस होती हैं अगर वो पूरा करता है तो उसे एफडीआई मान लिया जाता है ठीक है डिपोजिटरी रिसीट्स क्या होती हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स आई ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स बेसिक इकोनॉमी में पढ़ा होगा ना ये रिसिट्स इनके माध्यम से इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स है तो मतलब यहां इनके माध्यम से भारतीय निवेशक विदेशी परिसंपत्तियों में निवेश कर पाते हैं नोट कीजिए जी डी जिसको नहीं पता वो जाके पढ़ेंगे आप देखोगे ये भी एफ में आते हैं क्योंकि इनके माध्यम से निवेश हो रहा है ठीक है और एन आर आई डिपॉजिट ये क्या है जब अभी आप बाकी छोड़िए आज की क्लास में ही मैंने आपको विदेशी ऋण के बारे में बताया था ना बाह्य विदेशी ऋण और मैंने ये बताया था कि उसका मेजर कॉम्पोनेंट में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोंग पहले आता है फिर एन आर आई डिपॉजिट आता है ठीक है और फिर ट्रेड जो है क्रेडिट आता है तो एन आर आई डिपॉजिट क्या हुआ क्या ये निवेश है एफ डी आई है मैंने तो इसका एग्जाम्पल किस में दिया था बाह्य विदेशी ऋण में तो एन के तहत जो डिपॉजिट होता है वो लाइबलिटी है हम पर समझ रहे हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अगर आप फोर ऑप्शन काट दोगे और थोड़ा भी आपको आइडिया है तब भी आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचेंगे और आपको पता है कि ये तो होते ही होते हैं तो भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे कि ये तो इंक्लूड हो ही सकते हैं तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था जिसे बेसिक इकोनॉमी क्लियर है कि इनका अर्थ क्या होता है तो मैसेज क्या मिला कि ये जो टर्म्स हम पढ़ते रहते हैं ना क्लास में भी करंट अफेयर में भी यूज हो जाती हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड ये सब बेसिक क्लास में भी या जो भी आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इनको लेकर क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि इनका अर्थ क्या है और ये कोई भी बहुत छुपी हुई टर्म नहीं है ये तो मेन इकोनॉमी में यूज होने वाले टर्म्स है ठीक है तो मैसेज क्लियर होना चाहिए मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है अनिवार्य रूप से आप देख रहे हो मुद्रा का अवमूल्यन जरा स्पीडली आप मुझे बताएंगे डिवेलुएशन हो रहा है करेंसी का इसका क्या प्रभाव हमारे इंपोर्ट पर होता है और क्या एक्सपोर्ट पर ठीक है कैसे बढ़ता है डिवेल्युएशन का अर्थ क्या है वन डॉलर इज इक्वल टू मान लीजिए आज पचास रुपए है हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही उसे हम डिवेल्युएशन कहते हैं मतलब वन डॉलर इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल सौ रुपए हो गए मतलब हमारी वैल्यू गिर गई ना पहले एक डॉलर के सापेक्ष थी पचास रुपए अब सौ रुपए हमारे एक डॉलर के सापेक्ष है अब इसका हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है निर्यात बढ़ने की उम्मीद होती है क्यों क्योंकि कोई भी जो हमसे आयात कर रहा था पहले क्या था वो जो है उसको एक डॉलर देकर पचास रुपए का सामान मिल रहा था अब उसी एक डॉलर में उसको सौ रुपए का सामान मिल जाएगा तो उसके लिए हमारे यहाँ से आयात करना सस्ता हो गया तो इसका ओवरऑल प्रभाव क्या पड़ेगा कि हमारा निर्यात बढ़ सकता है तो सबसे पहला प्रभाव होता है जब करेंसी डिवैल्यूट मतलब एक प्रभाव होता है जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पटेटिवनेस बढ़ जाती है और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या है कि आपकी वस्तुएं जो है कीमत प्रतिस्पर्धी हो मतलब कम कीमत पर आप अच्छी क्वालिटी अगर दे पा रहे हैं तो वो आपकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को दर्शाता है तो ये एक प्रभाव है ठीक है दूसरा घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है क्या ये सही है ये तो बेसिक यही है ना कि अवमूल्यन हो रहा है इसका मतलब क्या है ये देखा अवमूल्यन का एग्जाम्पल ये है पचास से सौ आने लग गई अब एक डॉलर में मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है ये वैल्यू को बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता है अच्छा ये थर्ड ऑप्शन इसलिए हर साल के पेपर में कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं थर्ड ऑप्शन सही होगा अब एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस अगर हमारी बढ़ रही है मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो व्यापार संतुलन ये तो ये भी नहीं कह रहा कि पॉजिटिव हो जाएगा सुधार तो आना चाहिए है ना सी आप जो कह रहे हैं वो सही है लेकिन क्वेश्चन को देखिए इसीलिए हर चीज देखो आप इतनी जल्दी भूल गए हैं अनिवार्य ये, ये इस ऑप्शन को सही या गलत बनाएगा अगर ये अनिवार्य नहीं होता तो संभावना है कि व्यापार सुधर जाएगा व्यापार संतुलन सुधर जाएगा लेकिन अनिवार्यता हम क्यों नहीं कह सकते कि नो डाउट हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा लेकिन इम्पोर्ट भी तो हमारा महंगा हो जाएगा अब ये डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी में हम किन चीज़ों का इम्पोर्ट कर रहे हैं और किन चीज़ों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर हमारी इम्पोर्ट बास्केट में ऐसी चीज़ें हैं कि उनका चाहे जितना भी मूल्य बढ़ जाए उनकी मांग कम नहीं होगी क्योंकि वो हमारी अनिवार्यता है जैसे क्रूड ऑयल तो हमारा आयात बिल और इसके चलते ज़्यादा बढ़ जाएगा उतना लाभ हमें निर्यात के फ्रंट पर मिलेगा भी नहीं तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या आयात करते हो क्या निर्यात करते हो अगर आपके आयात में लग्जरी गुड्स है जो कि मूल्य बढ़ा तो लोग हो सकता है उन चीज़ों को उतना यूज़ ना करें लेकिन अगर बेसिक चीज़ें हैं तो वो यूज़ होंगी आपका बढ़ा हुआ आयात बिल जो हो सकता है आपके व्यापार संतुलन को और ख़राब कर दे या फिर हो सकता है ख़राब भी ना करे तो थोड़ा निर्यात बढ़े कुछ आयात बिल बढ़ जाए कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े डिपेंड करता है कि इनका बैलेंस क्या रहेगा क्वेश्चन पे ध्यान देना है प्रश्न ने पूछा है अनिवार्य तो व्यापार संतुलन में सुधार लाता है ये हम अनिवार्यता नहीं कह सकते ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता डिपेंड करता है कि क्या हम आयात करते हैं और क्या हम निर्यात करते हैं तो आंसर क्या होगा इसलिए सारे क्वेश्चन जहां कुछ मैसेज है वो जरूरी है क्वेश्चन नंबर नाइन फटाफट देखिए काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है अब इसमें से बहुत सारे कारण आपको लगेंगे कि काले धन की चिंता का है लेकिन प्रमुख कारण और वो भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कौन सा होगा हाँ स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का प्रयोजन ठीक है रियल स्टेट में संसाधन लगेंगे लेकिन बहुत बड़ी कोई चिंता वहां से नहीं क्रिएट हो रही है अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश गहने सोना इत्यादि चलो इनका भी क्रय हो जाएगा राजनीतिक दलों को बड़े चंदे व क्षेत्रवाद का विकास ये हो भी सकता है कि वो धन वहां जाए वो हो भी सकता है कि ना जाए बट काले धन का मतलब क्या होता है लीगल और इलीगल दोनों तरह की एक्टिविटी चाहे जो भी है अगर उनके चलते आप सृजित कर रहे हैं कुछ भी अमाउंट और आप टैक्स से बच जा रहे हैं इवन लीगली भी अगर आप टैक्स अवॉइडेंस करते हो तो भी काले धन को आप क्रिएट कर रहे हो तो वो काला धन कहा जाता है तो सबसे पहला और प्रथम प्रभाव काले धन का पड़ेगा कि कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की कमी होगी क्योंकि काला धन बनता ही तब है जब टैक्स की चोरी होती है तो बाकी सबकी तो संभावना है कि हो सकता है नहीं हो सकता बट ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा क्योंकि काला धन बनता ही तब है और आम लोग काला धन क्रिएट करते हैं मैं आप हम सब कुछ भी घर खरीदना है इतना अमाउंट वहां से दे देते हैं प्लस कैश में दे रहे हैं तो वो कैश कहाँ जा रहा है मतलब वो कहीं भी दिखाया नहीं जा रहा है उस पर कर चोरी की जाएगी वहीं से काला धन बनेगा तो हम सब काले धन का सृजन कर रहे हैं चलिए हम लोग का अर्थ आम नागरिक आप नहीं परिवार में माता पिता भी वो संपत्ति रखते हैं लेन देन वो करते हैं ठीक है और इवन ये मैं बोल इसलिए रही हूँ कि इन चीज़ों का हमें रियलाइजेशन ही नहीं होता जब तक स्पेसिफिक ना काला धन काला धन तब हमें समझ में आएगा कि काला धन सृजित हो रहा है वरना हमें एक्चुअल में चीज़ें नॉर्मल लगती हैं कि इतना ही नॉर्मल वे से बढ़ रही हैं चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रा कारक होगा किससे सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट होगा फटाफट पट ऑप्शन देखिए सार्वजनिक ऋण में चुकौती बजट हिंदी की टर्म्स रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट ठीक है इसके ऑप्शन इजी है इंग्लिश में देख लेते हैं रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट और बोरोविंग फ्रॉम द पब्लिक टू फिनेंस ए बजट डेफिसिट बोरोविंग फ्रॉम द बैंक्स टू फिनेंस ए बजट डेफिसिट क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फिनेंस ए बजट डेफिसिट कौन ज़्यादा कौन कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा होगा इसमें ऐसा नहीं कि कुछ ऑप्शन है कुछ नहीं है देखो पब्लिक डेट पे कर दिया जा रहा है ठीक है लोगों के हाथ में पैसे गए इन्फ्लेशन बढ़ा ठीक है बैंक बोरोविंग फ्रॉम द पब्लिक टू फिनेंस ए बजट डेफिसिट ठीक है बोरोविंग फ्रॉम बैंक टू फिनेस बजट डेफिसिट अब इनके प्रभाव होते हैं कि जब आपने लिया तो क्राउड आउट हुआ मतलब संसाधन गए फिर आपने खर्च किया तो इकोनॉमी में चले गए वो इन्फ्लेशन बट अगर नई करेंसी प्रिंट हो रही है जिसे घाटे का हीनाथ प्रबंधन कहा जाता है तो इसका तो मतलब है कि नई करेंसी इकोनॉमी में जा रही है तो ये इन में सबसे ज्यादा इन्फ्लेटरी इफेक्ट क्रिएट करता है इसीलिए कहा जाता है कि ये तरीका जो है अच्छा नहीं होता मनी मल्टीप्लायर मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है फिर से ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कब जो है बढ़ेगा मनी मल्टीप्लायर सारे ऑप्शन सेम है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं हिंदी में देखिए आप लोग सेम क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने रिपीट किया है ठीक है चलिए ये फटाफट देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कब हमारे यहाँ होती है मांग क्रिएट होती है कब जब अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़े या लोगों के हाथ में पैसा आए तो मांग क्रिएट होती है ठीक है विस्तारवादी नीतियां क्या ये इसका कारण रहेंगी विस्तारवादी नीतियां क्या है कि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी इंजेक्ट हाथ में पैसा मांग बढ़ेगी ठीक है राजकोषीय प्रोत्साहन जी राजकोषीय प्रोत्साहन क्या है कि जब सरकार खर्च सब बढ़ा रही है ठीक है तो उससे भी मांग बढ़ेगी अच्छा इस ऑप्शन को एक बार के लिए छोड़ दीजिए उच्च क्रय शक्ति अगर लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ जाए मतलब उनके पास पैसा है इन्फ्लेशन बढ़ेगा बढ़ती ब्याज दर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो लिक्विडिटी इकोनॉमी में कम होगा तो जरा पांच को आप काट दीजिए आप देखोगे वैसे भी आप सही आंसर तक पहुंच गए हैं आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है बट फिर भी इन्फ्लेशन इंडेक्स बोन्ड या जो है जो वेजेज मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी ये आपको आ, जो है आंसर में इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये मांग प्रेरित मुद्रा पहले तो जब इन्फ्लेशन हो जाता है एक्चुअल में होता है तब आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस मिलती हैं समझो पहला कारण दूसरा कारण क्या है कि वास्तव में अगर इन्फ्लेशन है और उससे इंडेक्स या लिंक आपकी वेजेस को कर दिया गया है तो वो रियल में आपकी परचेजिंग पावर को इफ़ेक्ट नहीं करता है क्योंकि अगर उससे लिंक आपकी वेजेस है तो उसका मतलब यही है कि सौ रुपए थे अब एक सौ पाँच मिलने लग गए फाइव परसेंट इन्फ्लेशन है तो इसका सिंपल सा मतलब यही है ना कि जो पहले आप सौ रुपए में खरीद सकते थे वो आप एक सौ पाँच में खरीदेंगे तो वो आपकी क्रय शक्ति को नहीं बढ़ाता है तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ऑप्शन नहीं होगा बट अगर नहीं पता तो उतना भी देखने की आवश्यकता नहीं है आंसर तक आप पहुंच जाएंगे बट हाँ जब पेपर आदत बैंकिंग हैबिट वही तो आंसर है लोग बैंक में ज्यादा जा रहे हैं जमा करवा रहे हैं ले रहे हैं उसी से तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ये ए, लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें भी सेम क्वेश्चन था ठीक है तो ये क्लियर हुआ बिना इसको समझे भी सोल्व हो जाएगा बट मैसेज क्या है कि एटलीस्ट जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करो तो चीजों को अच्छे से समझो क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि यहां एलिमिनेशन का स्कोप मिल गया तो आगे भी मिले क्वेश्चन नंबर थर्टीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए खुदरा निवेशक डिमेट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार से ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं ये नई अनुमति जो है आर ने दी थी जिसके चलते टॉपिक चर्चा में रहा लेकिन ध्यान ये देना है कि ऐसा नहीं है कि खुदरा निवेशक पहले गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश नहीं कर सकते थे ऐसा नहीं है हाँ इनडायरेक्ट वे से वो निवेश कर सकते थे इस बदलाव के माध्यम से डायरेक्टली प्राथमिक बाजार से उन्हें जो है इन बॉन्ड्स में निवेश करने की अनुमति दी डायरेक्ट आरबीआई के साथ अकाउंट खोलकर वो निवेश कर सकते थे पहला क्या था आप म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से निवेश कर सकते हो आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होकर जो है इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था दी गई थी बाकी आप देखोगे बातचीत से तय लेन प्रणाली नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया गया आप देखोगे अगर आपने डिपॉजिटेड रिजिस्ट के बारे में थोड़ा भी पता है तो आप देखोगे रिजर्व बैंक नहीं उनका कुछ होल्ड करता बीएससी बाकी बैंक्स सब हैं जिन्होंने उनको उनकी व्यवस्था की है तो आंसर हमारा क्या होगा एक और दो क्योंकि दोनों बिल्कुल फैक्चुअल हैं बेसिकली एक क्वेश्चन करंट अफेयर के चलते ही पूछा गया था अब इससे एक मैसेज जो लास्ट क्लास में मुझे किसी ने अपनी ऑब्जर्वेशन भी बताई थी कि आ, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं वहाँ थोड़ा सा डिटेल में जाकर क्वेश्चन पूछा जाता है जो नॉर्मल लेवल पर रहती हैं आप देखोगे उनसे उतना ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन इन जनरल नहीं बनता है एक्सेप्शन तो फिर यूपीएससी में हर जगह हमें देखने को मिलते हैं वाटर क्रेडिट ये भी करंट अफेयर के चलते चर्चा में रहा ये जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्तीय या माइक्रोफिनेंस टूल्स को लागू करता है बेसिकली जो है वाटर क्राइसिस जो है वोटर डॉट ओ आर जी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक व्यवस्था है उसके द्वारा एक शुरू किया गया इनिशिएटिव इसका पर्पज़ क्या है कि वाटर और सैनिटेशन के लिए हमें चाहिए ना वाटर के लिए टैप चाहिए सैनिटेशन के लिए टॉयलेट सब चाहिए तो उनके निर्माण के लिए लोगों को वित्त देगा इस तरह की कोशिश इंस्टीट्यूशन के द्वारा की गई उनकी कोशिश काफ़ी प्रसिद्ध रही इन्होंने पहले रीजन्स को आइडेंटिफाई किया जहाँ वाटर सैनिटेशन की कमी है उसके बाद वहाँ जो वित्त देने वाली संस्थाएं हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट किया नेटवर्क अपना बनाया और फिर लोगों को वाटर और सैनिटेशन के लिए विथ दिया अब लोगों की नीड पूरी हो गई उनको वापस भी वो चुकाना था लोगों ने अपना लिया हुआ धन वापस चुकाया वो आगे और फैमिलीज़ को एक्सटेंड कर दिया तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था काफ़ी चर्चा में रहा इसलिए ये प्रश्न है जल स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म विथ माइक्रोफेंस क्योंकि छोटे छोटा इन चाहिए होता है को लागू करता है ये ठीक है वैश्विक पहल है विश्व स्वास्थ्य संगठन की तो आपको पता ही चल गया कि वर्ल्ड बैंक और उनकी नहीं है वाटर डॉट ओ आर जी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका ये इनिशिएटिव है इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है कि बिना किसी सब्सिडी के आप धन लीजिए चुकाइए और अपनी जो आवश्यकताएं हैं आप उसे पूरा कीजिए तो आंसर हमारा होगा सी तो ये करंट अफेयर के चलते तो थोड़ा सा यहाँ से हिंट लेना है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन ऐसा था जो आते हुए भी काफ़ी सारे लोगों ने गलत किया क्योंकि हमें ज़्यादा आता है आर के बारे में कि आर क्या क्या काम करता है मोनिट्री पॉलिसी का निर्धारण करता है सरकारों की भी सहायता करता है ठीक है बैंक्स का बैंकर है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर है बट प्रश्न सिर्फ क्या है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट ये टर्म किसके बारे में यूज होती है किसके लिए ये टर्म सिर्फ बैंक कि बैंक जब लास्ट में क्राइसिस की स्थिति में होते हैं तो उनके अंतिम सहारे का काम कौन करता है आर इसीलिए उसको जो है बैंक्स के संदर्भ में लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है तो अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार और उद्योगों को तो वैसे भी काम आपने पड़े नहीं करता अस्थाई संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि ऑपरेशनल जो विथ है प्रोवाइड करवानियां और बजटीय घाटों के वितियन के लिए सरकारों को ऋण देना अब ये कन्फ्यूज काफ़ी किया क्योंकि सहायता तो ये करता है बट जो एक फ्रेज है वो स्पेसिफिकली यूज होता है लैंडर ऑफ लार्ड लास्ट रिजोर्ट किसके लिए बैंकों के संदर्भ में कि जब कहीं से उनको नहीं मिल रहा तो वो आरबीआई के पास जा सकते हैं ठीक है तो वही उसका आंसर होगा बी ठीक है तो मोटा मोटा हो सकता है आगे कुछ एक दो क्वेश्चन हो 2021 के क्वेश्चन से आपको क्या ट्रेंड पता चला मोस्ट इंपॉर्टेंट यही ये फटाफट बताएंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफी बड़े हैं और कंसेप्चुअल में भी जो अप्लाइड तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे होपफुली चार से पांच क्वेश्चन तो एटलीस्ट होंगे ज्यादा भी हो सकते हैं जो अप्लाइड तरह के थे तो अप्लाइड जो इकोनॉमी है उसे समझने की और पढ़ने की कोशिश करनी और ज्यादा नहीं चार पांच ही पैटर्न है जहां से प्रश्न आते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा हुई तो ठीक है टैक्स रेट कम ज़्यादा हुई तो फॉरेन करेंसी आ रही है तो क्या होगा जा रही है तो क्या होगा ठीक है रुपए अगर हमारा नीचे की तरफ आता है करेंसी ऊपर की तरफ जाती है तो क्या हम करेंगे यही सारी चीज़ें जिनके इर्द गिर्द घूमता है तो एटलीस्ट इन एस्पेक्ट्स को लेकर आपकी अप्लीकेशन क्लियर होनी चाहिए ठीक है हाँ कुछ चीज़ें हैं बिल्कुल जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि प्रॉब्लम्स में आपको सौ के सौ क्वेश्चन नहीं आने चाहिए समझ हो अगर इकॉनमी में मान लीजिए पंद्रह से बीस क्वेश्चन है तो बीस क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल तो आप पंद्रह सोलह भी सही कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा इसी तरह की एवरेज आप बाकी सब्जेक्ट्स में क्योंकि इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे दो तीन को आप छोड़ दो उसके अलावा तो अगर आपने सही से पढ़ा है आप सही करने की स्थिति में होंगे मैं ये मान लेती हूँ एक दो गलती से गलत हो गई फिर भी फोर्टीन फिफ्टीन आप कर दोगे वो सही है अगर ऐसी परफॉर्मेंस आपकी जो तीन चार मेजर सब्जेक्ट है उनमें रही तो फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं पॉलिटी में आपको आना चाहिए इकोनॉमी में आना चाहिए ज्योग्राफी तो उतना सब नहीं हिस्ट्री में आना चाहिए ठीक है ज्योग्राफी भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेवर नोज यूपीएससी कब कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं hmm. चलिए 2022 पे फटाफट आए हाँ टाइम है 15-20 मिनट में हम 22 ठीक है नहीं एक्चुअल में देखो उसी स्पीड से करेंगे जिससे चीजें समझ में आए अभी 21 के संदर्भ में चीजें समझ में आ रही थी ठीक है चलिए अब ये भी बेसिक कंसेप्ट है नीर और रीर या तो आपको कंसेप्ट आता है या नहीं आता तो मैं मान रही हूं कि आपको आता है आप मुझे बताएंगे कि नीर किसे कहा जाता है अच्छा ठीक है ये पता चला कि एक्सचेंज रेट से रिलेटेड कुछ है क्या है नीर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर और रीर में अंतर नहीं पहले आप मुझे ना नीर और एक्सचेंज रेट में अंतर बताएं हमारी करेंसी डॉलर या किसी में भी चेंज हो गई तो क्या रेट है उसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं ट्रेडिंग पार्टनर्स हमारे होते हैं बिल्कुल या किसी एक मुद्रा के संदर्भ में नहीं हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है आपने बताया सी नॉर्मल एक्सचेंज रेट हम चाइनीज करेंसी के साथ देख लें किसी दूसरी करेंसी के साथ देख लें पौंड डॉलर किसी के भी साथ देख लें वो नॉर्मल एक्सचेंज रेट हुआ लेकिन हम बास्केट ऑफ करेंसीज को आइडेंटिफाई करते हैं कैसे करते हैं जो हमारे उन करेंसीज को या उन राष्ट्रों की करेंसीज को इंक्लूड करते हैं जिनके साथ हमारा व्यापार काफी अच्छा होता है और जब उस बास्केट ऑफ करेंसी पूरी को एक तरफ रखकर उसके सापेक्ष हम ये देखें कि हमारी एक्सचेंज रेट में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है तब हम इसे नीर के नाम से जानते हैं एक चीज़ थोड़ा डीप फैक्ट है बस सुन लेना कि ये जो नीर है ऐसा नहीं कि इसमें अगर मान लो छत्तीस करेंसीज की हमने एक बास्केट बना ली तो उसमें सबको समान वेटेज है नहीं हम वेटेज भी उसी आधार पर देते हैं जिसकी जितनी हमारे साथ व्यापार में हिस्सेदारी है तो हमने एक बास्केट बनाई अलग अलग करेंसीज को अलग अलग वेटेज दिया उस करेंसी बास्केट के सापेक्ष हमारी करेंसी में उतार या चढ़ाव हो रहा है उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि नीर बढ़ रहा है या घट रहा है ठीक है तो नीर का फिर बढ़ना क्या हुआ कब कहेंगे हम कि नीर जो है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमारी बढ़ रही है कब कहेंगे जब हमारी करेंसी की वैल्यू उस बास्केट के खिलाफ ठीक है मैं यहाँ पर बी लिख रही हूँ बास्केट और ये हमारी करेंसी इस बास्केट की तुलना में अगर हम देखें कि हमारी करेंसी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो मतलब नीर बढ़ रहा है इसका मतलब ये होता है तो कई बार कंसेप्ट तो पता होता है लेकिन क्या बढ़ रहा है तब क्या बढ़ता घटता हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो इस चीज़ पर भी क्लियरली आपको ध्यान देना है कि नीर बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारी करेंसी की वैल्यू उस बास्केट जिसमें जो करेंसीज हैं उनका अगर हम एवरेज निकालें तो उसके सापेक्ष बढ़ रही है नीर रीर अब वैसे तो कंसेप्ट बहुत डिटेल है बट ब्रीफली जब हम इसकी बात करें तो जब इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता है तब नीर रीर में कन्वर्ट हो जाता है और इतनी समझ के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा चलिए देखते हैं अंकित प्रभावी विनिमय दर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है मैंने क्या कहा था कि अगर नीर बढ़ रहा है तो बढ़ने का अर्थ क्या है कि जो बास्केट में करेंसीज हैं उनके एवरेज के सापेक्ष हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है ठीक है दूसरा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दिखाती है अब चाहे रिर बढ़े या नीर बढ़े बढ़ने का तो सिंपल अर्थ यही है ना कि हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है क्योंकि अंतर सिर्फ नीर और रीढ़ में क्या है कि इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता है इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गया उसके बाद भी हमारी करेंसी की वैल्यू बाकी के सापेक्ष बढ़ रही है अब जब हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट करती है या बढ़ती है तब हमारा निर्यात बढ़ता है या घटता है घटता है क्योंकि थोड़ी देर पहले क्या बताया था डिवैल्यूएशन होता है करेंसी की वैल्यू गिरती है तो व्यापार निर्यात हमारा बढ़ता है क्योंकि निर्यात कॉम्पिटेटिवनेस सुधर जाती है और वहीं दूसरी जगह एक डॉलर में सौ की जगह अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़कर पचास रुपए आने लगे, तो पहले जहां एक डॉलर से सौ रुपए की चीज़ें खरीदी जा सकती थी अब पचास की ही खरीदी जा रही है तो हमारी निर्यात कॉम्पिटेटिवनेस चाहे रिर बढ़े या नीर दोनों के ही संदर्भ में कॉम्पिटेटिवनेस में सुधार नहीं आता अगर वैल्यू बढ़ती है तो बल्कि हमारे व्यापार कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है थर्ड अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति के बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच जो है बढ़े हुए वर्धमान अपसरण डाइवर्जेंस का कारण बनती है यही इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो हम देखेंगे नॉमिनल और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में अंतर किसके चलते आता है इन्फ्लेशन जो हमारे यहाँ बढ़ रहा है उसके आधार पर ना तो इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा उतना रीर और नीर में अंतर आ जाएगा क्योंकि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जब हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड कर देते हैं तभी तो रीढ़ निकल रहा है तो जितना इन्फ्लेशन उतना ही दोनों में अंतर जितना इन्फ्लेशन कम दोनों जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उनमें अंतर कम होता चला जाएगा तो थर्ड स्टेटमेंट बहुत बेसिक है बेसिक नीर और रीढ़ का कंसेप्ट पता है आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे तो इस क्वेश्चन से क्या मैसेज मिल रहा है कि सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं पता होना चाहिए ये भी ध्यान रखना है कि मैंने बोला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में सुधार हो रहा है तो सुधार का मतलब आप क्या समझते हैं बढ़ रहा है या घट रहा है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है बढ़ना अच्छा है या घटना अच्छा है तो सेम रीर का बढ़ना किसे इंडिकेट करता है नीर का बढ़ना किसे इंडिकेट करता है क्योंकि कई बार आपको कंसेप्ट पता होगा बट कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि बढ़ने से वैल्यू बढ़ेगी करेंसी की या घटेगी तो ये चीज़ें क्लियर आपको पता होनी चाहिए वरना इतनी मेहनत के बाद भी सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यदि मुद्रा स्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है अच्छा इन्फ्लेशन जब होगा वही पूरा अप्लीकेशन उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है समझो इन्फ्लेशन है तो लिक्विडिटी कम करेंगे कम करने के लिए प्रतिभूति खरीदेंगे या बेचेंगे खरीदेंगे अच्छा मान लीजिए मैं आर बी आई हूँ आप पूरी अर्थव्यवस्था से हैं ठीक है मुझे अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी कम करनी है मैं आपसे अगर सिक्योरिटी खरीद रही हूँ तो उसके बदले में पैसा दे रही हूँ ना और जब मैं बेचूँगी मतलब बॉन्ड आपको दे रही हूँ तो आप उनमें निवेश कर रहे हैं तो पैसा मेरे पास आएगा तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सेल किया जाएगा विक्रय होगा ठीक है ना कि क्रय या खरीद सिंपल क्लियर है चलिए यदि रुपए का तेजी से मूल्यहास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है एक्सचेंज रेट के संदर्भ में अगर करेंसी की वैल्यू गिरती है तो अगर फॉरेन करेंसी या यहाँ पर डॉलर की बात हो रही है उसकी आपूर्ति अगर बढ़ा दी जाए तो उसके सापेक्ष क्या होगा कि हमारी करेंसी फिर से वैल्यू गेन करने लगेगी अब पूरी क्लास में हमने यही तो पढ़ा है कि फॉरेन करेंसी का ओवरऑल क्या इफेक्ट होता है कि जब इकोनॉमी में आती है तो आपकी करेंसी जो है वो बेहतर स्थिति में होने लगती है वो फिर से वैल्यू गेन करने लगती है ठीक है क्योंकि होगा क्या कि अगर आर डॉलर सेल कर रहा है तो बदले में किसकी मांग करेगा रुपए की तो रुपए की मांग बढ़ेगी वैल्यू बढ़ेगी ठीक है ये ऑप्शन ठीक है यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है क्या ये सही है संभावित कह रहा है। वहां पर कैसे होगा ये अगर वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें कम है तो लोग हमारे यहाँ निवेश करने आएंगे ठीक है संभावना है अब वो निवेश करने आएंगे तो हमारे यहाँ विदेशी करेंसी की आपूर्ति बढ़ेगी अब अगर काफ़ी बड़े लेवल पर यूएस यूरोप संग मतलब तो काफ़ी सारी जगह पर ऐसा हो रहा है तो काफ़ी सारी फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आ सकती है अब ज़्यादा विदेशी मुद्रा भी आ गई वो भी संकट हो जाता है कैसे क्योंकि उससे हमारी करेंसी की वैल्यू अत्यधिक बढ़ जाती है बढ़ गई तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिव वो नहीं रही तो इस स्थिति से बचने के लिए फिर आर क्या करता है बहुत सारी करेंसी अगर हमारे यहाँ आ गई तो वो उस करेंसी को खरीदता है अर्थव्यवस्था में हमारी करेंसी की आपूर्ति करेगा ताकि हमारी करेंसी की आपूर्ति बढ़ी रहे और करेंसी का जो एप्रिसशन या उसकी वैल्यू बढ़ रही है वो रुक जाए ठीक है समझ में आया काफ़ी इनडायरेक्ट रिलेशन था बट रिलेशन वही कि मुद्रा की आपूर्ति बस आपको ये सोचना है कि क्या कहीं से मुद्रा की आपूर्ति हो रही है उसका क्या फिर आगे प्रभाव होगा ये कोरिलेशन कुरु, आपको सोचना है तो फर्स्ट इसमें सही नहीं था उसके अलावा सही है तो जो है वही दो तीन हमारा आंसर है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होते हैं जो इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन देते हैं आपको उनमें जो इंटरेस्ट मिलता है <coughs> उसके साथ साथ आपने जो धन लगाया क्योंकि जो निवेश करने वाले होते हैं उनको इन्फ्लेशन में क्या क्षति होती है आपने लगाए हजार रुपए पांच साल बाद मिल रहे हैं पहले आप हजार रुपए में किसी भी एक चीज़ की यूनिट खरीद सकते थे अब आप दो हज़ार में खरीद रहे हो मतलब हज़ार रुपए में उस चीज़ की सिर्फ आधी यूनिट खरीद रहे हो आपको चलिए रिटर्न में मिल गए पाँच सौ पंद्रह सौ हो गए लेकिन फिर भी पहले की तुलना में अभी भी चीज़ नहीं खरीद पर यही तो हुआ कि आपने जो दिया था उस समय परचेजिंग पार अलग थी पैसे की आज अलग है तो यही लॉस है इसी को जो है ब्रिज करने का काम करता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड ऐसे बॉन्ड जिसमें जो आप लगाते हैं उसके बाद जो इन्फ्लेशन है वो भी एडजस्ट हो जाता है और उसके साथ फिर आपको रिटर्न मिलता है अब इसमें भी काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं डीप कंसेप्ट है, deep concept है प्लान था कि आगे भी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी कि कैसे होता है चलिए एक बार के लिए देख लेते हैं सिंपल क्या है आपने इतनी अमाउंट लगाई ठीक है इन्फ्लेशन में अगर पाँच परसेंट की रेट है तो आपका जो प्रिंसिपल है उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा और फिर उसका फोर परसेंट आपको मिलेगा अगले साल चार परसेंट इन्फ्लेशन है तो आपके प्रिंसिपल में वो एड हो जाएगा और फिर उसके अनुसार आपको रिटर्न मिलेगा तो इस तरह से इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आप लोग और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना अगर क्लैरिटी नहीं है आपको रिटर्न देते हैं जो इन्फ्लेशन से आपको सुरक्षित करता है अब ये क्वेश्चन भी मोर एंड लेस पॉसिबिलिटी की ही बात कर रहा है। जैसे सरकार इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है फर्स्ट ऑप्शन दूसरा आई निवेशकों को मुद्रा स्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करता है दूसरी में तो कोई डाउट नहीं क्योंकि मुद्रा स्फीति की अनिश्चितता उसी से सुरक्षा दे रहा है मतलब ऑप्शन दो तो बिल्कुल सही है ठीक है तो जिसमें सिर्फ एक और तीन है उसे तो एटलीस्ट काटो थोड़ा काम कम हो ठीक है चलिए आई पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते ये सिंपल इंफॉर्मेशन है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बोंड हैं उनको कोई विशेष कर छूट दी गई है नहीं वो तो सिर्फ इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन की बात की गई है बाकी जो टैक्स वगैरह सब लगते हैं वो वैसे ही लगेंगे अगर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो भी ज़रा सोचिए कि इन्फ्लेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड स्पेशल क्यों है क्योंकि वो इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन दे रहे हैं ऐसा नहीं कि उन पर कुछ लाभ होगा तो उस पर टैक्स वैक्स नहीं लगेगा ये उनकी विशेषता नहीं है थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है अच्छा थर्ड सही नहीं है दो सही है ही तो एक ही बचा बट प्रश्न जरूरी है ये फर्स्ट वाला कि ऐसे ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं मैक्सिमम तो ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स में पॉसिबिलिटी होती है मतलब हाँ की तरफ इंक्लाइंड होती है बट ये स्टेटमेंट कैसे है वो मैं देखती हूँ सरकार आई के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है इसका एक सिंपल सा लॉजिक सोचिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड अगर गवर्नमेंट जारी कर रही है तो निवेशकों को क्या मिल रहा है कि भविष्य में इन्फ्लेशन की कोई भी अनिश्चितता रहेगी तो उसके प्रति उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी अगर आप एक निवेशक हैं तो ये आपके लिए एक फैक्टर के तौर पर काम करेगा ना कि आपको इन्फ्लेशन से जो अपने धन को नुकसान हो सकता है आप उसे बचा लेंगे तो ऐसे में जब आपको इन्फ्लेशन के प्रति प्रोटेक्शन मिल रही है तो आप कंपैरेटिवली जो कम कूपन रेट वाले इन्वेस्ट जो ऑप्शंस है जहां से उतना रिटर्न नहीं मिल रहा उनमें भी इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएंगे क्योंकि एक इन्वेस्टर बहुत सारी कैलकुलेशन करता है जिसमें इन्फ्लेशन भी एक ऑप्शन है और वैसे भी ये सिर्फ संभावनाओं की ही बात कर रहा है कि ऋण रहण पर दरों पर कम कर सकती है अब जरूरी नहीं कि सरकार करेगी अगर सरकार को लगता है कि नहीं मेरे प्रति मतलब अभी इतना विश्वास है और लोगों का अनुमान है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है घट सकता है कुछ भी है क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसी ही होती है जो ये चीज़ डिसाइड करती है ना एक्सपेंशनरी रहेगी या रेड्यूस होगी लिक्विडिटी समझ लो तो इन सब चीज़ों के चलते फिर लोग विश्वास कर पाते हैं और अंत में गवर्नमेंट को कम कूपन रेट वाले बॉन्ड्स भी जो है गवर्नमेंट के लोग खरीद लेते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन से उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है तो इससे संभावना है कि कम कूपन रेट पर भी गवर्नमेंट को धन जो है मिल जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है भारत में कार्य कर रही ई e कॉमर्स फॉर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप देखोगे ई e कॉमर्स फॉर्म्स जो है काफ़ी चर्चा में रही इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कौन से हमारे यहाँ मॉडल हैं ई कॉमर्स को लेकर इन्वेंट्री बेस्ड और मार्केट प्लेस ठीक है अब आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि उस समय एक्चुअली रूल्स आए थे कि जो है ई e कॉमर्स को लेकर कि कितना एफ नीति में भी चीज़ें सामने आई थी करंट अफेयर में काफ़ी चर्चा में था कि बड़ी जो है कितना परसेंट कोई एक फॉर्म आपके यहाँ से सेल कर सकती है अच्छा आपसे रिलेटेड पार्टी जो है ई e प्लेटफॉर्म है कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उनकी खुद की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई कंपनीज़ हैं वो वहाँ से सेल कर सकती है नहीं कर सकती उसी पर फिर ये प्रश्न पूछा गया था तो एक बार रूल्स को सब चीज़ों को आप सही से पढ़ लेना इसमें समझने का कुछ है नहीं सिंपल इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है जब आप चीज़ों को अपने यहाँ रख सकते हैं ब्रिक और मोटर सिस्टम भी इसे कहा जाता है और फिर आप बेचते हो जैसे मिंत्रा इत्यादि करती हैं अमेजन इत्यादि ई मार्केट प्लेस है किसी चीज़ का खुद स्टोर नहीं बनाती सेलर को और जो बायर है उसको कनेक्ट करती है और वहाँ से आपूर्ति होती उन्हें ई मार्केट प्लेस कहा जाता है एक फैक्ट बहुत फेमस है कि एफडीआई हमारे यहाँ मार्केट प्लेस मॉडल में अलाउ है इन्वेंट्री मॉडल में नहीं अलाउ है क्योंकि इन्वेंट्री मॉडल में ओवरऑल मार्केट के लिए चीज़ें समान रहे इसलिए हमने अलाउ नहीं की है क्योंकि आम दुकान वाले सब वो भी तो इन्वेंट्री अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है तो इन बड़ी फॉर्म्स को बेनिफिट मिल जाएगा आम जो है विक्रेता उनको नहीं मिलेगा इसलिए हमने एफ की व्यवस्था नहीं रखी है क्योंकि मार्केट प्लेस तो कर ही रहा है ना कि सेलर को बायर से कनेक्ट कर रहा है तो उससे उतना बड़ा चेंज नहीं आ रहा है ऐसा ये नीति बनाने वालों का मानना ठीक है निम्नलिखित में से कौन कौन से क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करते हैं अच्छा रियल सेक्टर क्या होता है एक होता है रियल एक होता है जहां वास्तव में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हुआ रियल सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर में भी बैंकिंग लेन देन रीन डेट सब में बेनिफिट होता है लेकिन उसमें वास्तव में कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा उसे हम फिनेंशियल सेक्टर के नाम से जानते हैं चलिए ऑप्शन देखते हैं किसान अपनी फसल काट रहे हैं ठीक है इससे क्या हो रहा है प्रोडक्शन हो रहा है रियल में तो रियल सेक्टर में आएगा कपड़ा मिल, कच्चे कपास को कपड़े में बदल रही हैं रियल प्रोडक्शन हो रहा है किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना इससे वास्तव में कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा ये फिनेंशियल सेक्टर में आएगा और किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेशी में रुपी डिनोमिनेटेड मूल्य के बॉन्ड जारी करना इससे भी कुछ रियल क्रिएट नहीं हो रहा अब हो सकता है इस क्वेश्चन जब यूपीएससी ने पूछा उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया था कि रियल और फिनेंशियल सेक्टर में क्या अंतर है बट रियल मतलब जो कुछ चीजें वास्तव में दिख रही हैं और ऑप्शन में आप देखोगे कि या तो ये दो ऑप्शन एक जैसे हैं या ये दो ऑप्शन एक जैसे हैं तो या तो ऑप्शन में तीन या चार का कॉम्बिनेशन होना चाहिए या ऑप्शन में एक और दो का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो अगर आपको नहीं भी पता है रियल सेक्टर वैसे तो टर्म से भी अंदाजा लगता है फिर भी आप नहीं लगा पाए थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच जाए क्योंकि समुच्चय यही संभव है क्योंकि दोनों चीज़ें अलग है वहां वास्तव में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर सिर्फ वित्तीय लेन हो रहा है भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित इनडायरेक्ट ट्रांसफर अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है क्या है इनडायरेक्ट ट्रांसफर काफी लोग तो ट्रांसफर पेमेंट से कंफ्यूज हुए होंगे क्या है ट्रांसफर पेमेंट आपको पेमेंट मिलती है सरकार देती है लेकिन उसके बदले में किसी वस्तु सेवा का एक्सचेंज नहीं होता है जैसे वृद्धावस्था पेंशन दे दी किसी और तरह की पेंशन दे दी कोई और बेनिफिट दे दिया उसके बदले में आप कोई सर्विस कोई वस्तु नहीं दे रहे इसे कहा जाता है इकोनॉमी में ट्रांसफर पेमेंट बट ये क्वेश्चन ट्रांसफर पेमेंट के बारे में नहीं है ये है इनडायरेक्ट ट्रांसफर आप लोगों ने इकोनॉमी में एक पॉपुलर केस रहा था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लेकर पूर्व प्रभाव से टैक्स लगाना वोडाफोन हच एक डोग आता था जिसको लेकर उनका एडवर्टाइजमेंट भी आता था हच एस आर केस पढ़ा है उसी से बेसिकली ये टर्म पैदा हुई थी इनडायरेक्ट जो ट्रांसफ़र है वो क्या है आप देखोगे वोडाफोन और एक कैनियन आइलैंड की कोई कंपनी थी उनके बीच डील होती है ठीक है डील में कैनियन आइलैंड की जो कंपनी थी वो अपने शेयर हच को ट्रांसफ़र कर देती है वोडाफोन को ट्रांसफ़र कर देती है ठीक है वहाँ पर ये डील हुई भारत का कोई प्रत्यक्ष लेना देना नहीं है लेकिन कैनियन आइलैंड की जो फर्म थी जिसके शेयर ट्रांसफ़र हुए वोडाफोन को वो शेयर भारत में जो हज कंपनी थी उसके भी थे क्योंकि उनका बड़ा निवेश हज कंपनी में भी था तो भारत प्रत्यक्ष तो इस डील से नहीं जुड़ा हुआ था कोई कैपिटल गेन सब भारत को डायरेक्टली नहीं मिलना चाहिए लेकिन आप देखोगे डील भारत में नहीं हुई डायरेक्ट ना तो वोडाफोन ना कैनियन आइलैंड की कंपनी कोई भी भारत से नहीं है लेकिन फिर भी भारत में स्थित एक कंपनी के राइट ट्रांसफ़र हो गए क्योंकि वो जो कैनियन आइलैंड की जो कंपनी थी उसने हच एस जो है उसमें उनका हिस्सा था तो इसके चलते फिर हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ आती हैं अमेंडमेंट करती हैं और रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से एक व्यवस्था लेकर आती हैं जिसे इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र कहा गया कि अगर ऐसा कोई ट्रांसफ़र होता है तो वहां पर हमें भी बेनिफिट मिलेगा मिलना चाहिए आप देखो कि बहुत लंबा ये मामला खिंचता है सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार वर्डिक्ट आते हैं अब इससे भारत की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रभावित होती है क्यों क्योंकि अगर कंपनीज़ को पता है कि आपका जब मन करेगा आप पूर्व प्रभाव से कोई भी कानून लागू कर देंगे तो आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता आपकी यहाँ निवेश बाधित होगा सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितना मुझे याद आ रहा है कुछ समय पहले कुछ साल पहले गवर्नमेंट फिर से बिल लेकर आती है और कहती है कि 2012 जब ये व्यवस्था आई थी उससे पहले के जो लेन देन थे उस पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी उसके बाद से लागू होगी मतलब ये व्यवस्था तो लागू होगी लेकिन पहले का जो लेन देन हुआ उस पर लागू नहीं होगी पूरा मामला लंबे समय तक चलता रहा वहीं से ये टर्म है तो कोई लास्ट ऑप्शन देखिए कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्ति से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं जो मैंने बताया कि डील हुआ कैनियन की कंपनी और वोडाफोन के बीच भारत में डील हुई भी नहीं लेकिन भारत में हज कंपनी थी उसके कुछ राइट वहाँ पर ट्रांसफर हुए तो यही इसका सही आंसर भी है मूल संपत्ति खरीदना बाकी ऑप्शन इसमें कोई भी सही नहीं है अगर आपको ये भी पता है कि कंपनियों के बीच किसी लेन देन से जुड़ा हुआ ये मामला है तो भी आप काफ़ी हद तक आंसर तक पहुंच जाएंगे बहुत डिटेल ऑप्शन है मैं नहीं पढ़ रही हूँ आप लोग एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेंगे चलिए किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है अब आपको इसमें बताना क्या है नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है तो क्या नई प्रौद्योगिकी को प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है कंप्यूटर आप एक्वायर कर रहे हैं कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले रहे हैं तो ओवरऑल आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को वो बढ़ाएगा तो ये किसके तहत आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत आएगा दूसरा ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है यह सिंपल पूंजीगत राजस्व का जो क्लासिफिकेशन है उससे पूछा गया है तो क्या सही है मतलब क्यों गलत है ये स्टेटमेंट बताएंगे ठीक है ये दोनों ही जो हैं क्या कंसेप्ट है रिवेन्यू का और उसका कैपिटल का सिंपल जब कोई असेट क्रिएट हो रही है या लाइबिलिटी कुछ भी क्रिएट हो रहा है तो वो क्या है कैपिटल है और जब असेट क्रिएट नहीं हो रही है कोई लाइबिलिटी नहीं सर्जित कर रही आपको जस्ट मिल जा रहा है एज ए इनकम तो वो सिंपल रिवेन्यू का तो यहाँ पर इक्विटी और जो है ऋण वित्तीय दोनों को हम अच्छा गवर्नमेंट के संदर्भ में आप बताएंगे कि क्या होता है यहाँ तो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है तो हमें पता चला कि सिर्फ ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही नहीं है अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ एक तो होता है हमने जो प्रिंसिपल लिया है उसकी रीपेमेंट करती है गवर्नमेंट ठीक है जब हम बजट कैलकुलेशन सब पढ़ते हैं एक जो इंटरेस्ट हमने लिया होता है उसकी रीपेमेंट करते हैं तो कौन सा किस में आता है जल्दी जल्दी बताइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बिल्कुल ब्याज क्योंकि ब्याज देने से हमारी लाइबिलिटी कम नहीं होती जो प्रिंसिपल लाइबिलिटी है वो एज इट इज बनी रहती है लाइबिलिटी कब खत्म होती है जब हम जो प्रिंसिपल जो मूलधन है उसे चुका देते हैं उसमें कमी तब आती है तो वो किस में इंक्लूड होता है कैपिटल में तो सिंपल रूल है जहाँ लाइबिलिटी जो है आपकी बढ़े अगर ऐसी प्राप्ति आपको हो रही है ठीक है या आपकी असेट कोई कम हो रही है तो प्राप्ति हो रही है तो वो क्या होगी पूंजीगत प्राप्ति अन्यथा और दूसरा जस्ट इसका ऑपोजिट है कि जब आपकी लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाए या असेट बढ़ जाए तो वो पूंजीगत प्राप्ति है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकार ऋण ग्रहण के लिए जाता है इसमें किसी को कोई डाउट लोग बैंक में पैसा रखते हैं प्रोविडेंट फंड में रखते हैं स्मॉल सेविंग फंड्स में रखते हैं यहां से पैसा सरकार उठाती है तो जो घरेलू वित्तीय बचत है उसका एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है किसी को इस बात पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि लोगों की बचत एनी हाउ बैंकिंग म्यूचुअल फंड सब अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं चैनलाइज हो ही जा रही है दूसरा नीलामी में बाज़ार संबंधी दरों पर जारी डेटेड सिक्योरिटीज दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा हिस्सा है या बड़ा घटक है तो नीलामी से जो हम डेटेड सिक्योरिटीज जारी करते हैं अच्छा आपको ये पता है कि डेटेड सिक्योरिटीज दो तरह की होती हैं। एक तो मार्केटेबल और दूसरा नॉन मार्केटेबल मतलब एक वो जो मार्केट में उपलब्ध होती हैं और दूसरी वो जो मार्केट में उपलब्ध नहीं होती सारी गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज़ बाजार में सभी के लिए निवेश करने के लिए उपलब्ध नहीं होती है जैसे कि हमारे नॉर्मल ट्रेजरी बिल्स हैं वो होते हैं आपको पता होगा फोर्टीन डेज ट्रेजरी बिल्स आता है एक वो स्पेसिफिकली कुछ फॉरेन बैंक्स या स्टेट गवर्नमेंट्स या कुछ जो कौन उनमें निवेश कर सकता है इसका निर्धारण किया जाता है वो सभी के लिए नहीं होता तो उसे हम नॉन मार्केटेबल में मानते हैं ठीक है तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो नीलामी के माध्यम से मतलब बाज़ार में जो बाज़ार संबंधित दरों पर जारी जो डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं आंतरिक ऋण का वो बड़ा घटक बनाते हैं बिल्कुल सही ठीक है वो अराउंड सिक्सटी एट परसेंट जो कुल हमारा बेसिकली डेट गवर्नमेंट ले रही है यहाँ पर उसका सिक्सटी एट परसेंट हिस्सा उन्हीं से बनता है आंतरिक ऋण का तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि बहुत कम होती हैं जो मार्केटेबल नहीं होती हैं मैक्सिमम तो मार्केटेबल होती ही है अगर इस चीज़ का आइडिया है तब भी आपको पता चल जाएगा कि बाजार संबंधी दरों पर जो जारी की जानी नीलामी वाली उनका बड़ा हिस्सा होता है तो स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट दो क्वेश्चन नंबर दस में दोनों ही सही हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ ये अभी भी चर्चा में है पहले भी चर्चा में रही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ क्या करती हैं? क्रेडिट रेटिंग देती हैं ठीक है भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं इज इट ट्रू सेबी ये क्लियर है हमारे यहाँ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को रेगुलेट बहुत मेजर फैक्ट है आप जरा इसे काट दीजिए आप देखोगे आप वैसे भी सही आंसर तक पहुँच जाओगे दूसरी स्टेटमेंट इकरा नाम से जाने जाने वाली क्षमता निर्धारक एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ब्रिक वर्ग एक्चुअली ब्रिक वर्ग जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो काफ़ी अधिक चर्चा में थी क्योंकि सेबी ने इस पर पेनल्टी लगाई थी एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है तो जब आपने वैसे भी एक को काट दिया तो आपके पास दो ही ऑप्शन बच गए हैं बट ये पूछा क्यों गया क्योंकि जो ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी है ये काफी चर्चा में थी बैंक बोर्ड ब्यूरो पर बात करने की आवश्यकता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है इसलिए कन्वर्टेबल बॉन्ड्स अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं ठीक है दूसरा इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बोन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमों में सहलग्नता की मात्रा प्रदान करता है इंग्लिश देख लीजिए द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड द बोन्ड होल्डर ए डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस का अर्थ समझ में आ रहा है स्टेटमेंट का एक ये भी मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि जानकारी होगी लेकिन कई बार स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही वही समझ में नहीं आएगा क्या कह रही है स्टेटमेंट कि क्या जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है आपको इन्फ्लेशन के प्रति कोई सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं सिंपल इसका अर्थ ये है ठीक है कोई जो है डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन आपको बढ़ते हुए प्राइस के संदर्भ में जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है वो देते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में किसी को डाउट है क्योंकि ये आपको ऑप्शन देते हैं और ये अधिक रिलायबल होते हैं कि कुछ भी हुआ आपने डेट दिया है आप इसे शेयर में भी इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो जो चीज़ आप ध्यान रखना मार्केट का सिंपल रूल है जो चीज़ जितनी विश्वसनीय जितनी सुरक्षित है वहाँ पर रेट्स कम रखी जाती हैं और जहाँ जितना रिस्क है आप निवेश करोगे तो आप दो चीज़ों में तो चयन करोगे ना कि या तो मेरा निवेश सुरक्षित हो या फिर अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो मुझे रिटर्न तो बेहतर मिले तो जहां पर सुरक्षा होती है वहां पर रेट्स कम रखी जाती है तुलनात्मक तो रूप से जहां रिस्क होता है मेरी कंपनी कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही लेकिन आप अगर फिर भी मुझे मेरी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो ये तो उम्मीद करेंगे ना कि एटलीस्ट अच्छा कर जाए तो रिटर्न तो अच्छा मिले वरना तो जोखिम भी हो सकता है ये सिंपल रूल काम करता है इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है ठीक है क्योंकि इक्विटी में बदलने का जो ऑप्शन है वो एक सुरक्षा का भाव निवेशकों को देता है इसलिए यहाँ पर आप देखोगे कि ब्याज दर कम होती है इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प आप जरा देखिए आज आपने बॉन्ड में हजार रुपए का निवेश किया ठीक है हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ जाए और इसकी वैल्यू जो है आठ सौ रुपए के बराबर ही रह जाए या पाँच सौ कुछ भी रह जाए आपको लॉस हो गया ये कन्वर्टेबल जो बॉन्ड्स हैं ये आपको ये पहले से ही निर्धारित होता है कि इस निवेश के प्रति अगर आप चाहें तो भविष्य में आपको इसके बदले में इतने बॉन्ड्स मिल जाएंगे अब चूंकि ये चीज़ पहले ही निर्धारित है जैसे वायदा किया गया कि आपको दस बॉन्ड मिल जाएंगे तो आपकी करेंसी की वैल्यू उस समय आपने दिया उस पर लगभग दस बॉन्ड आपको मिल सकते थे आज वैल्यू गिर गई है लेकिन फिर भी चूँकि पूर्व निर्धारित था तो यहाँ पर आपको दस जो है शेयर मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसने इन्फ्लेशन के प्रति आपको सुरक्षा दे दी ना अगर आप इसमें कन्वर्ट करवाते हैं तो क्योंकि जो कम हुआ था वो अब आपको प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि आपने स्टॉक में अपने जो निवेश था जो आपने डेट दिया था उसको कन्वर्ट कर दिया है तो ऑप्शन एक और दो, दोनों ही सही है मुद्रास्फीति कौन नियंत्रित करता है आरबीआई करता है ना मॉनेटरी पॉलिसी उन्हीं के द्वारा दी जाती है अच्छा भारत में कौन एक फैक्ट्रियों में काम कामगार नियुक्त हैं विवाद हुए बंदी हो रही है सब उनके मामले में डेटा कौन रखता है लेबर ब्यूरो अब हम 2023 पर आ गए थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए ठीक है हाँ समझ में आ रही हैं चीजें बार बार ये पूछना जरूरी है क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है अब एक्चुअली वो कैलकुलेशन मुझे पता है तो मैं तो बोल दे रही हूँ लेकिन आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं ये भी ज़रूरी है बट लिमिटेशन है क्योंकि इन चीज़ इस तरह की क्लासेस को बहुत लंबा आप स्ट्रेच भी नहीं कर सकते वरना फिर वो बेसिक्स की क्लासेस हो जाएंगी तो पेपर डिस्कशन शुड भी पेपर डिस्कशन ना तो थोड़ी लिमिटेशन है फिर भी अगर किसी को किसी चीज़ में डाउट है तो वीडियो वगैरह तो मिल ही जाता है आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिप्लेस सब करके देख सकते हैं ठीक है ये ऑप्शन आपके पास रहता है चलिए 2023 को वेलकम करते हैं और जल्द ही अलविदा भी करेंगे ठीक है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कीजिए विचार विचार कीजिए प्रश्न संख्या 21 कथन एक इनविट्स और रिट्स का कंसेप्ट पता है रीड्स और इनविट्स क्या होती हैं फुल फॉर्म क्या है रियल रिट्स मतलब रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और इन्विट्स मतलब इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ठीक है फुल फॉर्म पता है ये बहुत चर्चा में रही है पिछले दो तीन साल में ये क्या है कि ये विथ जुटाने का एक तरीका है इन्विट्स हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए विथ जुटाने का एक तरीका है रिट्स हैं तो रियल स्टेट जो सेक्टर है उसके लिए विथ जुटाने का तरीका है म्यूचुअल फंड आपने पढ़ा है ना म्यूचुअल फंड इसमें क्या है कि लोग अपने संसाधन पूल करते हैं और म्यूचुअल फंड मैनेज करता है कुछ संसाधन जो भी आप प्लान लेते हैं उसके अकॉर्डिंग इक्विटी में लगाएगा कुछ बॉन्ड में इधर उधर ठीक है तो बिल्कुल ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होती बस उद्देश्य अलग है इसी तरह से इनविट्स भी हैं ये इनविट्स क्या करती हैं लोग अपने संसाधन इनविट्स को देते हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उस पैसे को लगाती हैं तो संसाधन को पूल करती हैं ये पूल करना मतलब बहुत सारे लोगों से निवेशकों से संसाधन लेना और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना ये काम इनविट्स करती हैं और जब सेम काम रियल स्टेट के लिए हो तो उन्हें रिट्स के नाम से जाना जाता है सिंपल है इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं आधारिक संरचना निवेश न्यासों जिन्हें इनविट्स कहा गया है में जमा हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर अब ये तो एक तरह का निवेश का तरीका है बाकी जहाँ निवेश आप करते हैं जो आपको बेनिफिट मिलता है उसके आधार पर आप पर टैक्स लगता है वो सेम व्यवस्था यहाँ भी रहेगी इनको लेकर कोई विशेष जो है कि आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा ऐसी कोई छूट नहीं है स्टेटमेंट एक सही नहीं है दूसरा वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन जिसे हम एक्ट के के नाम से जानते हैं सुनी है ना अधीन इनविट्स को ऋणी के रूप में मान्यता दी गई है तो जैसे कि एक इंडिविजुअल अगर धन ले रहा है ठीक है तो वो क्या है ऋणी है वैसे ही इनविट्स भी तो लोगों से धन ले रहे हैं जैसे आगे निवेश कर रही हैं तो इनको भी एक ऋणी के तौर पर माना गया ये संसाधन को पूल करती है बस डिफरेंस इतना है ठीक है तो सेकंड स्टेटमेंट सही है लेकिन ट्रेंड क्या पता चल रहा है लास्ट पेपर में हमने देखा कि थोड़ा सा यूपीएससी पूछने लगी थी कि कुल कितने सही हैं कुछ कुछ में देखा होगा आपने अब यहाँ पर एक तो कौन से सही हैं कि जगह कितने सही हैं एक सही है सिर्फ दो सही हैं तीन सही हैं ठीक है ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और दूसरा कथन कारण संबंध वाले प्रश्न भी देखने को मिलेंगे बट कथन कांड में उतनी डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि मैक्सिमम आप देखोगे कि आप ये तो स्टेटमेंट ही गलत है तो आपको क्यों कथन कांड ढूंढना है वैसे पता होना चाहिए कि इसका कंसेप्ट क्या है बट अगर फर्स्ट सही नहीं है सेकेंड सही है तो सिंपल सा है ना कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है अच्छा आ, कुछ बच्चों ने मेरे से ये भी पूछा था कि कथन कारण वाले क्वेश्चन काफ़ी लंबे हो जाते हैं क्योंकि हमें लास्ट ऑप्शन भी पढ़ने पड़ते हैं बट आप देखोगे कि मैक्सिमम उन ऑप्शन की क्रोनोलॉजी एक ही होती है एक सही है ठीक है और दो दोनों सही हैं दो एक की सही व्याख्या करते हैं मतलब सेम ही क्रोनोलॉजी होती है तो उन चीज़ों को आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है एक बार हल्के से आप देख लेंगे कि कहीं कुछ फेर बदल तो नहीं है और उसके आधार पर आप आंसर को क्लिक कर देंगे एक एक लाइन को आपको थोरूली यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कोविड महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व ने विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी ये काफी चर्चा में रहा इवन भारत में भी कंपैरेटिवली इन्फ्लेशन सब बढ़ गया था इंटरेस्ट रेट बढ़ाई ठीक है यूएस इत्यादि के संदर्भ में भी ये देखने को मिला अच्छा क्यों बढ़ाई इसकी व्याख्या आप देखिए चलो ये तो पता चल गया सही है अब देखते हैं दूसरा सही है या नहीं आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीतों के नीति के उपायों से प्रतिकार प्रतिकार का अर्थ जरा आप हिंदी में देख लीजिए इंग्लिश में सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटर एक्ट द राइजिंग कंज्यूमर वी आर मोनिट्री पॉलिसी ठीक है तो केंद्रीय बैंक ऐसा सोचते इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है रेट्स को बढ़ा कर कम करके वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं दूसरी स्टेटमेंट भी सही है अब जरा हम देखते हैं कि इनमें संबंध है या नहीं ये तो हमें पता चल गया दोनों सही हैं अब देखो बैंकों ने रेट्स को बढ़ाया अब इसका जो व्याख्या है क्या ये नहीं कर रहा है क्योंकि वो क्या एज्यूम कर रहे हैं रेट क्यों बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है ये तो आपने करंट में पढ़ा होना चाहिए ये ऑप्शन एज्यूम कर रहा है तो उसी को काउंटर करने के लिए वो रेट्स बढ़ा रहे हैं क्यों बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल से वो इन्फ्लेशन को हल कर लेंगे तो इसलिए यहाँ पर दोनों सही भी हैं और दोनों में कथन और व्याख्या का सहसंबंध भी है तो आंसर क्या होगा ए इजेशन क्या होता है इकोनॉमी के संदर्भ में ये आरबीआई द्वारा इतनी फेमस टर्म है ये आरबीआई द्वारा यूज किया जाने वाला एक टूल है कब ये टूल यूज किया जाता है इसकी भी पूरी हिस्ट्री है फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल डॉलर हमारे यहाँ बढ़ गया है डॉलर हमारे यहाँ बढ़ गया तो मैंने क्या बताया था क्या होता है हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी हम इम्पोर्ट कॉम्पिटेटिव रहें वैल्यू मैनेज करना ज़रूरी है ना तो आर बीच में हस्तक्षेप करता है और क्या हस्तक्षेप करके करता है आर कि वो डॉलर का क्रैक करेगा डॉलर यहाँ पर ख़रीद लिया गया और अगर डॉलर खरीदा गया है तो रुपए उसके बदले में आपूर्ति करनी होगी अब रुपए की जब आपूर्ति हुई तो हमने वैल्यू तो स्टेबल कर ली लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में करेंसी की आपूर्ति बढ़ गई है तो इस बढ़ी हुई आपूर्ति को भी न्यूट्रलाइज करना हमारे लिए जरूरी है इस हेतु आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन का सहारा लेता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का जैसी भी स्थिति है आपूर्ति कम है ज़्यादा है दोनों ही हो सकती हैं उनका सहारा लेकर फिर वो सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त करता है और इकोनॉमी में रुपए की आपूर्ति को जो है न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है अगर आपूर्ति बढ़ गई है तो क्या होगा ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी बेची जाएंगी या खरीदी जाएंगी खरीदी जाएंगी खरीद कर क्या होता है हम पैसे लोगों के हाथों में दे रहे हैं और बेचकर क्या होता है हम पैसे ले रहे हैं सिंपल सा संबंध है आप किसी को कोई चीज बेच रहे हैं खरीद रहे हैं बस इतना लिंक कर लेना आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो अब देखते हैं स्टरलाइजेशन अब इसके पीछे इतनी कहानी थी है क्या खुला बाजार कार्यवाही का संचालन निपटान भुगतान प्रणाली केंद्र राज्य गैर बैंकिंग वित्तीय तो इसके तहत क्या करता है आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस का संचालन होता है तो रेलिवेंट टर्म यहाँ पर यही है पूंजी बाजार में ये बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बाजार में शामिल है कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का कंसेप्ट शॉर्ट टर्म के लिए वन और लेसर मनी मार्केट ज्यादा वाला कैपिटल मार्केट अच्छा सरकारी बॉन्ड बाजार किसमें आएगा कॉल मनी मार्केट मनी मार्केट में इंक्लूड है क्योंकि तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ट्रेजरी बिल भी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं ठीक है तो हमने इनको ऑप्शन से काट दिया हमारे पास क्या बचा सरकारी बॉन्ड बॉन्ड आपको पता है बॉन्ड किसे कहते हैं या डेटेड सिक्योरिटीज जो मोर देन वन ईयर हो और स्टॉक मार्केट तो कैपिटल मार्केट का हिस्सा है ही तो दो इसमें सही हैं अच्छा इसमें आपको ये भी नहीं पता होना चाहिए कि कौन से दो सही हैं बट द ट्रूथ इज़ कि जब तक ये नहीं पता होगा आप आंसर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे ठीक है तो एलिमिनेशन का स्कोप यहाँ पर कम हो गया है ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप आम बुद्धि रखते हैं तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे नहीं रखते तो दिक्कत होगी ठीक है प्रश्न देखिए लघु कृषक छोटा किसान है छोटा कब कहते हैं किसान को जब उसकी लैंड होल्डिंग कम हो लेकिन फिर भी बड़ा खेत ये चीज़ कैसे संभव हो सकती है कोई मैजिक तो है नहीं मतलब किसान बिल्कुल छोटे छोटे किसान हैं वो साथ आते होंगे और फिर साथ आकर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे तभी कुछ होता होगा कॉमन समझ यही कहती है अब जरा ऑप्शन पढ़िए युद्ध के कारण अपने देश से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का आगे भी है लग रहा है कि कुछ लेना देना है चलिए किसी क्षेत्र में अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं का और संगति लाते, मतलब एक साथ मिलकर कृषि करते हैं ठीक है किसी क्षेत्र में अनेक सीमांत कृषक मिलकर निगमित निकाय के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं निगमित निकाय के साथ कॉन्ट्रैक्ट से लघु कृषक बड़ा खेत थोड़ी ना हो जाएगा ठीक है दूसरा कोई कंपनी किसी क्षेत्र में कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण तकनीक नहीं इनसे भी उत्पादन बढ़ सकता है छोटा किसान अधिक उत्पादन ये हो सकता है ठीक है लेकिन छोटा किसान बड़ा खेत नहीं हो सकता खेत तभी होगा जब जुड़ेंगे तो अगर नहीं पता जो कि हो सकता है ये टर्म आप लोगों ने ना सुनी हो कॉमन ऑब्जर्वेशन से भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से एमएसपी कौन से क्रॉप्स हैं क्या इंक्लूड है वहीं से है अच्छा नाइजर टर्म सुनकर कन्फ्यूजन विदेशी टर्म लग रही होगी काला जो तिल है उसे नाइज़र कहा जाता है ठीक है भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए एमएसपी देती है वैसे भी एमएसपी में नाइजर टर्म सुनकर हमें इतना अलग लगता है कि वो वैसे भी ध्यान में रहने चाहिए कि ये इंक्लूड है तो एमएसपी जो है खरीफ में अराउंड फोर्टीन फसलों के लिए आप देखोगे सरकार एमएसपी घोषित करती है उसमें नाइजर इंक्लूड है कुछ इसमें समझने का नहीं है जनजातीय लोग इसका प्रयोग भोजन पकाने के लिए करते हैं काले तिल की मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और आप लोगों को नहीं पता हो तो काले तिल को अंधविश्वास के कारणों के चलते भी इस्तेमाल में लाया जाता है पता है जागरूक नागरिक हैं आप लोग तो आंसर आई थिंक अब आप लोगों को पता चल गया उसका कौन सा सही है कौन सा नहीं है आप पाएंगे कि इसमें तीनों ही ठीक थे ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए अमूर्त निवेश किसे माना जाएगा एक मूर्त जो दिखाई दे भौतिक परिसंपत्ति दूसरा है अमूर्त जो प्रोडक्शन को तो एनहांस करेगा लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा अमूर्त तरह से है कुछ स्किल हो गया नॉलेज हो गया कुछ भी ऐसा तो जैसे ब्रांड पहचान क्या है ब्रांड पहचान क्या है ब्रांड पहचान अमूर्त ही हुआ ना कि आपकी ब्रांड की पहचान आप देखोगे ब्रांड पहचान है तो कितनी कितनी अमाउंट पे आपकी फ्रेंचाइजी लेने को लोग तैयार रहते हैं समझ रहे हो तो वो क्या है अगर ब्रांड पहचान में आप निवेश कर रहे हो तो वो अमूर्त निवेश है ठीक है माल सूची इन्वेंट्री को कहते हैं माल सूची इन्वेंट्री इन्वेंट्री अमूर्त है इन्वेंट्री तो जो स्टॉक में चीजें वो हमें दिखाई देती हैं हाँ तो वो मूर्त हो गया आप इसको काट दीजिए बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश कर रहे हैं नॉलेज फील्ड से जुड़ा हुआ कुछ भी तो वो भी अमूर्त हो गया और मेल लिस्ट ऑफ योर कस्टमर ये भी अमूर्त जो है असेट है या अमूर्त तरह का अगर ऐसी आप कोई लिस्ट बना रहे तो वो निवेश है क्योंकि किसी भी बिज़नेस के लिए उसके कस्टमर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो अगर आपने आइडेंटिफाई किया है ऐसा कोई लिस्ट आपने बनाई है इसमें आपने निवेश किया है तो वो अमूर्त तरह का निवेश है क्योंकि ये भी फर्दर आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा तो एक को काट दीजिए जो है वही आंसर है केवल तीन ये एकदम सिंपल क्वेश्चन ये प्रश्न आपको ये बताता है कि यूपीएससी दो तीन चार साल का जो पीछे ज़्यादा करंट अफेयर चर्चित रहता है वहां से भी प्रश्न आपसे पूछ लेती है पंद्रहवा वित्त आयोग काफ़ी फेमस रहा था एक दो चीज़ नई की उन्होंने 2011 की जनसंख्या आंकड़ों का थोड़ा प्रयोग किया उनको कुछ वेटेज दिया गया ठीक है तो चीज़ें थी जिनके चलते चर्चा में रहा प्रश्न सिंपल ये है कि पंद्रहवें वित्त आयोग ने कि इनमें से क्षेत्रफल का यूज किया क्वेश्चन खुद कह रहा है कर जो है डेवोल्यूशन के लिए टैक्स डेवोल्यूशन के लिए क्या है कर अंतरण क्षैतिज और उर्द्वार दो लेवल पे होता है क्षैतिज मतलब कितना केंद्र के पास रहेगा कितना राज्यों के पास जाएगा इसका निर्धारण और जो दर और शैतिक क्या है विभिन्न विभिन्न विभिन राज्यों को किसको कितना हिस्सा मिलेगा बिहार को कितना हरियाणा को कितना यूपी को कितना इसका जो क्राइटेरिया है वो वित्त आयोग निर्धारित करता है तो आप देखोगे कि यहाँ पर बताया गया कि ठीक है एक क्राइटेरिया था जनसंख्या ठीक है जनसंख्या क्षेत्रफल और आय जनसंख्या क्षेत्रफल और आय में अंतर ये तो था इसके अलावा इनमें से और कौन से क्राइटेरिया थे जो उन्होंने इंक्लूड किए हैं तो आप देखोगे वन और पार्षती को वेटेज दिया गया कारण इसका क्या है क्योंकि जो वन पार्षिति की रक्षा करने वाले राज्य उनको लगता है कि इसकी रक्षा के चलते उनका विकास बाधित होता है तो क्यों ना उनको अतिरिक्त संसाधन दिए जाए ठीक है कर और राजकोषीय प्रयास अगर स्टेट्स अच्छा कर रहे हैं इस लेवल पर तो उसको भी इंक्लूड किया गया और जनसांख्यिकी या जनआंख्यिकी निष्पादन को भी इंक्लूड किया गया शासन सुधार या स्थिर सरकार ऐसा कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं था तो जो तीन है वो इसमें सही है कि केवल तीन तो ट्वेंटी नाइन का हमारा आंसर होगा बी अच्छा इसमें ये भी देख लेना कि किसको कितना वेटेज़ दिया गया जनसंख्या को फिफ्टीन परसेंट था एरिया को फिफ्टीन परसेंट था फॉरेस्ट इकोलॉजी को टेन परसेंट था ठीक है डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल है उसको ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट दिया गया तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना अच्छा अभी सिक्सटीन फिनेंस कमीशन चर्चा में है तो उसकी टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है आई है नहीं है ये सारी चीज़ देख लेना क्योंकि उनको दिया जाता है कि किन किन चीज़ों पर वो विचार करेंगे

माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं उनको लेकर दो बेसिक चेंज किए गए थे एक तो पहला चेंज था पहले आप देखोगे सर्विस को लेकर और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो हमारा एमएसएमई था उनके लिए कौन माइक्रो के लेवल पे आएगा कौन स्मॉल कौन मीडियम जो लिमिट्स थी वो अलग अलग थी उनको एंड कर दिया गया नए क्राइटेरिया में दूसरा चेंज क्या किया गया पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखा जाता था ठीक है कि इन्वेस्टमेंट कितना है उसके आधार पर स्मॉल और जो है माइक्रो और मीडियम को आइडेंटिफाई करते थे अब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्न आपका कितना है उसे भी इंक्लूड कर दिया गया तो माइक्रो जो यूनिट्स हैं उनके लिए निवेश की सीमा क्या है इन्वेस्टमेंट एक करोड़ देख लेना फैक्ट सही है ठीक है और टर्न ओवर करोड़ अब जो लघु हैं उनके लिए क्या किया गया है ठीक है बिल्कुल निवेश दस करोड़ से कम अगर है दस करोड़ तक है तो आप या फिर इन्वेस्टमेंट सॉरी आपका जो टर्न है वो पचास करोड़ और मीडियम अगर आपका निवेश पचास करोड़ या उससे कम है और टर्न ओवर ढाई सौ करोड़ तक या उससे कम है तब आप मीडियम की कैटेगरी में रहेंगे अब जरा प्रश्न देखिए बहुत चर्चा मेरा मतलब आई थिंक सबने सुना होगा कि ये चेंज हुआ है पढ़ा होगा उसी पर ये प्रश्न है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुरूप जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ और ढाई करोड़ के बीच है वो मध्यम उद्यम है आप देख रहे हो जो हमने डिस्कस किया मध्यम क्या क्या है निवेश 50 करोड़ और टर्नओवर आपका कितना होना चाहिए ढाई करोड़ ठीक है इसके अलावा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी ऋण प्राथमिकता क्षेत्र नहीं सभी नहीं कुछ कंडीशंस होती हैं ठीक है उनको उसको ले उसको लेकर भी एक व्यवस्था है ठीक है बस ये जान लेना कि सर्टेन कंडीशंस होती हैं अगर आप उनको फुलफिल करते हो तब इस सेक्टर को दिए गया जो लोन है वो प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत आता है तो आंसर क्या होना चाहिए कोई भी इसमें सही नहीं है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज काफ़ी अधिक चर्चा में रही यू एस डॉलर इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यू एस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम सही है या नहीं स्विफ्ट क्या है मैसेजिंग सिस्टम है बैंक्स को एक कोड मिलता है इंटरनेशनल कोई भी पेमेंट सेटल होती है तो उस कोड का यूज किया जाता है ताकि ये आइडेंटिफाई किया जाए कि कहाँ से कौन पेमेंट हो रही है ठीक है कर रहा है उसको मैच किया जाता है अब डिजिटल करेंसी है तो आप डिजिटल करेंसी में ही पे कर दोगे ठीक है आपको उसको डॉलर में एक्सचेंज नहीं करवाना पड़ेगा या स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दूसरी स्टेटमेंट ए डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद कंडीशन प्रोग्राम्ड इन इट सच एज ए टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है ये प्रश्न नहीं आया था उससे पहले भी मैं एक डिबेट पढ़ रही थी जिसमें इसी बारे में बात की गई थी कि ये जो करेंसी है ये कंडीशंस के साथ भी लोगों को दी जा सकती है कि कुछ समय बाद फिर उनके अकाउंट से वो डिसअपियर हो जाए कंडीशन क्या हो सकती है कि आपको इसको इतने ही समय में खर्च करना है या स्पेसिफिकली आप इसे इसी मर्चेंट के साथ खर्च करेंगे मतलब इसी स्पेसिफिक एक्टिविटी पर इसका एक्सपेंडिचर करेंगे एक्टिविटी मतलब कोई भी एक यूनिट है वहीं पर आप इसे खर्च कर सकते हैं वहीं पर ये डिटेक्ट होगी तो इस तरह के फीचर्स हो सकते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में ठीक है ये ये नहीं कह रहा कि है ध्यान देना ये ये नहीं बात कर रहा कि भारत जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाया है उसमें क्या फीचर है आइडिया है उसमें क्या नहीं ये तो सिर्फ बात कर रहा है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज़ हैं सिर्फ भारत की भी बात नहीं करेंसीज़ मतलब चाइना बहुत सारी जगह पर ये कोशिश हो रही है तो उसके बारे में ये स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट एक और दो दोनों सही हैं तो आंसर क्या होना चाहिए अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज तो पिछले एक दो साल से इतनी चर्चा में बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रश्न क्यों बना है बीटा किसे रेफर करता है टर्म बीटा अलग अलग प्लेटफॉर्मों से साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने किसी पोर्टफोलियो प्रबंधन की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने एक प्रकार की व्यवस्थागत जोखिम है जो वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है एक संख्यात्मक मान है जो पूरे स्टॉक बाज़ार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है ये बीटा टर्म बार बार शेयर मार्केट के संदर्भ में चर्चा में आती है बीटा मान कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक है उसका बीटा मान ये दिखाता है कि अगर कोई भी आर्थिक अस्थिरता थोड़ी भी आती है तो इस स्टॉक के प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कितना उसमें चेंज आएगा तो ये चीज़ बीटा वैल्यू जिसकी बीटा वैल्यू अधिक है मतलब अस्थिरता अधिक देखने को मिलेगी तो एक संख्यात्मक मान है एक ये संख्यात्मक मान है जो क्या दिखाता है पूरे स्टॉक बाज़ार में अगर परिवर्तन आ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्टॉक पर क्या प्रभाव पड़ेगा किसी भी कंपनी के एक पर्टिकुलर स्टॉक है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ओवरऑल शेयर मार्केट गिर रहा है या उठ रहा है तो उसके सापेक्ष ठीक है तो ये बीटा मान है बीटा मान लोग देखते हैं निवेश करने से पहले कि कोई भी अस्थिरता आती है तो क्या किसी ऐसी कंपनी का शेयर तो आप नहीं खरीद रहे हैं जो अस्थिरता के प्रति काफ़ी वनरेबल है आपने टर्म सुनी होगी मिड कैप लार्ज कैप स्मॉल कैप जो छोटी कंपनीज होती हैं आप देखोगे अच्छा रिटर्न देती हैं लोग निवेश भी करते हैं शेयर मार्केट में वो जानते होंगे लेकिन बाजार में कोई भी अस्थिरता होती है तो उसके प्रति जोखिम भी उनका अधिक होता है ये किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के लिए भी हो सकता है ठीक है तो उसी का उसी के संदर्भ में टर्म बेटा यूज होती है S -H -G, Self -Help Group. क्या पढ़ लेंगे आप लोग अच्छा ये तो फिर से कोविड महामारी रिपीटेड क्वेश्चन ऐड हो गया था अच्छा कुछ कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमी के रह गए थे जो ऐड नहीं हुए जैसे मैं बता देती हूँ कि एक क्वेश्चन था क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि वैश्विक व्यापार में भारत के व्यापार की हिस्सेदारी कितनी है और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से भी उस क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी ऐसा क्वेश्चन था ना जो कह रहा था कि वैश्विक व्यापार में भारत के जो है वस्तु व्यापार की हिस्सेदारी थ्री पॉइंट समथिंग आसपास कुछ ऐसा था तो सिंपल ये बहुत ही ब्रॉडर सेट ऑफ डेटा था आपको पता है कि ओवरऑल वैश्विक बाजार में जो है हमारे व्यापार की हिस्सेदारी दो परसेंट के आसपास और हमारा टारगेट है कि सत्ताईस अट्ठाईस तक हम तीन परसेंट के आसपास पहुंच जाएँ उसमें भी वस्तु व्यापार की हिस्सेदारी तो दो परसेंट से भी कम है सर्विस एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी हमारी फोर परसेंट के आसपास है कुल सर्विस एक्सपोर्ट में तो बहुत ही ब्रॉडर फैक्ट था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम तो आप सभी ने पढ़ी है क्या उद्देश्य है किस पर ही अप्लाई होती है तो बार बार हम एक फैक्ट देखते हैं ना कि सिर्फ इससे जो लाभ है वो घरेलू नहीं बल्कि विदेशी कंपनीज को भी मिलेगा तो सेकंड स्टेटमेंट उसी रिगार्डिंग थी एक बार आप क्वेश्चन देखना ऐसे हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिस हुए हैं एक बार किसी एक साल में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट टर्म यूज हुई थी तो बहुत चर्चा में रहती अलग अलग तरह के तेल होते कहाँ तेल का उत्पादन हो रहा है उसके आधार पर आपने ब्रेंट ऑयल सुना होगा वेस्ट टेक्सास ऑयल तो उन्हीं से जुड़ी हुई टर्म थी आगे सिंपल स्टेटमेंट थी अब आप मुझे लास्ट दो से तीन मिनट देंगे और ये बताएंगे कि ओवरऑल इकोनॉमी के संदर्भ में आपने क्या समझा प्रोलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो ठीक है क्योंकि यही सबसे जरूरी है ठीक है सबसे पहले क्या पता चला करंट अफेयर से क्वेश्चन है स्टैटिक पोर्शन से है जिसमें बेसिक तरह के प्रश्न भी हैं कंसेप्ट संकल्पना आधारित प्रश्न भी हैं करंट अफेयर से फैक्ट्स आधारित भी हैं स्कीम आधारित भी हैं कोई घटना हुई उस पर आधारित भी हैं ठीक है ये पता चला साथ ही ये पता चला कि कुछ क्षेत्रक हैं जो कंपेरेटिवली जैसे बैंकिंग सेक्टर एमएसपी पर आप देखोगे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है बैंक रेट्स ऊपर नीचे होना उससे जुड़ा हुआ फॉरेन करेंसी आना जाना आसपास के जो कंसेप्ट हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं कैपिटल और रिवेन्यू का जो क्लासिफिकेशन है मतलब कुछ एग्जाम्पल है मतलब ये टॉपिक है जहां से ज़्यादा क्वेश्चन कंपेरेटिवली पूछे जा रहे हैं तो क्षेत्रक या टॉपिक वाइज किसका कितना वेटेज है ये आपको पता चला ये आपको और जगह से भी पता चल जाता जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेचर ऑफ़ क्वेश्चन जिनके आधार पर आपका पढ़ने का तरीका निर्धारित होना चाहिए मैं चाहती हूँ कि ये लर्निंग आप लेकर जाए क्योंकि ये तो आपको कहीं से भी आप देख लेना बुकलेट क्लासिफाई क्वेश्चन मिलते हैं पता चल जाएगा कहाँ से कितने आ रहे हैं करंट अफेयर से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छा जब चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है तो ही ज़्यादा गहराई में जाया जा रहा है वरना उतनी गहराई में नहीं जाया जा रहा स्कीम अगर पूछी जा रही है तो अमूनन स्कीम पर किस तरह के प्रश्न बनते हैं कौन सा मंत्रालय है क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट आधारित प्रश्न है तो वो किस तरह के प्रश्न हैं ट्रेंड एनालिसिस वाले क्वेश्चन हैं तो जब भी आप पढ़ें डेटा मेजर एटलीस्ट टैक्स टू जी ठीक है फिजिकल डेफिसिट संबंधी हो गया ट्रेड में हमारी क्या हिस्सेदारी है मेजर सेट ऑफ डेटा है एटलीस्ट आपको उनका पिछले एक दशक पाँच वर्ष का एनालिसिस या रिसेंट पास्ट का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए जी, ठीक है हाँ ठीक है हाँ अभी एक एक आप दोनों की बात पे आती हूँ तो सबसे पहले पढ़ाई वाले पैटर्न से आपको लिंक करना है ट्रेंड आपको पता होना चाहिए जो आपका अगला पॉइंट था जो मैं यही बोलने वाली थी कि अप्लीकेशन है तो आपको भी अप्लाइड तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना खुद यू आपको इतने सालों में बीस पच्चीस क्वेश्चन अप्लाइड तरह के दे देगी और मैंने आपको बता भी दिया कि अप्लीकेशन मैक्सिमम कहाँ हो रहा है इंटरेस्ट रेट टैक्स रेट वाला फॉरेन करेंसी आ रही है जा रही है इन्फ्लेशन है रिसेशन है क्या होगा अगर इस थीम के इर्द गिर्द भी आप सोच लेंगे और कोई अप्लाइड क्वेश्चन आता है आप देखेंगे आपका सॉल्व हो जाएगा तो अप्लाइड तरह के क्वेश्चंस का जो सहसंबंध है उसके लिए तैयार रहना है साथ ही क्वेश्चन की लैंग्वेज दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है कि क्या अवसर दे रही है इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें संभावनाओं में होती हैं और जब संभावना है तो कंपेरेटिवली वो ब्रॉडर संभावनाओं को समेट लेती है लेकिन कोई चीज़ अनिवार्य है तब वो होनी ही चाहिए तभी आपके आंसर में वो आएगी तो ये सारी चीज़ें भी सीखने के लिए थी और साथ ही भाषा जिसने कहा बिल्कुल सही कहा क्योंकि टीचर का काम है आपको सरल करके समझाना जिस भाषा में यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है उस भाषा में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा लेकिन आप दोनों चीज़ों के लिए खुद को कैसे तैयार करें तो स्टैंडर्ड टर्म्स भी आप पढ़ते रहिए जैसे बुक्स में जब ऐसी टर्म्स आती हैं उन पर ध्यान दीजिए और टीचर ऐसा नहीं कि सिर्फ कंसेप्ट को ईजिली पढ़ाता है वो पहले तो टर्म ही बताते होंगे ना कि ये टर्म है और ये टर्म ये है यही प्रोसीजर होता है ना तो उस टर्म पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए साथ ही दूसरा तरीका है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग देखते रहिए ताकि वहाँ से भी पाँच सात साल के क्वेश्चन देख ले तो फेमिलरिटी हो जाएगी कि, कि किस तरह की टर्म किस चीज़ के लिए यूज हो रही है वहाँ से भी थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझने लगेंगे क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं क्वेश्चन का भाव भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में डिफिकल्ट था जो मैंने खुद कहा कि हो सकता है आपको कंसेप्ट पता हो लेकिन आप समझ ही ना पा रहे हो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं इसका एक ही सोल्यूशन है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए उनका सोल्यूशन देखिए आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाह रहा है ठीक है इजी था हाँ हमने सोचा नहीं ठीक है हाँ तो यही यही सारी चीज़ें सीखने की हैं कि आपको सोचने की अब एक डायरेक्शन मिली होगी कम्पेरिटिवली अब जब आप पेपर देखेंगे तो सोचने की कोशिश करेंगे ना थोड़ा सा ब्रेन को प्रेसराइज करेंगे वरना हम क्या करते हैं देखते ही अस्त्र शस्त्र डाल देते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है समझोगे तो अब जब आप मोक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करें ना जो क्वेश्चन नहीं आता उनके साथ भी थोड़ी सी जद्दोजहद करना कि मुझे समझ में आ रहा नहीं अब हो सकता है कि ना ही आए कुछ तो ऐसे भी क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे लेकिन कुछ में आपको आइडिया लगेगा तो यही सारी अप्रोचेज़ हैं कि जो नेचर है क्वेश्चन का क्या है कितने गहराई से पढ़ना है अप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हैं ट्रेंड वाले क्वेश्चन हैं पढ़ते टाइम उन चीज़ों पर ध्यान देना है ठीक है हमारी भाषा में कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हमें भी पता हो एटलीस्ट दोनों में से एक भाषा में पता हो अगर हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में हमें आती हो इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में हमें आती हो क्लासेस में इंश्योर कीजिए और यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स को देखकर कर इन्श्योर कीजिए और जैसे जैसे यूपीएससी के ज़्यादा क्वेश्चन आप देखते जाओगे अभी तो चीज़ें स्पीड में हुई हैं अपने लेवल पर भी आप क्वेश्चन को उठा के देखना ठीक है आप समझने की कोशिश करना कोशिश के साथ आपकी समझ धीरे धीरे विकसित होगी और अंत में यही है कि पढ़ने के साथ साथ टेस्ट भी अटैम्प्ट कीजिए क्योंकि जैसे क्वेश्चन बनते हैं आप देखो कि टॉपिक पढ़ा हुआ रहता है लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि इनका सॉल्यूशन कैसे होगा तो वो जो एबिलिटी है वो टेस्ट से ही आती है तो मॉक्स अटैम्प्ट कीजिए एक्टिवली अटैम्प्ट कीजिए और मॉक्स के साथ पोस्ट टेस्ट एनालिसिस सभी को करना है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस का सिंपल सा अर्थ ये है कि जो आपने परफॉर्म किया वैसा परफॉर्म क्यों किया कुछ क्वेश्चंस थे आपको नहीं आते थे कुछ टॉपिक्स थे जो आपने नहीं पढ़े थे पढ़ते हुए आपसे गलत हो गया है स्टेटमेंट्स में हाँ ना को आपने नहीं पढ़ा टर्म्स को या क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाए कमी कहाँ रही और उसी के अनुरूप फिर काम करना है क्योंकि सिर्फ टेस्ट देने से भी काम नहीं चलेगा जब तक अपनी कमियों पर आप काम नहीं करेंगे ठीक है तो ये कुछ बेसिक से सुझाव हैं जिन्हें आप शामिल कर सकते हैं आप देखेंगे कि आउटकम बढ़ जाएगा ठीक है इसी उम्मीद के साथ एंड करते हैं आप सभी का धन्यवाद इतने पेशेंस से चीज़ों को सुनने के लिए